तो नमस्कार सारे व्यूअर्स से, और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जुड़ जाइएगा हमारे साथ यहाँ पर। तो सभी भाई को स्वागत करेंगे। होबार्ट हरिकेन्स वर्सेज एलियट स्ट्राइकर का ये मुकाबला है। देखते हैं आज मुकाबला जो है वो कौन जीतता है। टॉस हो चुका है, एलियट स्ट्राइकर ने पहले टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी करने निर्णय लिया है। होबार्ट हरिकेन्स कर रही है यहाँ पर जो है बल्लेबाजी। देखते हैं यहाँ से किस तरीके से मुकाबला चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा, उससे पहले बात करते हैं प्लेइंग ग्राउंड की। ग्राउंड किस तरीके से यहां पर रहेगा, किस तरीके से ग्राउंड जो है मदद करेगा यहां पर टीमों को, उससे पहले आप सब लोग जान लीजिए कि ग्राउंड किस तरीके से रहेगा और पिच किस तरीके से। सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा। 38वां मुकाबला है वुमेन बिग बैश 2022 WBBL का। चलते हैं जरा टीम की तरफ, क्योंकि टॉस हो चुका है और टॉस जीता है एडलेस स्ट्राइकर ने। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है यहां पर। करेंगे अपने चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी पर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। आप सभी का स्वागत करेंगे। यहां पर एडलेड स्ट्राइकर ने टॉस जीत लिया है, पहले जो है वो गेंदबाजी करने निर्णय लिया है। यहां पर बल्लेबाजी कर रही है होबार्ट हरिकेन्स की टीम। यहां पर देखना होगा किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा, कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी। यहां पर एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है, तो आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। चलते हैं जरा अब टॉस के बाद प्लेइंग 11 की तरफ। देखते हैं प्लेइंग 11 जो है वो किस तरीके से रहेगी दोनों टीमों की। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर ग्राउंड की। 38वां मुकाबला है WBBL 2022 का। कैरन रॉल्टन ओवल में खेला जाएगा, एडलेड में खेला जा रहा है और यहां पर कैरन रॉल्टन ओवल में, तो यहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा। अमूमन ये पिच जो है वो स्पिनर गेंदबाजों को मदद करती है। क्या आज यहां पर जो है एडलेड के गेंदबाज अच्छी स्पिन कर पाएंगे या फिर होबार्ट के स्पिनर जो है वो काम कर पाएंगे। यहां पर टॉस हो चुका है, एडलेड ने टॉस जीता है, पहले यहां पर गेंदबाजी करने निर्णय लिया है। चलते हैं अब जरा प्लेइंग 11 की तरफ। देखते हैं प्लेइंग 11 में कौन कौन से बल्लेबाज और कौन कौन से गेंदबाज जो है वो टीम के अंदर है। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे होबार्ट हरिकेन्स की टीम। तो होबार्ट हरिकेन्स की जो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी है वो एलिस विलानी और लिज ली के ऊपर है। ये दोनों ओपनिंग करती हैं। तीन नंबर पे आती है मैगन डुप्रीज, चार पे होंगी हैदर ग्राम, पांच पे होंगे निकोला कैरी और छठे नंबर पे होंगी रुथ जॉनस्टन। बात करें अगर होबार्ट हरिकेन्स के पिछले मुकाबले की, तो मेलबर्न रेनेगेड्स को जो है 100 से नीचे जो है ऑल आउट किया था इनकी गेंदबाजी ने, उसके बाद चेज किया था टोटल को। अब यहां पर ओपनिंग जो बल्लेबाजी की बात करते हैं, एलिस विलानी और लिजली एक जबरदस्त बल्लेबाज है, मगर जो 6 ओवर यहां पर आराम से खेलता है, जो 6 ओवर में शायद 36 या 38 रन बनाता है, तो काफी सेफ रहता है। उसके बाद आप एक्सीलेट कर सकते हैं। तो होबार्ट हरिकेन्स के चांसेस यहां पर ये रहेंगे कि 140 से 150 रन अबव बनाया जाए, क्योंकि एडलेड की बल्लेबाजी भी काफी अच्छी है। और टीम इस प्रकार है, एलिस विलानी, लिजली, मैगन डुप्रीज, हैदर ग्राम इस टीम के अंदर है, निकोला कैरी है, रुथ जॉनस्टन है। साथ में अगर बात करें यहां पर जो है गेंदबाजी की, तो यहां पर आपको जो है थोड़ा सा जो है दिखाना पड़ेगा। यहां पर एलिस विलानी, लिजली, मैगन डुप्रीज, साथ में हैदर ग्राम, निकोला कैरी, रुथ जॉनस्टन, यहां पर सामने नॉमी स्टेनबर, हेली जेंसन, मेसी, यहां पर गिब्सन है, एमी स्मिथ है। तो यहां पर आपको 12 खाली दिख रहा है, मॉलिस टेनो है, आयमा मैक्स गिव्स है इस टीम के अंदर। अगर बात करें यहां पर प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 एक बार फिर से देख लीजिएगा। होबार्ट हरिकेन्स की एलिस विलानी, लिजली, मैगन डुप्रीज, हैदर ग्राम यहां पर खेल रही है, निकोला कैरी है, रुथ जॉनस्टन है, नॉमी स्टेनबर्ग है, हेली जेंसन है, मैसी गिब्सन है, एमी स्मिथ है, मॉलिस टेनो है, एमा मैनिक्स गिव्स इस टीम के अंदर। तो यह है पूरी प्लेइंग 11 यहां पर जो है होबार्ट हरिकेन्स की। अगर बात करें यहां पर एडलेड की टीम की, तो एडलेड की प्लेइंग 11 आप सब लोग देख लीजिएगा। एडलेड की प्लेइंग 11 में आपको केटी मैक देखने को मिल जाएंगे, उनके साथ ओपनिंग करेंगे देव डॉटिन। तो यह है ओपनिंग जोड़ी यहां पर जो है एडलेड स्ट्राइकर की। तीन नंबर पे आती है लॉरा वुलवराट और चार नंबर पे होंगे टाइला मैगराथ। टाइला मैगराथ पिछला मुकाबला खेल रही थी, मगर आज इस मुकाबले में वापसी करी है। बढ़िया ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करती है, गेंदबाजी भी अच्छी करती हैं। कप्तानी जो है वो आज केटी मैक कर रही है यहाँ पर एडलेड स्ट्राइकर की। साथ में ब्रिजेट पैटरसन है और मेडलिना पैना है। तो बैटिंग काफी अच्छी दिख रही है यहाँ पर केटी मैक और डेनिस डॉटिन है, साथ में लॉरा वुलवराट है, साथ में यहाँ पर टाइला मैगराथ, ब्रिजेट पैटरसन और मेडलिना पैना है। अगर बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की, तो अमेंडा जेट वेंटन बढ़िया गेंदबाजी कर रही है, हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट की। स्पिन गेंदबाजी में फंसाया है बल्लेबाजों को। साथ में है टैगन मैकफ्रिन इस टीम के अंदर है, साथ में जेमा बार्सवी इस टीम के अंदर है, मैगन सचेट इस टीम के अंदर है, डार्सी ब्राउन इस टीम के अंदर। तो यह है पूरी प्लेइंग 11 एडलेड की टीम की। तो एडलेड की प्लेइंग 11 आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। इस टीम के अंदर आपको केटी मैक, देवेंद्र डॉटिन, साथ में लॉरा वुलवराट डॉट देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहां पर आपको जो है टाइलर मैगराथ, ब्रिजेट पैटरसन और उनके साथ साथ आपको देखने को मिल जाती है मेडलिना पैना। तो ये है यहाँ पर पूरी प्लेइंग 11 यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है
यहाँ पर जो है जो आपने 12 प्लेयर देखे थे, एमा मैग्निस जो है वो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर, जो सब्स्टिट्यूट गेंदबाज है, शायद अभी बताएंगे इसके बारे में भी आगे आपको। इसके बाद यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन है, टैगन मैकफील है, जेमा बार्सबी है, मैगन सचेट है और डार्सी ब्राउन है इस टीम के अंदर। तो यह है पूरी प्लेइंग 11 यहाँ पर 38वां मुकाबला है WBBL 2022 का। यहाँ पर कैरन लॉल्टन ओवल एडिलेड में खेला जाएगा यह मुकाबला। आपसे कुछ ही देर बाद 12:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। अब बात करते हैं मौसम की, भाई मौसम यहाँ पर किस तरीके से रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा, यहाँ पर उम्मीद यही है कि एक जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, 22.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है यहाँ पर। साथ में 51% ह्यूमिडिटी है, 3% चांसेस है बारिश होने के। देखिए उम्मीद नहीं है आज के मुकाबले में बारिश होगी, क्योंकि कल जो है बारिश के चलते मैच धुल गया था मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर का, मगर आज धूप खिली हुई है। धूप खिलने के बाद कहीं ना कहीं स्पिनर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि पिच में जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाती है पिच। तो यहाँ पर यह पिच भी जो है स्पिनर गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। तो शायद यहाँ पर तीन स्पिनर गेंदबाज अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं, साथ में तीन तेज गेंदबाज भी रख सकते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर आपको मिल जाएगा। मगर अमेंडा जेड वेलिंगटन को टीम में जरूर रखेगा, बढ़िया फॉर्म में है, बढ़िया विकेट चटका रहे हैं। तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, 22.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उम्मीद करेंगे पूरे 40 ओवर का खेल हमें यहां पर देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर अब हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। अगर हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर पिछले जो 10 मुकाबले हुए हैं हॉबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स वर्सेस एडिलेड वुमेन्स के, तो 10 के 10 मुकाबले जो हैं वो यहाँ पर एडिलेड जीते हैं। हॉबार्ट को एक बार भी मौका नहीं दिया है अपने सामने जीतने का, और इस बार भी एडिलेड की टीम काफी अच्छी लग रही है, काफी जबरदस्त लग रही है। मुझे लग रहा है कि शायद आज भी जो एडिलेड जीत सकती है, मगर हॉबार्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। यहाँ पर टीम हमारी एडिलेड होगी, उम्मीद करेंगे एडिलेड जो है इस मुकाबले को जीते। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। हेड टू हेड में पलड़ा जो है वो काफी भारी है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम की। बात करते हैं यहां पर जरा अब रीसेंट परफॉर्मेंस की। देखिए रीसेंट परफॉर्मेंस दोनों टीमों का बैलेंस दिख रहा है। हॉबार्ट हरिकेन ने पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जो है वो जीते हैं। यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स ने जो है यहां पर पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीते हैं। तो दोनों टीम का रीसेंट परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर है, और दोनों टीमें जो है रीसेंट परफॉर्मेंस में काफी बेहतर कर भी रही हैं। तो उम्मीदें यही है यहां पर कि बढ़िया यहां पर मुकाबला देखने को मिले, मगर यहां पर मैं फिर से आपको बता दूं कि स्पिनर गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद जो है वो ज्यादा मिलती है, इसीलिए स्पिनर गेंदबाज अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर रखिएगा। यहां पर बात करते हैं यहां पर पिच की, भाई पिच किस तरीके से रहेगी। यहां पर बात करें यहां पर पिच की, तो 19 मुकाबले टोटल खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम 53% मुकाबले जीती है, चेज करती हुई टीम यहां पर 37% मुकाबले जीती है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 146 है और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 130 है। यहां पर जहां पर चेज करना काफी आसान रहता है। अगर मैं बात करूं रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो यहां पर मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला खेला गया था एडिलेड स्ट्राइकर, जहां पर एडिलेड स्ट्राइकर ने जबरदस्त चेज किया था। यहां पर काफी मुकाबले एडिलेड खेल चुकी है। अगर विनिंग टोटल अगर मान के चले तो यहां पर अगर 150 प्लस स्कोर खड़ा कर दिया जाए तो आसान नहीं होता है चेज करना इस पिच के ऊपर, अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो। मगर यहां पर मुझे लगता है कि एडिलेड स्ट्राइकर जो है जो भी टोटल हॉबार्ट हरिकेन्स बनाएगी उसको चेज करेगी। तो यहां पर स्टैट्स तो ये कह रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ज्यादा मुकाबले जीती है बृहस्पत चेज करते हुए, मगर हॉबार्ट हरिकेन्स के पास भी अच्छे बल्लेबाज है, एलेस विलानी है, लिजी ली है, मेगन डुप्रीज है यहां पर। मगर आप एडिलेड को भी कम मत आंकिएगा, वहां पर टाइलर मैगराथ, डेविन डॉटिन और लॉरा वुलडार्ट है, साथ में केटी मैक भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वहां पर। तो ओपनिंग जोड़ी काफी अच्छी है एडिलेड की। साथ में अगर हॉबार्ट की बात करें तो हॉबार्ट को एक अच्छी शुरुआत करनी होगी, अगर अच्छी शुरुआत करेंगे तभी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे इस मुकाबले में। बाकी अब देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले को। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। यहां पर बता दिया है कि यहां पर हम एडिलेड स्ट्राइकर को सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। अगर हम पिच की बात करें तो देखिए जैसे मैंने बताया कि स्पिनर गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद करती है। यहां पर 43 विकेट जो है वो स्पिनर गेंदबाजों ने चटकाए हैं, 31 विकेटें जो है वो तेज गेंदबाज चटकाए हैं, 42% विकेटें जो है वो तेज गेंदबाज चटकाते। तो यहां पर स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा रहा है। जब भी हम देखेंगे तो यहां पर अमेंडा जेड वेलिंगटन की विकेटें आती हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात करें जो मेलबर्न रेनेगेड के साथ खेला गया था, तो अमेंडा जेड ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था वहां पर, तकरीबन 5 विकेट छटकाए थे इसी पिच के ऊपर, 4 ओवर पूरे भी नहीं किए, सिर्फ 8 रन दिए थे। इस पिच पे अमेंडा जेड वेलिंगटन काफी बढ़िया आपके कप्तान भी रह सकती है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छी करती है, और साथ ही साथ धूप खिली हुई है तो पिच में जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है, और पिच जो है काफी हद तक स्पिनर गेंदबाजों को मदद करती है। तो यहां पर आप अपनी टीम के अंदर 3 स्पिनर गेंदबाज और 3 तेज गेंदबाज रख सकते हैं। एक ऑलराउंडर की भूमिका में डेविन डॉटिन को टीम में रख सकते हैं, क्योंकि वही तेज गेंदबाजी करती है, बाकी तो 2 तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर
40 गेंदबाज आपकी पूरी बॉलिंग टीम बन जाएगी बैटिंग के लिए। बैटिंग के लिए यहां पर लॉरा वुलवर्ट के लिए पिच काफी अच्छी रहेगी। इस पिच पर पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। बाकी यहां पर लॉरा वुलवर्ट अच्छी रहेंगी बल्लेबाजी करने के लिए। अगर मैं हॉबार्ट हरिकेन्स के लिए कहूं तो हॉबार्ट हरिकेन्स के लिए हैदर ग्राम अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। यहां पर आप टीम के अंदर जो है वैसे तो देखा जाए मेगन डुप्रीज काफी फॉर्म में नहीं है, मगर अच्छा खेलती है। अगर अच्छा खेलेंगे तो टीम अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। तो यह पूरा ग्राउंड का ब्यौरा यहां पर बताया आपको, जो चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई ग्राउंड किस तरीके से रहेगा, पिच किस तरीके से बिहेव करेगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। स्कोर क्या रहेगा भाई, देखिए स्कोर रहेगा 130 से लेकर 150 के बीच में, क्योंकि यहां पर अगर स्पिन होगी गेंद तो आप ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं सकते। अगर यहां पर 140 से 145 रन अगर बन जाए तो एक अच्छा टोटल हो सकता है इस पिच के ऊपर खेलने के लिए। स्कोर के हिसाब से यहां पर 130 से लेकर 150 के बीच में कहूंगा, 125 से लेकर 140 145 के बीच में स्कोर रखिएगा, क्योंकि विकेट जाएंगे, क्योंकि जहां पर स्पिन होता है वहां पर रन कम बनते हैं। तो यही पिच है, मुझे लगता है कि आज थोड़े से कम बनते नजर आ सकते हैं इस पिच के ऊपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ डेल्टन 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक शेयर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपए है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपए का है, तो 100 रुपए डिपॉजिट करके आप यहां पर खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो खेलिए और जीतिए डेल्टन 7 ऐप के साथ। मिनिमम यहां पर 15 मिनट के अंदर विड्रॉल जो है बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक शेयर मैंने पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, यूजर रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहां पर हमारे लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं और मान लीजिए पहले डिपॉजिट करते हैं और पहली बैट करते हैं, मान लीजिए पहली बैट आप हार भी गए तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके लिए आपको जरूरी यही है कि हमारे लिंक के थ्रू आईडी क्रिएट करिए, क्योंकि क्रिकेट लाइव हिंदी के व्यूअर्स के लिए यह ऑफर है। 777 रुपए तक का रिफंड आपको मिल सकता है। रिफंड लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लाइव चैट के अंदर मैं दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है ग्रुप एडमिन को अपने बैट स्लिप दिखाइएगा, आपको आपकी बैट का पैसा जो है वो रिफंड मिल जाएगा। जाके खेलिए और जीतिए डेल्टन 7 ऐप पे, और सारे मुकाबले आप लाइव भी देख सकते हैं डेल्टन 7 ऐप पे। जो लोग डेल्टन 7 पे खेल रहे हैं उनके लिए एक वीआईपी ग्रुप बनाया गया है, तो आप वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से खेलिएगा और जीतिएगा। ट्राई इंटरेशन जो ट्रस्टेबल वेबसाइट है, खेलिए और जीतिए डेल्टन 7 ऐप पे, और यहां पर मजा आएगा इस मुकाबले में, क्योंकि एडिलेड वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स का ये मुकाबला है। दोनों टीमें जबरदस्त तरीके से खेलना चाहेंगे, बस कुछ ही समय में आपको यहां पर मुकाबला जो है वो शुरू होते हुए नजर आ जाएगा। तो यहां से कोशिश यही रहेगी दोनों टीमों के मुकाबले को जीता जाए। पॉइंट्स टेबल जैसा कि मैंने बताया आपको, पॉइंट्स टेबल के अंदर तीसरे पायदान पर एडिलेड बनी हुई है और पांचवें पायदान पर होबार्ट हरिकेन्स। अगर होबार्ट हरिकेन्स आज का मुकाबला जीतती है तो वो चौथे पे आ जाएंगे, मगर यहां पर अगर एडिलेड जीतती है तो वो टॉप पे चले जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। यहां पर कोशिश यही है दोनों टीमों की भाई कि मैच को जीता जाए और टॉप टू के अंदर जो है वो क्वालिफाई किया जाए। मगर होबार्ट हरिकेन की जिस तरीके से शुरुआत हुई थी थोड़ी सी खराब थी, मगर अभी भी उनके पास चांसेस हैं कि आगे जाया जाए यहां पर और आगे की तरफ बढ़ा जाए। बस कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होगा। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को करिए लाइक। एक बार मैं फिर से आपको जो है यहां पर प्लेइंग यहां पर जो है बस मुकाबला शुरू होने वाला, चलते हैं यहां पर दिखा दिया आपको। बस यहां पर थोड़ी ही देर में आपको प्लेयर जो है ग्राउंड के अंदर एंटर करते हुए नजर आएंगे। एक जबरदस्त मुकाबला देखने को यहां पर उम्मीद रहेगी, जबरदस्त मुकाबला हो जाए, काफी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। 627 रन अविनाश अरोड़ा भाई, 627 रन बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लिजिली और एलिस विलानी दोनों ही जो है तेज खेलना पसंद करते हैं, और एवंडा जेड वेलिंगटन को भी टीम में रखिएगा भाई। इस पिच पे पिछले मुकाबले जब खेला था तो 5 विकेट चटकाए थे, मुझे लगता है कि आज भी 2 या 3 विकेट जो है वो निकाल के दे सकती है अपनी टीम को। और होबार्ट की बल्लेबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मानी जाती है, स्ट्रांग बल्लेबाजी एडिलेड की है। चलिए प्लेयर जो है वो ग्राउंड के अंदर आना शुरू कर रहे हैं इस मुकाबले में, देखते हैं अब किस तरीके से गेम चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक करते रहिए। बस मुकाबला शुरू हो रहा है, WBBL वन बिग बैश 2022 का 38वां मुकाबला। एलिस विलानी लिजी ली ग्राउंड के अंदर आ चुकी हैं, धूप काफी तेज खिली हुई है यहां पर, तेज गेंदबाज मैगन सचेट के हाथ में है गेंद। कप्तान बात करती हुई केटी मैक किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, किस तरीके से फील्ड को रखेगी यहां पर, आप देखते हैं आगे क्या होता है इस मुकाबले में। जुड़े रही हमारे साथ इस मुकाबले में एलिस विलानी और लिजी ली, दोनों जो है वो बल्लेबाजी करने आई है, जबरदस्त बल्लेबाजी करती है लिजी ली और एलिस विलानी, इनसे अच्छी शुरुआत करनी होगी तभी इस मुकाबले में जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी होबार्ट हरिकेन्स की टीम। कोशिश तो यही करेंगी यहां पर टीमें कि अच्छा प्रदर्शन किया जाए और एक कांटे वाला मैच। यार अभी तक वुमन बिग बैश में ना काफी मैचेस हमने देखे, क्लोज मैच नहीं देखा, आखिरी ओवर फिनिश नहीं देखा, तो क्या आज आखिरी ओवर फिनिश देखने को मिल जाएगा। मैगन सचेट के हाथ में गेंद, स्लिप कोई रखी नहीं है यहां पर, स्ट्राइक ले रही है यहां पर लीजिली लेंगी स्ट्राइक, मैगन सचेट के हाथ में गेंद है।
मुकाबला हो रहा है शुरू, यहां पर देखते हैं कौन सी टीम किस पे जो है वो भारी पड़ती है। पहली गेंद मैगन सचेट की ओवर की स्ट्राइक पे है लीजिली ऑस्टन के बाद, ये गेंद डिफेंस कर लिया, इस गेंद को कोई मौका नहीं रन बनाने का। बढ़िया ये गेंद थी, इस बार शुरुआत काफी जबरदस्त यहां पर मैगन सचेट की, बिल्कुल सटीक लाइन पे ये गेंदबाजी और कोई भी मौका नहीं यहां पर मैगन डुप्रीज के पास रन बनाने करिए यहां पर लीजिली के पास रन बनाने का। देखिए अगर होबार्ट हरिकेन्स को यहां से अच्छा खेलना है, अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि शुरुआत अच्छी किया जाए, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। इस बार लेक्सटम पे ये गेंद थी, खेल दिया उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर लीजिली को, खाता खुल जाएगा लीजिली और होबार्ट हरिकेन्स का एक रन बिना किसी नुकसान के दो गेंदों की समाप्ति के बाद। बढ़िया ये मुकाबला चलने की उम्मीद रहेगी, चाहेंगे कि यहाँ से एक बढ़िया मुकाबला हो। आज धूप काफ़ी खिली हुई है तो बारिश होने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया का मौसम भाई कभी भी खराब हो सकता है। यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, स्ट्राइक पर मौजूद है अब एलिस विल्लानी, गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर मैगन सचेट, ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी करती हैं, देखते हैं अब यहाँ से किस तरीके से खेलती हैं। अगली गेंद मैगन सचेट की, इस बार ऑस्टम पर सफल किया था एलिस विल्लानी ने, गेंद स्टम्प के ऊपर से निकल गई, यहाँ पर बढ़िया स्विंग देखने को मिला है, पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी, उछाल लिया था इस गेंद ने, फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश यहाँ पर एलिस विल्लानी की, कोई मौका नहीं रन बनाने का। यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी, इस बार बढ़िया ये गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद थी, शफल करके ऑस्टम की तरफ आई जरूर मगर पूरी तरीके से बीट कर दिया, चारों खाने को चित कर दिया यहां पर जो है एलिस विल्लानी को। अगली गेंद चौथी गेंद मैगन सचेट की, फिर से अंदर आती हुई गेंद, थोड़ा सा ऑस्टम पे जाके रूम बनाने की कोशिश थी यहां पर, थोड़ा सा उसको खेल दिया पॉइंट की दिशा में, कोई मौका नहीं रन बनाने का। स्कोर अभी भी यहां पर जो है वो हो चुका है, स्कोर हो चुका है यहां पर एक रन बिना किसी नुकसान के चार गेंदों के बाद। प्रशवा भाई कह रहे हैं हु विल विन, भाई देखिए मेरी तरफ से मैं सपोर्ट करूंगा एडिट स्ट्राइक को। जीटी ट्रेड भाई कह रहे हैं यहां पर चलो गुड कमेंट्री भाई, ओह जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगली गेंद इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद को डिफेंस कर लिया है। अमूमन देखा गया है अभी तक जो पहली गेंद थी वो सिर्फ आउटस्विंग थी, मगर जो लगातार चार गेंदें करी हैं, एक गेंद लीजिली को और बाकी तीन गेंदें जो हैं वो एलिस विल्लानी को, वो अंदर लाने की कोशिश कर रही हैं। यहां पर मैगन सचेट गेंद को अंदर की तरफ स्विंग करा रही हैं और डिफेंस कर रहे हैं बल्लेबाज, यहां पर जो है कोई कट और पुल लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, खासकर पुल लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है यहां पर। देखते हैं अब गेंद किस तरीके से करती है यहां पर अगली गेंद, इस बार आखिरी गेंद ओवर की, इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद थी, इस बार इनसाइड एज लगा, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है सर्कल के अंदर, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है एक ओवर की समाप्ति के बाद एक रन बिना किसी नुकसान के। यहां पर स्ट्राइक पे होंगे लीजिली और देखते हैं गेंदबाजी कौन करता है दूसरे ओवर की। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। वुमेन बिग बैश 2022 का यहां पर जो है 38वां मुकाबला है, होबार्ट के लिए भी जीतना जरूरी है, क्योंकि जितना ये क्लोज, जितना आखिरी तरफ बढ़ रहा है टूर्नामेंट, हर टीमें चाहेंगी कि अपना मुकाबला जो है वो जीता जाए और यहाँ से दबाव बनाया जाए। अब देखते हैं दबाव बना पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दिया, यू आर कूल ब्रदर, थैंक यू। प्रशुआ भागाने भाई आप जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, इस तरीके सपोर्ट करते रहिए, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मैगन सचेट का ओवर खत्म हो गया, क्या यहाँ पर किसी और स्पिनर गेंदबाज को लाया जाएगा या फिर तेज गेंदबाज सही गेंदबाजी कराएंगे? जी हाँ, दूसरा ओवर भी तेज गेंदबाज को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। प्रवीण भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, करें मिश्रा जी नमस्कार, नमस्कार प्रवीण भाई, कैसन बा बढ़िया बा। संजीव भाई भी नमस्कार करें, संजीव गिरी जी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगली गेंद बार तेज गेंदबाज की, फटकी हुई गेंद पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए, पहला चौका होबार्ट की इस पारी का लगा दिया है लीजिली ने। बढ़िया ये शॉट था, खराब ये गेंद थी, काफी शॉर्ट पिच गेंद करने की कोशिश थी मगर गेंद जब तक बल्लेबाज तक पहुंची पूरा मौका मिल गया था लीजिली को पुल लगाने का और चौका बटोरा इस गेंद पर लीजिली ने और स्कोर पहुंचाया होबार्ट हरिकेन्स का पांच रन बिना किसी नुकसान के। खराब गेंदबाजी यहां पर, शुरुआत काफी खराब करी है यहां पर डार्सी ब्राउन एक अच्छी गेंदबाज है, इस बार देखना होगा अगली गेंद को किस तरीके से खेलती है। दूसरी गेंद यहां पर स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज लीजिली, ऑस्टन के बाहर यह गेंद थी, ड्राइव करने गई थी और यहां पर कोई मौका नहीं रन बनाने का। स्कोर अभी भी यहां पर पांच रन बिना किसी नुकसान के 1.2 गेंदों के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा। स्वप्निल आचार्य भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ स्वप्निल भाई, मिश्रा जी बहुत सुखी हूँ। अरे प्रणव भाई सुखी नहीं है, दुखी है थोड़ा सा, कुछ मैचेस जो है वो उड़ नहीं रहे, मेरे को काफ़ी व्यूअर के मैसेज आ रहे हैं यार कुछ मैच उड़ नहीं रहे हैं भाई, मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ एक अच्छा ट्रेड वाला मैच मिल जाए और मिल नहीं रहा है। अगली गेंद बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर यहाँ पर ड्राइव लगाने गई, गेंद गई कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, रन नहीं मिलेगा यहां पर, कोशिश यही है। जुड़ गया हूं भाई, थैंक यू सबले भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चार बॉल तीन रन डिफेंस भाई, बिल्कुल सही बात है।
स्कोर हो चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। 1.3 गेंदे हो चुकी हैं। कोशिश यही है बल्लेबाजों की कि यहां से तेजी से रन बनाया जाए, क्योंकि 4 ओवर का पावर प्ले होता है और 2 ओवर का पावर सर्च होता है। अगली गेंद इस बार डार्सी ब्राउन के ओवर की, ऑफस्टंप के बाहर ये गेंद, ड्राइव लगाने गई, यहां पर आउट स्विंग की डिलीवरी, कोई मौका नहीं यहां पर रन बनाने का। जो है अब जो है यहां पर लिज़ ली के पास बढ़िया गेंदबाजी, इस बार आउट स्विंग कराया है और कहीं ना कहीं बीट कर दिया है इस गेंद पर। बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, काफी लंबा स्विंग देखने को मिला है इस बार, एंगल के साथ भी गेंद बाहर की तरफ निकली और अच्छी विकेट कीपिंग कीपर द्वारा यहां पर गेंद को फील्ड किया। कोई मौका नहीं दिया है रन बनाने का। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहां पर 5 रन बिना किसी नुकसान के। 1.4 गेंदें हो गई हैं, 5वीं गेंद लेकर चल रही हैं यहाँ पर डार्सी ब्राउन, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रही है। इस बार फिर से ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, ड्राइव लगा दिया, गेंद गई सीधा मिड ऑफ के सर के ऊपर से, 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये चौका लगा दिया इस गेंद पर, जबरदस्त ये गेंद थी मगर उससे बढ़िया ये शॉट था। इस बार डार्सी ब्राउन ने गेंद को आगे रखने की कोशिश करी, पड़ने के बाद गेंद सीधा बल्ले की तरफ आई और ड्राइव लगाकर मिड ऑफ के सर के ऊपर से चौका बटोर लिया यहां पर लिज़ी ली ने। 5वीं गेंद पर आता हुआ चौका, स्कोर पहुंच गया यहां पर 9 रन बिना किसी नुकसान के 1.5 गेंदों के बाद। तो ये दूसरा ओवर चल रहा है, लिज़ी ली ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो बड़े शॉट यहां पर लगाते हुए नजर आएंगी। देखना होगा किस तरीके से करती है। अगली गेंद इस बार ऑस्टन के बाहर, ये गेंद हल्का सा कट करने गई, बीट हो गई इस गेंद पर, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई मौका नहीं यहां पर रन बनाने का। स्कोर की अगर बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 9 रन बिना किसी नुकसान के। शुरुआत अच्छी करनी होगी, उसी शुरुआत के लिए बिल्कुल दोनों बल्लेबाज तैयार है। एलएस विलानी जो है, जो बल्लेबाज है एलएस विलानी, वो शुरुआत में थोड़ा धीमा खेलती है, उसके बाद जो है अपने रुख दिखाती है, बड़े बड़े शॉट खेलती है, मगर अगर यहां से बड़ा स्कोर खड़ा करना तो लिज़ी ली को एक तूफानी पारी खेलनी होगी। शुरुआत अच्छी हुई है, 2 चौके लगा चुकी है लिज़ी ली पिछले ओवर में, इस ओवर में चाहेंगे कि बड़े शॉट लगाएं। क्या अब स्पिनर गेंदबाज को लेकर आया जाएगा या फिर जो है यहां पर तेज गेंदबाज के साथ जाया जाएगा? जी हां, मैगन सचेट के साथ ही गई है यहां पर केटी मैक। अगली गेंद तीसरे ओवर की पहली गेंद, सामने है लसलानी, इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, इसको दिल स्कूप खेलने की कोशिश, फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश, आउट इनसाइड एज लगा, विकेट कीपर ने डाइव जरूर लगाई गेंद को रोकने की मगर रोक नहीं पाए, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर एलएस विलानी को, स्कोर पहुंच जाएगा यहां पर 10 रन। तो एलएस विलानी भी अब थोड़े से अपने जो है वो हाथ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये मैच कहां देख रहे हो, देख सकते हैं भाई क्रिकेट फैन भाई, ये मैच आप फैनकोर पर भी लाइव देख सकते हैं, सोनी लिव एप्लीकेशन पर भी लाइव देख सकते हैं और डेल्टिन 7 ऐप पर भी लाइव देख सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैगन सचेट की है शॉर्ट पिच, गेंद पुल कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है यहां पर, 1 रन मिल जाएगा यहां पर जो है यहां पर लिज़ी ली को, स्ट्राइक पे आ गई है एलएस विलानी। एक भाई पूछ रहे बारिश की कोई संभावना है, भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कुलशेवर भाई, साहू भाई बिल्कुल बारिश नहीं है यहां पर, धूप बिल्कुल प्रॉपर खिली हुई है मगर 3% चांसेस बारिश होने के हैं, बहुत ही कम है। चलिए अगली गेंद मैगन सचेट की, इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद, इन साइड एच लगा, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, थोड़ा सा बल्ले को चलाने की कोशिश जरूर की थी मगर जिस तरीके से गेंद कर रही है यहां पर मैगन सचेट, रूम नहीं दे रही है बल्लेबाजों को। तो 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में यहां पर होबार्ट हरिकेन्स के, और स्कोर पहुंच जाएगा होबार्ट हरिकेन्स का यहां पर जो है 12 रन बिना किसी नुकसान के। 2.3 गेंदें हो चुकी हैं, बढ़िया यहां पर गेंदबाजी मैगन सचेट की, कोशिश ये कर रही है गेंद को अंदर लेके आए, पैड या फिर विकेट पे जो है टकराई गेंद और एक सफलता मिले, मगर शुरुआत काफी संभली हुई यहां पर लिज़ी ली की, मगर आज लिज़ी ली का मूड कुछ अलग है क्योंकि जिस तरीके से लिज़ी ली ने शुरुआत करी है, कोशिश ये करी है कि बड़े शॉट लगाए जाएं और यहां पर जो है मुकाबले में आगे बढ़े जाए। सुरेश रेडी प्रिडिक्टर भाई, ये सब चीजें मत करिए, यहां पर कोई फायदा नहीं। चलिए अगली गेंद, फिर से शॉर्ट पिच, गेंद पुल कर दिया, गेंद को इस बार एलएस विलानी ने, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया ये शॉट था इस बार एलएस विलानी का, कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यही कि बड़े शॉट लगाकर यहां पर रन बटोरे जाए और रन बटोर भी रहे हैं, 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। होबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है 2.4 गेंदें हो चुकी हैं और यहां पर कोशिश यही है लिज़ी ली ने यह शॉट लगाया, एलएस विलानी ने नहीं, लिज़ी ली ने यह शॉट लगाया है और चौका बटोरा है। अगली गेंद देखते हैं 5वीं गेंद किस तरीके से करती है मैगन सचेट को, 5वीं गेंद इस बार ऑस्टन के बाहर रखी थी गेंद को, इस बार फिर से थोड़े से शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस बार ऑस्टन की गेंद को घसीट के लेके आई है मिड विकेट दिशा में और चौका बटोर लिया है। बढ़िया यहां पर बैट का फॉलो थ्रू रहा
भाप लिया था कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे ऑस्टन के बाहर और बैकफुट पर जाके जो है बिल्कुल गेंद को ऑस्टन के बाहर से घसीट कर जो है मिड विकेट बाउंड्री में चौका बटोर लिया है। तो यहां पर 20 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 2.5 गेंदें हो चुकी हैं। आखिरी गेंद मैगन शटर की उस ओवर की अंदर आती हुई गेंद, इस बार डिफेंस कर लिया इस गेंद को जो है लिजी ली ने, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो 20 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान में। आज लग रहा है कि शायद कुछ जो है वुमेन्स के मैचेस चल रहे हैं, जिस तरीके से शुरुआत करी है लिजी ली ने, विकेट की तलाश में घूम रही है यहां पर एडिलेड की टीम, मगर क्या विकेट मिल पाएगी देखना होगा। मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा, उम्मीदें यही है। क्या यहां पर अब स्पिनर गेंदबाज को लाया जाएगा, क्योंकि हल्की फुल्की जो ब्राउनिश घास देखने को मिल रही है, क्या ये दिखावटी घास है, क्योंकि स्विंग तो हल्का फुल्का देखने को मिला है, अंदर आती हुई गेंदे हुई हैं, स्विंग गेंदे हुई हैं, मगर उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। बल्लेबाजों ने बिल्कुल जम के बाउंड्रीज बटोरी है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं 20 रन बिना किसी नुकसान के। 4th ओवर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, इसके बाद आपको जो है यहां पर जो है यहाँ पर आपको जो है सिर्फ 1 ओवर का पावर प्ले और देखने को मिलेगा, उसके बाद 2 ओवर का पावर सर्च मिल जाएगा। ऐसे करते हैं, चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। इस बार सामने मौजूद है यहाँ पर एलेक्स विला ने डार्सी ब्राउन के अंदर आती हुई गेंद, इस बार डिफेंस कर लिया, बढ़िया ये गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया, बिल्कुल चारों खाने छित सा कर दिया एलेक्स विलानी को, बिल्कुल डिफेंस करके गेंद को अंदर लाने की कोशिश थी, मगर इस बार भांप लिया था एलेक्स विलानी ने, इसलिए बल्ले को अपने पैर से ज़्यादा दूर लेके गई नहीं थी, इसलिए इस गेंद को डिफेंस कर दिया। 4th ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और इस ओवर में आपको जो है कुछ बड़े शॉट चाहिए होंगे। चलिए अगली गेंद की तरफ, डार्सी ब्राउन की दूसरी गेंद, इस बार रूम बनाया था, ड्राइव लगाने की कोशिश थी, बीट कर दिया इस गेंद पर, ऑस्टन के बाहर रखी थी गेंद की, अगर अंदर की तरफ गेंद होती थी शायद क्लीन बोल्ड हो जाती, मगर ये ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, ड्राइव लगाने गई और कोई मौका नहीं मिला इस गेंद पर। यहाँ पर बढ़िया गेंद थी। स्कोर की अगर बात की जाए तो 20 रन बने हुए हैं, 3.2 गेंदों का खेल हो चुका है। कोशिश यही कर रही है बल्लेबाज कि बड़े शॉट्स लगाए जाएं, मगर बड़े शॉट्स लगाने में काम बढ़िया बन नहीं रहा है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, डार्सी ब्राउन के ओवर की अगली गेंद, इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, ड्राइव लगाया, आउटसाइड एज लगाया, गेंद जा रही है सेकंड स्लिप की दिशा से थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर ने दौड़ के गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे एलेक्स विलानी। यहाँ पर 2 रन मिलते हुए एलेक्स विलानी और हवा ठरी केन्स को, स्कोर हो चुका है 22 रन बिना किसी नुकसान के। 3.3 गेंदें हो चुकी हैं, शुरुआत अच्छी हुई है, आज थोड़ा सा चांस ले रहे हैं बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए, और अच्छी सोच भी है कि इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, और एडिलेड के लिए यहां पर एक बड़ा स्कोर चेस करना आसान नहीं होगा। अगली गेंद पर फिर से अंदर आती हुई गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया इसको यहां पर मिड ऑन की तरफ, 1 रन मिल जाएगा तेजी से पूरा करते हुए यहां पर एलेक्स विलानी सिंगल को, और स्कोर पहुंच जाएगा यहां पर 23 रन बिना किसी नुकसान के 3.4 गेंदों के बाद। खेल हो गया भाई, देखो भाई टेंशन मत लीजिए, खेल बढ़िया चलेगा, मजा आएगा इस मुकाबले में। डकोटा भाई आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को एंजॉय करना है इस मुकाबले को। अगली गेंद बार और यहां पर डार्सी ब्राउन की शॉर्ट पिच गेंद, पोल कर दिया, इस बार कैच नहीं पकड़ पाई यहां पर फील्डर, स्क्वायर लेग बाउंड्री, फील्डर रखा जरूर था मगर हाथ से गेंद लगी और सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद करी थी यहां पर डार्सी ब्राउन ने, लिजी ली को पुल करा इस गेंद पर, टॉपेज जरूर लगा था मगर ताकत इतनी थी शॉट के अंदर की बाउंड्री क्रॉस कर जाए, और बाउंड्री क्रॉस कर गई। एक बार कैच का मौका था मगर काफी डिफिकल्ट मौका था, जंप जरूर लगाया था स्क्वायर लेग के फील्डर ने, गेंद हाथ से उंगलियों से सिर्फ टच हुई और बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो यहां पर अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, बड़े शॉट लगाने की मंशा जमा दी। अगली गेंद इस बार स्लो वन गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया, ड्राइव लगाया इस गेंद को, गेंद जाती रिकवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। यहां पर आखिरी गेंद डॉट गेंद है, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 29 रन बिना किसी नुकसान के। होवा ठरी केन्स का स्कोर है और जिस तरीके से लिजी ली खेल रही है कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है एडिलेड स्ट्राइकर के लिए, क्योंकि लिजी ली का बल्ला जो है वो रुकता नहीं है, जब वो बड़े शॉट खेलती है तो वो बड़े शॉट ही खेलना पसंद करती है, और आज शुरुआत अच्छी हुई है। यहाँ पर लिजी ली ने साफ कर दिया है कि आज वो खुल के खेलेंगी। एलेक्स विलानी थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर कर रही है मगर वो भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है, अगर आज ये भी साथ देंगी यहाँ पर लिजी ली का तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। यहाँ पर चलते हैं जरा एक मौके की तरफ, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर कोशिश यही है, एक मौका जरूर बना मगर वहाँ पर जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट था, कहते हैं एफर्ट के पूरे नंबर है मगर कहीं ना कहीं अब वहाँ पर फील्डर जो है वो छोटा रह गया। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार सामने मौजूद अब बल्लेबाज एलेक्स विलानी, देवेंद्र डॉटिन आ चुकी हैं गेंदबाजी करने के लिए, यहाँ पर देवेंद्र डॉटिन करेंगे गेंदबाजी। इस बार 5वें ओवर की पावर प्ले हो गया है समाप्त, 2 ओवर का पावर सर्च बचा हुआ है। डॉटिन की पहली गेंद, स्लोअर वन
गेंद, स्लो वन गेंद, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई हवा में यहां पर मिड ऑन के सर के ऊपर से, वन बाउंस टू बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। अब यहां पर अपने बाजुए खोलते नजर आ रहे हैं एलएस विलानी, स्लो वन गेंद, सीधी विकेट टू विकेट गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया उसको मिड ऑन के सर के ऊपर से चार रन के लिए। तो एक और चौका जुड़ता हुआ यहां पर हॉबार्ट हरिकेन्स के खाते में और स्कोर पहुंच जाएगा 33 रन बिना किसी नुकसान के 4.1 गेंद के बाद। तो यहां से हमला जारी है यहां पर हॉबार्ट हरिकेन्स का, बढ़िया यहां पर शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार डेविड डॉटिन के ओवर की दूसरी गेंद, पांचवी ओवर के सामने है एलएस विलानी। इस बार यॉर्कर गेंद, बिल्कुल लेफ्ट आर्म की तरफ ये गेंद थी, बल्लेबाज को कोई रूम नहीं मिला, बल्ला चलाने का यहां पर डिफेंस कर लिया इस गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अगर बात करें तो 33 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 4.2 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से लग रहा था 130-150 के बीच में स्कोर रहेगा, मगर जिस तरीके से शुरुआत करी है ऐसा लग रहा है कि आज हॉबार्ट हरिकेन्स सोच के आएगा 160 प्लस स्कोर खड़ा करना होगा एडिलेड के सामने, तभी गेम जो है वो बन पाएगा। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है, चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। डॉटिन के ओवर की दो गेंदें हो चुकी हैं, एक चौका जरूर बटोरा है यहां पर, चलते हैं जरा अगली गेंद। इस बार एलएस विलानी को फिर से स्लो और यॉर्कर ही गेंद, लो फुल टॉस कह सकते हैं इस गेंद को, बिल्कुल कोई मौका ही नहीं दिया एलएस विलानी को बल्ला घुमाने का। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेलकर फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा। दो लगातार डॉट गेंदें एक चौका खाने के बाद, अच्छा कमबैक यहां पर डॉटिन का, कोशिश डॉटिन यही कर रहे हैं कि विकेट चटकाई जाए, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज जो है आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, खासकर लिजी ली। अगर लिजी ली यहां से 12-13 ओवर तक खेल गई तो एक अच्छा खासा टोटल जो है वो सेट कर देंगी अपनी टीम के लिए। यहां पर डेविड डॉटिन के ओवर की अगली गेंद, सामने मौजूद एलएस विलानी, तीसरी ये गेंद है, फिर से उंगलियां फेरी जरूर है गेंद के ऊपर, सीधे शॉट खेला यहां पर डेविड डॉटिन ने, गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, हाथ से गेंद लगी और सीधा गेंद गई मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो 33 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 4.4 गेंदें हो चुकी हैं, लगातार तीन डॉट गेंदें यहां पर करवा दी हैं। यहां पर एलएस विलानी से पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया था, मगर उसके बाद तीन अच्छी गेंदें डॉटिन की, डॉटिन जो है वो उंगलियां फेर रही है, ज्यादा तेज गेंद करने की कोशिश नहीं है डॉटिन की। डॉटिन के ओवर की पांचवी गेंद, एक बार फिर से उंगलियां जरूर फेरी है बैकफुट पर जाके, मतलब यूं कहें कि थोड़ा रूम बना के बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, यहां पर खेल दिया इसको ऑन साइड की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं यहां पर रन बनाने का। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहां पर 33 रन बिना किसी नुकसान के, 4.5 गेंदों के बाद। पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया मगर बड़ा ओवर तब्दील नहीं कर पाई एलएस विलानी इस ओवर को, क्योंकि पहली गेंद पर चौका लगने के बाद आप चाहते हैं कि यहां से कुछ बड़े शॉट लगाए जाए और रन रेट को जो है बढ़ाया जाए, मगर अच्छा कमबैक डॉटिन का यहां पर, डॉटिन ने यहां पर बढ़िया गेंदबाजी करी है, 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए हैं। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, यहां पर सामने है अब एलएस विलानी, इस बार फिर से स्लो वन गेंद, इस बार हल्का तो से खेलकर ऑन साइड की तरफ सिंगल लेने की कोशिश, मगर डॉटिन ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 33 रन बिना किसी नुकसान के, हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक में मौजूद बल्लेबाज लिजली, एक खतरनाक बल्लेबाज है लिजली, अगर ये टिकी रही 10 ओवर तक तो शायद स्कोर जो है वो 70 या 75 रन बन सकता है यहां पर। तो अगर इनका खेलना बहुत जरूरी है हॉबार्ट केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एडिलेड की बात करें तो एडिलेड चाहेगा कि लिजी ली को जल्द से जल्द जो है पवेलियन भेजा जाए। तो देखते हैं किसका सपना जो है यहां पर पूरा होगा, क्या लिजी ली 50 मार के जाएंगी या फिर हॉबार्ट एडिलेड स्ट्राइकर जो है यहां पर उनको आउट कर पाएगी। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 33 रन बिना किसी नुकसान के 5 ओवर की समाप्ति के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, जुड़ रहिए हमारे साथ, और डेल्टन 7 ऐप के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक शेयर के तरफ पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपए है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपए का है, और अगर आप पहली बैट करते हैं और पहली बैट हार जाएंगे तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा डेल्टन 7 ऐप की तरफ से। तो यहां पर अमेंडा को बुलाया गया है, नहीं जी यहां पर बार्स भी आई है, अमेंडा देखना होगा कि दोनों का एक्शन काफी हद तक बढ़िया है यहां पर। चलिए अमेंडा जेड वेंटर को बुला लिया गया है गेंदबाजी करने के लिए, 6 ओवर में पहली गेंद थी, टर्न हुई थी हल्की सी गेंद, ये कोई मौका नहीं रन बनाने का। अगली गेंद लिजली को, इस बार फुल लेंथ की गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, कैच आउट होती हुई यहां पर, पहला झटका लगता हुआ यहां पर हॉबार्ट हरिकेन्स को, फुल लेंथ की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, आउटसाइड एज लगा और गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, थर्ड विकेट के लिए हवा में जरूर गई थी गेंद, मगर वहां पर कैच पकड़ लिया यहां पर लिजली का, और पहला झटका लगता हुआ हॉबार्ट हरिकेन्स को। स्कोर हो चुका है 33 रन एक विकेट नुकसान पर 5.1 गेंद के बाद। मैंने शुरुआत में कहा था अमेंडा जेड वेलिंगटन ने पिछले मुकाबले में यहां पर 5 विकेट चटकाए थे, और आज आते ही अपनी दूसरी गेंद पर, पहले उनकी दूसरी गेंद पर ही लिजली जैसे बल्लेबाज को आउट कर दिया है। तो बहुत खतरनाक बल्लेबाज है लिजली, उनका विकेट चटकाती हुई अमेंडा जेड वेलिंगटन, और लिजली यहां से पवेलियन जाती हुई। लिजली ने बनाए 16 गेंदों में 24 रन, 4 चौके, 1 छक्का लगाया था, आतिशी पारी थी
थी, मगर ये पारी जो है वो बड़ी बन नहीं पाई। अमेंडा चेट वेलिंगटन की अच्छी शुरुआत, पहला झटका दे दिया है अमेंडा चेट वेलिंगटन ने। अब यहाँ पर मैगन डुप्रीज आई हैं, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज गई हैं और साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज ही वापस आई हैं यहाँ पर मैगन डुप्रीज। देखना होगा मैगन डुप्रीज किस तरीके से यहाँ पर खेलती हैं। आप सब लोग जुड़ रही है हमारे साथ, प्रदीप गाय कह रहे हैं हेलो भाई, भाई कैसे हो, बढ़िया हो प्रदीप भाई, क्या लगता है कौन? मैं तो एडिलेड को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, उम्मीद कर रहा हूँ एडिलेड जो है इस मुकाबले को जीते। यहाँ पर मैगन डुप्रीज बल्लेबाजी करने आई हैं, अच्छी बल्लेबाजी करती हैं। अब यहाँ पर एलिस विलानी और मैगन डुप्रीज को एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की शुरुआत जो चाहिए थी वो शुरुआत मिल गई है। क्या अब एलिस विलानी जो है वो बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगी? यहाँ पर आप सब लोग जुड़ रही है स्ट्राइक पर, यहाँ पर स्ट्राइक पर मौजूद है मैगन डुप्रीज। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार अमेंडा जेटमेंट की अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप पे एक गेंद थी, खेल दिया इसको ऑन साइड की तरफ मैगन डुप्रीज ने और अपना खाता खोला है। स्ट्राइक पे आ गई है एलिस विलानी। यहाँ पर अगर बात करें मैगन डुप्रीज की, तो जहाँ पर कैच पकड़ा है जेमा बार्सबी ने और गेंदबाजी करी है अमेंडा जेड वेलिंगटन ने, तो जेमा बार्सबी ने पकड़ा है कैच मिड ऑफ की तरफ, अच्छी गेंदबाजी अमेंडा जेड वेलिंगटन की। यहाँ पर अगर बात करें तो तीन गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, एक रन और एक बड़ा विकेट चटकाया है यहाँ पर जो है। अब देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पर मौजूद, यहाँ पर एलिस विलानी फील्ड को भांप रही है कि किधर से शॉट लगाया जाए, मगर अमेंडा जेड वेलिंगटन पर बड़ा शॉट लगाना कहीं बेवकूफ़ी साबित ना हो जाए एलिस विलानी के लिए। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार चौथी गेंद, बार फ्लैटी डिलीवरी थी वो यहाँ पर स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। बढ़िया ये शॉट था इस बार एलिस विलानी का, भांपा यहाँ पर, देखा स्क्वायर लेग का फील्डर जो है वो काफ़ी डीप में है, यहाँ पर थोड़ा फाइन खेलने की कोशिश थी एलिस विलानी की, फ्लैटी डिलीवरी थी, स्वीप कह रहा इस गेंद को और बाउंड्री बटोरा, एक चौका और आता हुआ एलिस विलानी के बल्ले से स्कोर पहुंच जाएगा, स्कोर पहुंच जाएगा यहाँ पर 38 रन एक विकेट नुकसान पर। बढ़िया ये शुरुआत है अगली गेंद इस बार एलिस विलानी के, एलिस विलानी को अगली गेंद, पांचवी गेंद इस ओवर की, छठे ओवर की, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन और मिल जाएगा इस गेंद पर एलिस विलानी को। स्ट्राइक पे आ गए हैं मैगन डुप्रीज, तो आज होबार्ट हरिकेन्स जो है कुछ अलग मोड में आया है बल्लेबाजी करने के लिए, सोच के आया है कि यहां से जो है रन गति को कम नहीं रखना है, एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा करना है। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है और काफी जबरदस्त ये खेल चल रहा है। यहाँ पर आखिरी गेंद मैगन डुप्रीज को, इस बार ऑफस्टंप के बाहर ये गेंद कट कर दिया, गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट फील्डर के पास, कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का, तो स्कोर अभी भी 39 रन एक विकेट नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद। स्ट्राइक पे होंगे एलिस विलानी, देखते हैं अब गेंदबाजी कौन करेगा यहाँ पर 7वें ओवर की। शुरुआत अच्छी हुई है, इस शुरुआत को अगर आगे लेके जाना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर। शुरुआत के जिस तरह से शुरुआत करी है यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स ने, यूं कहें कि आतिशी शुरुआत नहीं है, आपने सिर्फ 36 गेंदों में 39 रन बनाए हैं और विकेट खोया है, मगर ये है कि आपने सिर्फ एक ही विकेट खोया है। यहाँ से अगर मैगन डुप्रीज और एलिस विलानी पार्टनरशिप बिल्ड करती है, हर ओवर में 7-8 रन निकालती है, तो एक अच्छा टोटल जो है वो सेट हो सकता है 15 ओवर के अंदर, उसके बाद आखिरी 5 ओवर में आप अटैक कर सकते हैं और तेजी से यहाँ पर रन बना सकते हैं। चलते हैं जरा अब अगली गेंद की तरफ, क्या जेमा बार्सबी आएंगी गेंदबाजी करने के लिए, किसी और को बुलाया जाएगा यहाँ पर, शायद स्पिनर गेंदबाज, एक और स्पिनर गेंदबाज को शायद इंट्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर कप्तान केटी मैक। क्या यहाँ पर जेमा बार्सबी आएंगे? जेमा बार्सबी की एक अच्छी बात यह है कि वो दाएं हाथ से भी गेंद कर लेती है और वो बाएं हाथ से भी गेंद कर लेती हैं, एक ज़बरदस्त यूनिक बॉलर है। अभी तो दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर जेमा बार्सबी। अब चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार पहली गेंद 7वें ओवर की, स्ट्राइक पर मौजूद यहाँ पर एलिस विलानी, पहली गेंद बार्सबी की, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, रूम बनाने की कोशिश थी, ड्राइव लगाना चाहती थी, कवर की दिशा में खेलना चाहती थी, मगर गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर एलिस विलानी को। और स्ट्राइक पे आ जाएंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे मैगन डुप्रीज, दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाज हैं, खेलना चाहिए यहाँ पर, सपोर्ट कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर को, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद मैगन डुप्रीज, जेमा बार्सबी गेंदबाजी करने आई है, दूसरी गेंद ऑफ स्पिन गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था डुप्रीज ने, सीधे बल्ले से खेला जरूर मगर गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, वन बाउंस फील्डर के हाथ में ये गेंद, एक रन मिल जाएगा और मैगन डुप्रीज को। स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहां पर एलिस विलानी, तो दोनों बल्लेबाजों का कदमों का प्रयोग करते हुए नजर आई हैं जेमा बार्सबी के इस गेंदबाजी पे। तो क्या यहां से दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया है कि बड़े शॉट लगाएंगे? देखना होगा किस तरीके से बड़े शॉट लगते हैं यहां पर। सामने मौजूद एलिस विलानी, इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीधा डीप पॉइंट की दिशा में, हाथ जरूर लगा है पॉइंट के फील्डर से मगर यहां पर गेंद बाउंड्री तक पहुंचेगी नहीं। मैगन सचेट ने गेंद को फील्ड किया और 2 रन मिल गए इस गेंद पर एलिस विलानी को। तो इस ओवर में 3 गेंदें हो चुकी हैं और 4 रन आ चुके हैं, स्ट्राइक पे हैं एलिस विलानी, स्कोर हो चुका है 43 रन एक विकेट के नुकसान पर। होबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है। अगली गेंद देखते हैं
किस तरीके से यहां पर खेलती हैं। चौथी गेंद जेमा बार्सबी की इस बार सामने मौजूद एलिस विलानी, फिर से इस बार विकेट टू विकेट फुल टॉस, ये गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा यहां पर एलिस विलानी को। स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहां पर जो है बल्लेबाज मैगन डुप्रीज, यहां पर 6.5 जी हां 6.5 चार गेंदें हो चुकी हैं, दो गेंदें बची हैं इस ओवर की। अगली गेंद इस बार जेमा बार्सबी के सामने है, डुप्रीज फिर कदमों का इस्तेमाल किया, स्वीप करने गई यहां पर और बीट हो गई इस गेंद पर। बहुत ही रिस्की है शॉट था, अगर गेंद थोड़ी सी नीचे रहती तो यहां पर क्लीन बोल्ड हो जाती मैगन डुप्रीज, मगर किस्मत जो है मैगन डुप्रीज के साथ, गेंद ने उछाल लिया और स्टंप के ऊपर से ये गेंद निकल गई। बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहां पर मैगन डुप्रीज की। अगली गेंद पर आखिरी गेंद पर बैकफुट पर जाकर स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक रन और मिल जाएगा यहां पर, एक रन और मिल जाएगा इस गेंद पर मैगन डुप्रीज को। तो ओवर की हो गई है समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन एक विकेट नुकसान पर यहां पर स्कोर है होबार्ट हरिकेन्स का। यहां पर देखना होगा 8वां ओवर क्या अमेंडा जेड विंटन लेके आती हैं। स्ट्राइक पे होंगे मैगन डुप्रीज, कोशिश कर रही है दोनों बल्लेबाज की बड़े शॉट लगाए जाए, मगर जल्दबाजी कर क्यों रही है, क्योंकि आपकी एक मजबूत शुरुआत हुई है, आप ओवर में सिर्फ एक आधा बाउंड्री निकालिए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करिए, गेम को आगे लेके जाइए। अगर गेम को जितना आगे लेके जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा यहां पर। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। अब यहां पर फिर से एक तेज गेंदबाज को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, अमेंडा जेड वेलिंगटन को रोक दिया गया है, डार्सी ब्राउन शायद आ रही है गेंदबाजी करने के लिए यहां पर, और अब यहां पर काफी अच्छा रहेगा मैगन डुप्रीज के लिए, क्योंकि तेज गेंदबाजों के खिलाफ काफी अच्छे शॉट लगाती है ये। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, पहली गेंद इस बार फिर से, अब अगली गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर के सामने मौजूद मैगन डुप्रीज, इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद ने ज्यादा उछाल लिया नहीं और गेंद जाके सीधा पैड से टकराई है, दिशाहीन थोड़ी सी गेंद थी, लेस्टम के बाहर ये गेंद थी, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 45 रन एक विकेट नुकसान पर 7.1 गेंद के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, मुकाबला काफी बढ़िया है यहां पर, उम्मीदें यही है कि होबार्ट हरिकेन्स एक अच्छा स्कोर खड़ा करेगा, इसीलिए थोड़े से बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास जो है वो देखने को मिल रहा है होबार्ट हरिकेन्स के बल्लेबाजों से। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद मैगन डुप्रीज, दूसरी गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर की, कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, यहां पर बोल्ड कर दिया, यहां पर क्लीन बोल्ड हो गई मैगन डुप्रीज, रूम बनाकर सीधा खेलने की कोशिश थी मगर उसके साथ बीट हो गई, बॉल पहले निकल गई, बल्ला बाद में आया और जाके क्लीन बोल हो गई यहां पर मैगन डुप्रीज। एक और झटका लगता हुआ यहां पर होबार्ट हरिकेन्स को, 45 रन 2 विकेट नुकसान पर मैगन डुप्रीज यहां पर पवेलियन जाती हुई, 6 गेंदों बनाए सिर्फ 3 रन और होबार्ट हरिकेन्स को लग गया एक और झटका यहां पर। यह बहुत ही खराब शॉट था मैगन डुप्रीज का, रूम बनाकर चल के आगे की तरफ आई, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी मगर गेंद जाके सीधा मिडल स्टंप के टॉप पे लगी और यहां पर क्लीन बोल्ड हो गई मैगन डुप्रीज। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर होबार्ट हरिकेन्स का, देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, मगर खराब सोच यहां पर होबार्ट हरिकेन्स के बल्लेबाजों की, क्योंकि शुरुआत अच्छा मिलने के बाद आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप हर गेंद पर जो है बड़ा शॉट खेले, आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करें यहां पर। बात करते हैं आप किस तरीके से यहां पर पार्टनरशिप बिल्ड होगी, हैदरग्राम आ चुकी हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करती है हैदरग्राम, देखते हैं यहाँ से हैदरग्राम किस तरीके से खेलती हैं, ये भी बड़ा शॉट लगाना पसंद करती हैं, अपना नेचुरल गेम खेलती हैं यहाँ पर हैदरग्राम, तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है, बाकी अब डिपेंड करता है सिचुएशन किस तरीके से यहाँ पर चलेगा। जल्दी चलते हैं जरा हमारे स्ट्रीम की तरफ, यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली गेंद बार डार्सी ब्राउन की अंदर आती हुई गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया इसको, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा यहाँ पर हैदरग्राम को। स्ट्राइक पे आ गए हैं एलिस विलानी, अगर स्कोर की बात की जाए तो 46 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 7.3 गेंदें हो चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, काफ़ी बढ़िया मुकाबला होना लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया मुकाबला होगा, बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से खेल जो है वो आगे चलता है यहाँ पर। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार डार्सी ब्राउन के ओवर की बस 3 गेंदें बची हैं, 8वां ये ओवर है इस पारी का और 2 विकेट खो दिए हैं यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स ने। अगली गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर की, चौथी ये गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, कट करने गई यहाँ पर, बीट हो गई इस गेंद पर एलिस विल्ला ने, शायद जो मोमेंटम बनाया था लिजी ली ने वो शिफ्ट होता हुआ एडिलेड की तरफ और दबाव जो है वो आता हुआ होबार्ट हरिकेन्स के ऊपर। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है अब
46 रन, 2 विकेट नुकसान पर 7.4 गेंदें हो चुकी हैं। जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली गेंद टार्सी ब्राउन की 5वीं गेंद 8वें ओवर के, इस बार फिर से लेक्सटम के थोड़ा सा बाहर ये गेंद है, वो निश्चित तौर पर वाइड करार देंगे अंपायर इस गेंद को, अगर यहाँ पर पैड नहीं लगा होगा तो। जी हाँ, यहाँ पर अंपायर ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया, शायद डिसीजन दे दिया है, वाइड का डिसीजन दिया है अंपायर ने। एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ यहाँ पर खाते में, ओवर हरिकेन्स के 47 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर 7.4 गेंदें हो चुकी हैं। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, यहाँ पर 5वीं गेंद 8वें ओवर की, यहाँ पर सामने मौजूद एल एस विलानी थोड़ा सा पढ़ने के बाद गेंद नीचे की तरफ रही, सीधे बल्ले से खेला जरूर, यहाँ पर गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर डार्सी ब्राउन की, एक विकेट चटकाया है यहाँ पर मैगन डुप्रीज के रूप में। क्या एमेंडा जेड वेलिंगटन को अगले ओवर में लेके आएंगे, क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से हुई थी लगा था कि एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर अब रन गति जो है वो 6 रन प्रति ओवर की हो गई है। अगली गेंद बार डार्सी ब्राउन के अंदर आती हुई गेंद, थोड़ा सीधे बल्ले से खेला, गेंद गई सीधा मिड ऑन की तरफ, तेजी से एक रन यहाँ पर पूरा करती हुई एल एस विलानी, एक रन और जोड़ती हुई अपने खाते में, स्कोर हो चुका है 8 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 2 विकेट नुकसान पर। होवार्ट हरिकेन्स का स्कोर है यहाँ पर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, स्ट्राइक पे होंगी एल एस विलानी, देखते हैं नवा ओवर लेके कौन आएगा। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उस तरीके से फिनिश भी करना होगा, मगर अभी तो 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से चला जा रहा है, क्योंकि 2 विकेट खो दिए हैं यहां पर होवार्ट हरिकेन्स ने, पहले लिजली उसके बाद यहां पर मैगन डुप्रीज। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, देखते हैं अगला ओवर लेके कौन आएगा। आप सब लोग जो है डेल्टा 7 ऐप के साथ जुड़ते रहिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टा 7 ऐप पे। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये है और मिनिमम बैट जो है वो सिर्फ 10 रुपये की है। यहाँ पर 15 मिनट के अंदर विड्रॉल जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है, गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जाइए खेलिए और जीतिए डेल्टा 7 ऐप के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आप पहली बैट हार जाते हैं डेल्टा 7 ऐप पे तो आपको पहली बैट का पैसा जो है वो रिफंड मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जाइए खेलिए और जीतिए। और बात करें यहाँ पर मुकाबले की, तो पहली गेंद थी ये जब बार्सबी की, उसको फाइनल की दिशा में खेला एल एस विलानी ने और 2 रन दौड़ लिए यहाँ पर, 2 रन मिल गए यहाँ पर एल एस विलानी को, स्कोर पहुंच गया यहां पर 50 रन पूरे हो चुके हैं होवार्ट हरिकेन्स के 2 विकेट नुकसान पर। अब एल एस विलानी को एक बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अगर स्कोर बड़ा बनाना तो एल एस विलानी को खेलना पड़ेगा। इस बार अगली गेंद फ्लैट डिलीवरी थी, इसको खेल दिया फिर से फाइनल की दिशा में, 1 रन तेजी से पूरा कर लिया, क्या दूसरा भी लेंगे यहां पर? जी नहीं, इस बार 1 रन से संतुष्ट करना होगा एल एस विलानी को। स्कोर पहुंच गया यहां पर 51 रन बन चुका है यहां पर। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, 51 रन बन चुके हैं यहाँ पर, 2 विकेट नुकसान पर 8.2 गेंदें हो चुकी है। आप सब लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, लाइव चैट के अंदर मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो बार बार मैं आपको दे रहा हूँ, तो जाके ज्वाइन करते रहिए यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को, इंजॉय करिए मुकाबले को, मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, जैम बार्सबी की 2 गेंदें हो गई हैं, 3 रन दे चुकी हैं इन 2 गेंदों के अंदर, सामने मौजूद यहाँ पर जो है बल्लेबाज, इस बार फिर से लो फुल टॉस, ये गेंद थी सीधे बल्ले से खेल दिया हैदर ग्राम ने, यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर जो है हैदर ग्राम को, स्ट्राइक पे आ गए हैं एल एस विलानी। इन दोनों बल्लेबाज को अगले 5-7 ओवर जो है एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, तभी इस मुकाबले में आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। अगली गेंद यहाँ पर जैमा बार्सबी की ओवर की अगली गेंद, सामने मौजूद यहाँ पर एल एस विलानी, 4थी गेंद है ओवर की, 9वें ओवर की, इस बार थोड़ा सा फ्लैट डिलीवरी थी, ड्राइव लगा दिया इस गेंद पर, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, इस बार भांप लिया था कि फ्लैट डिलीवरी है, रूम बनाया और ड्राइव लगाया यहां पर, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, यहां पर स्कोर हो चुका है अब 56 रन 56 रन 2 विकेट नुकसान पर। बढ़िया ये शॉट था, इस बार भांप लिया कि फ्लैट डिलीवरी है और शॉट बनाया है, शॉट खेला है रूम बनाकर यहां पर। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर बार बार आपको दिया जा रहा है यहां पर। जय बार्सबी की अगली गेंद, पर अंदर आती हुई गेंद सीधे बल्ले से हल्का तो खेलकर ऑन साइड की तरफ, 1 रन तेजी से पूरा कर लिया यहां पर एल एस विलानी ने, तो स्कोर पहुंच जाएगा यहां पर 8.5 गेंदों के बाद 57 रन 2 विकेट नुकसान पर। होवार्ट हरिकेन्स का स्कोर है, स्ट्राइक पे होंगी अब हैदर ग्राम, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, अच्छा ओवर ये होवार्ट हरिकेन्स के लिए, काफी रन आए हैं इस ओवर से। अगली गेंद देखते हैं किस तरीके से यहां पर खेलती है,
चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेलकर इसको मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक रन मिल जाएगा, क्या दूसरा भी लेंगी। रनिंग बिटवीन पर नजर रखनी होगी, हमें एक ही रन से संतुष्ट करना होगा यहाँ पर हैदरग्राम को। तो ओवर की हो गई है यहाँ पर समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 58 रन 2 विकेट नुकसान पर। स्ट्राइक पर मौजूद होंगे हैदरग्राम, हैदरग्राम ने बनाए हैं 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन। एल एस विलानी ने बनाए हैं 28 गेंदों में 27 रन, 3 चौके लगाए हैं। यहाँ से अभी भी 11 ओवर बचे हुए हैं, कोशिश यही रहेगी कि 140-150 के पार पहुंचा जाए और दबाव बनाया जाए एडिलेड स्ट्राइकर के ऊपर। तो यहाँ पर आखिरी ओवर बचा हुआ है अब 10वें ओवर का, देखते हैं यहाँ से किस तरीके से खेलती हैं। तो लाइक करिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक डिफरेंस मेरे पास, विलानी आउट ऑफ, मछले भाई क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है टाइलर भाई, देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर अगर बात करें स्कोर की तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया स्कोर हो चुका है क्योंकि 58 रन बन चुके हैं। आप 10वां ओवर अभी होने को जा रहा है, यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन को फिर से बुला लिया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अपने पहले ओवर में विकेट जरूर चटकाया था अमेंडा जेड वेलिंगटन ने, क्या इस बार भी चटका पाएंगे देखना होगा। एडिलेड को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद करें एडिलेड मैच जीते। अगली गेंद अमेंडा जेड वेलिंगटन की फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ये सीधे बल्ले से खेला, इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। बल्लेबाज हैदरग्राम को स्ट्राइक पे आ गई है यहाँ पर एलिस विलानी एक अच्छी बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाजी करती हैं और कोशिश यही रहेगी उनकी कि रन बनाए जाएं। यहां से क्या रन बना पाएंगे देखना होगा। स्ट्राइक पे मौजूद यहां पर एलिस विलानी गैप्स को ढूंढ रही हैं और बाउंड्रीज लगा रही हैं, अच्छी सोच यही है। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन फाइन लेग का फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर रखा हुआ है, क्या यहाँ पर थोड़ा सा फ्लाइटेड डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे कि बल्लेबाज जो है वो बड़ा शॉट खेले। अगली गेंद इस बार यहाँ पर एलिस विलानी को, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी, स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन और जुड़ता हुआ एलिस विलानी के खाते में और स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 60 रन 2 विकेट नुकसान पर। 9.2 गेंदें हो चुकी हैं, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, अभी शुरुआत तो काफ़ी अच्छी करी है, 60 रन बन चुके हैं। अगर हर ओवर में एक आध बाउंड्री आती रहे तो होवार्ड हरिकेन्स की सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी यहाँ पर। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार फ्लाइटी डिलीवरी थी, स्वीप करने गई, टॉप एच लगा और वहाँ पर डीप मिड विकेट से फील्डर से कैच छूट गई यहाँ पर, और यहाँ पर बाउंड्री पर फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया, 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर, स्ट्राइक पर आ जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज हैदरग्राम। स्वीप लगाने गई थी, बड़ा शॉट खेलने गई थी अमेंडा जेड वेलिंगटन की तरफ, वेलिंगटन की गेंद पर खेला जरूर था डीप मिड विकेट दिशा में, मिड विकेट से फील्डर दौड़ गए, डाइव जरूर लगाया मगर कैच को पकड़ नहीं पाए, एक जीवनदान मिलता हुआ हैदरग्राम को। यहाँ पर अब ओवर की है 4थी गेंद है सामने मौजूद हैदरग्राम, इस बार फिर से थोड़ा सा ऑस्टम की तरफ एक गेंद, ड्राइव लगाकर 1 रन दौड़ लिया यहाँ पर जो है अब हैदरग्राम ने। स्ट्राइक पे आ गए हैं एलिस विलानी। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर अब 63 रन 2 विकेट नुकसान पर, 9.4 गेंदें हो चुकी हैं। स्ट्राइक पे मौजूद है एलिस विलानी। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 14 गेंदों में 18 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 5वीं गेंद यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन के इस ओवर के सामने मौजूद एलिस विलानी, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया मगर लेग स्टंप पे ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलकर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ढकेला और 1 रन बटोर लिया है, 1 रन और बटोर लिया है इस गेंद पर। स्ट्राइक पे आ गई है हैदरग्राम। स्कोर की अगर बात की जाए तो 64 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 9.5 गेंदें हो चुकी हैं, क्या यहां से एक आधा बड़ा प्रहार करने की सोचेंगे, क्योंकि अमेंडा जेड वेलिंगटन पे अगर बड़ा शॉट ना खेलें तो शायद बेटर रहेगा क्योंकि एक स्ट्राइकर गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करती है ये। आखिरी गेंद है इस ओवर की और सामने मौजूद हैदरग्राम। इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, थोड़ा सा पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है नी डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। इस बार खेला ही था डीप मिड विकेट गैप के अंदर और 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बढ़िया ये शॉट है हैदरग्राम का। इस बार गैप ढूंढ के निकाला है यहां पर हैदरग्राम ने, खराब गेंद अमेंडा जेड वेलिंगटन की, फ्लाइटी डिलीवरी करते करते शॉर्ट पिच गेंद करी और पुल करके इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए हैदरग्राम ने गेंद को भेज दिया। तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 68 रन 2 विकेट नुकसान पर होबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगे एलिस विलानी। 16 गेंदों में 23 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है हैदर और यहां पर एलिस विलानी के बीच में। तो यहां से देखना होगा आगे गेम किस तरीके से शिफ्ट करता है। आप सब लोग जो है डेल्टिन 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपए है, मिनिमम डिपोजिट जो है सिर्फ 100 रुपए का है। यहां पर विड्रॉल जो है आपको 15 मिनट के अंदर जो है बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है। डिपोजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप यहां
पर डिपॉजिट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो खेलिए और जीतिए डेल्टा 7 ऐप पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी डेल्टा 7 ऐप पे। यहां पर अगर आप मान लीजिए आज ही क्रिकेट लाइव हिंदी के लिंक के थ्रू आईडी क्रिएट करते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद अगर पहली बेट करते हैं और पहली बेट आप हार जाते हैं तो पहली बेट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, 777 रुपए तक का रिफंड आपको मिल सकता है डेल्टा 7 की तरफ से पहली बेट पर, अगर पहली बेट अगर आप हार गए तो। मगर ध्यान रखिएगा क्रिकेट लाइव हिंदी के लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करिएगा तभी आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूं, तो जाके ज्वाइन कर दीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल को। वहां पर ग्रुप एडमिन को जो है वो जो है अपनी बैट स्लिप दिखाइएगा कि भाई क्रिकेट लाइव हिंदी के व्यूअर्स के क्रिकेट लाइव हिंदी की तरफ से हम जुड़े हैं और हम पहली बैट हार चुके हैं, तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, 777 रुपये तक का रिफंड आपको मिल सकता है। ड्रिंक्स ब्रेक अब बस खत्म होने के कगार पे है, 10 ओवर 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर अच्छा स्कोर हॉबार्ट हरिकेन्स का। अगर अगले 10 ओवर में 80-85 रन और बनाते हैं तो 150 तक पहुंच सकती है यहां पर हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम। मगर आप देखना होगा एडिलेड की टीम यहां से किस तरीके से कमबैक करते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, 2 ओवर का पावर सर्ज बचा हुआ है, वो भी दिमाग में रखना होगा कि हॉबार्ट हरिकेन्स के बाद 2 ओवर ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जहां पर वो अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, मगर अगले 5 ओवर बहुत अहम रहेंगे हॉबार्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर के लिए। हॉबार्ट हरिकेन्स चाहेगा कि अगले 5 ओवर में कम से कम 40 या फिर 38-40 रन जोड़े जाएं और स्कोर को और आगे बढ़ाया जाए। तो देखते हैं, अब यहां पर डॉटिन को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद 11 ओवर के स्लो रन गेंद थी, स्लो रन यॉर्कर कहेंगे, सीधे बल्ले से खेल दिया इसको, फील्डर सारे सर्कल में मौजूद, कवर की दिशा में बाउंड्री आती हुई, जबरदस्त ये शॉट एलिस विलानी का, थोड़ा सा अंदर आती हुई गेंद थी, यॉर्कर ये गेंद थी, ड्राइव लगाया इस गेंद पर और गेंद को भेज दिया कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो एक चौका और आता हुआ एलिस विलानी के बल्ले से स्कोर पहुंच गया 72 रन 2 विकेट नुकसान पर 10.1 गेंद के बाद। तो 11वें ओवर की शुरुआत चौके के साथ हो चुकी है, तो यहां से बड़े प्रहार जो है वो करते नजर आ रही है दोनों बल्लेबाज, कोशिश यही है कि रन बनाए जाए। अब देखते हैं यहां से किस तरीके से रन गति को बढ़ाते हैं। अगली गेंद, दूसरी गेंद डॉटिन के इस ओवर की, 11वें ओवर की, सामने है एलिस विलानी, इस बार फिर से लो फुल टॉस, ये गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद गई और 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में यहां पर एलिस विलानी के। तो आप सब लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, टेलीग्राम का लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूं, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, जाइए यहां पर ज्वाइन करते रहिएगा। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है, स्कोर हो चुका है 73 रन 2 विकेट नुकसान पर 10.2 गेंदों के बाद, 58 गेंदें बची हैं इस पारी की। अगली गेंद डॉटिन के इस ओवर की, सामने है यहां पर हैदरग्राम, ऑस्टम पे गेंद थी, ड्राइव लगाया, एक बार फिर से गेंद गैप में जाती हुई कवर दिशा में बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, लॉन्ग ऑन का फील्डर जो है वो लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो है वो मिड ऑफ की तरफ रखा हुआ है, काफी गैप देखने को मिल रहा है, बल्लेबाज उसी गैप को जो है टारगेट कर रहे हैं, कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से गेंद को निकाल रहे हैं और 2 चौके इसी एरिया से आए हैं। तो क्या डॉटिन जो है अब फील्डर को पीछे लेंगे, क्या बाउंड्री की तरफ लेंगे, देखना होगा। 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में 3 गेंदों के अंदर और स्कोर पहुंच चुका है हॉबार्ट हरिकेन्स का 77 रन 2 विकेट नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर जो है यहां पर हैदरग्राम की साथ दे रही है अपने कप्तान एलिस विलानी का, अच्छे खासे रन बटोर रही है यहां पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 77 रन यहां पर 2 विकेट नुकसान पर। चौथी गेंद यहां पर 11वें ओवर की डॉटिन कर रही है गेंदबाजी, सामने मौजूद एलिस विलानी, आखिर ये सामने हैदरग्राम मौजूद है यहां पर। चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार फटकी हुई गेंद, लेग स्टंप पे ये गेंद थी, पुल करने गई यहां पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, अंपायर ने इसको वाइड करार दिया, एक एक्स्ट्रा रन, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पर हॉबार्ट हरिकेन्स के खाते में। तो 78 रन 2 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहां पर हॉबार्ट हरिकेन्स का 78 रन 2 विकेट नुकसान पर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, यहां पर जो है काफी बढ़िया मुकाबला चल रहा है लाइव चैट के अंदर। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज हैदरग्राम, हैदरग्राम को अगली गेंद इस बार ओवर की है। चौथी गेंद फिर से लेग स्टंप की तरफ ये गेंद थी, कलाइयों के सहारे खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर हैदरग्राम को। सामने मौजूद है अब एलिस विलानी। इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में काफी रन आ चुके हैं। अगर रनों की बात की जाए तो 2 चौके इस ओवर में आए हैं, 2 सिंगल आए हैं, 11 रन आ चुके हैं, एक वाइड के साथ
भी एक रन दिया है, तो 11 रन आ चुके हैं इस मुकाबले, इस ओवर के अंदर। 4 गेंदें हुई हैं, अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है, तो एलएस रन चाहेंगे कि इस ओवर को बड़ा बनाया जाए, तो क्या बड़ा बना पाएंगे देखना होगा। यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर डॉटिन की सामने मौजूद एलएस विलानी, देखना होगा किस तरीके से खेलती हैं। यहाँ पर डॉटिन के ओवर की 5वीं गेंद सामने है, विलानी एक बार फिर से उंगलियां फेरी जरूर, इस बार कलाइयों के सहारे इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। यहाँ पर सिर्फ दिशा दिखाई है एलएस विलानी ने और सिंगल बटोरा है इस गेंद पर। 5 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, 80 रन पूरे हो चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पर मौजूद हैदरग्राम और यहाँ पर एडिलेड चाहेगी कि विकेट चटकाई जाए, अगर विकेट चटकाएंगे तभी इस मुकाबले में आगे बढ़ पाएंगे, तो क्या बढ़ पाएंगे आगे देखना होगा। लाइक करते रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। डॉटिन के ओवर की आखिरी गेंद सामने मौजूद, यहाँ पर जो है हैदरग्राम एक बार फिर से स्लो रन गेंद सीधे बल्ले से खेला, डॉटिन ने गेंद को फील्ड किया, कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 11 ओवर की समाप्ति के बाद 80 बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर। कई बार हमसे भी गलती आती है, यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि हॉबार्ट हरिकेन जीतेगा। भाई देखिए, एडिलेड के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है, ऐसा मत सोचिए कि एडिलेड के पास बल्लेबाजी नहीं है, एडिलेड स्ट्राइकर के पास एक अच्छी खासी यहाँ पर बल्लेबाजी है, तो आप जो है घबराइए नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। रन बन रहे हैं क्योंकि पिच पे जो है आज अच्छी लग रही है, सरफेस अच्छा लग रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। शुरू से ही आज हॉबार्ट हरिकेन्स का मूड साफ था कि यार तेजी से रन बनाना है, और तेजी से रन बना भी रहे हैं। यहाँ पर कोशिश यही है हॉबार्ट हरिकेन्स की, भाई चांस लें और रन बनाएं। अब देखते हैं आगे किस तरीके से गेम चलता है। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 80 रन 2 विकेट नुकसान पर। मौजूद बल्लेबाज यहां पर एलएस विलानी ने काफ़ी खूबसूरत बल्लेबाजी की है, स्टार्ट में स्ट्रगल कर रही थी मगर उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े शॉट लगाए हैं और काफ़ी रन बटोरे हैं। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर क्या एक और स्पिनर गेंदबाज को लाया जाएगा, क्योंकि यार यहाँ से थोड़ा सा गति बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं एलएस विलानी। 80 रन बन चुके हैं, आप चाहेंगे कि 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जाएं, जो करंट रन रेट है उसको 8 तक पहुंचाया जाए, तो क्या 8 तक पहुंचा पाएंगे देखते हैं। यहाँ पर एक और तेज गेंदबाज शायद डार्सी ब्राउन को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, डार्सी ब्राउन फिर से गेंदबाजी करने आएंगे, उनके स्पेल का ये आखिरी ओवर होगा। यहाँ पर सामने मौजूद एलएस विलानी, पहली गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर की, सामने मौजूद विलानी इस बार फिर से ऑस्टन के बाहर, ये गेंद थी बड़ा शॉट लगाने गई, बल्ला घुमाया जरूर मगर बीट कर दिया इस गेंद पर डार्सी ब्राउन ने, विकेटकीपर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो एलएस विलानी ने यहां से मन बना लिया है कि बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे यहां पर, मगर पहली गेंद ये जो है वो डॉट गेंद हो गई है, तो कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो 80 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 11.1 गेंद हो चुकी है। अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद इस ओवर की, सामने मौजूद यहां पर बल्लेबाज जो है एलएस विलानी, दूसरी गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर के, इस बार फिर से मिडल स्टंप पे ये गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, चौका मिल गया इस गेंद पर। यहाँ पर एलएस विलानी को इस बार थोड़ा सा नजाकत बढ़ा, ये शॉट था भांप लिया था, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगी, ऑस्टम की तरफ शफल किया और फाइन लेग की दिशा में दिल स्कूप खेला यहाँ पर और चौका बटोरा इस गेंद पर एलएस विलानी ने। स्कोर पहुंच गया 84 रन 2 विकेट नुकसान पर, 11.2 गेंदें हो चुकी हैं, करंट रन रेट 7.41 की हो चुकी है। एडिलेड ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने निर्णय लिया, मगर एलएस विलानी की बल्लेबाजी काफी अच्छी चल रही है। यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, यहाँ पर तीसरी गेंद ओवर की, इस बार फटकी हुई गेंद, यहां पर बल्ला घुमाया जरूर, गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, कैच छूट गया यहाँ पर, कैच छूट गया यहाँ पर, जी देखना होगा कैच छूटा है कि नहीं, जी हाँ यहाँ पर कैच को छोड़ दिया फील्डर ने और 1 रन मिल गया एलएस विलानी को। थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी, टेनिस शॉट की तरह शॉट को खेला था, गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ मगर कैच छूटा नहीं, माफ करिए आगे की तरफ गिर गया, ऐसा लगा कि शायद गेंद तक पहुंच गई थी फील्डर मगर थोड़ा सा आगे जाके ये गेंद गिरी, मौका बना नहीं था, मौका यहां बना नहीं था कैच पकड़ने का, मौका बनता तो शायद कैच पकड़ती यहां पर। अगली गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर की, इस बार लो फुल टॉस, ये गेंद खेल दिया इसको डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, खराब गेंद डार्सी ब्राउन की, स्लो वन गेंद और फुल टॉस गेंद, पूरा रूम मिला, पूरा मौका मिला है कि चुन के कहां पे शॉट खेल सकती है, तो हैदरग्राम ने चुना यहां पर डीप मिड विकेट दिशा और चौका बचोरा है इस गेंद पर, बढ़िया ये शॉट था, एक और चौका आते हुए यहां पर हैदरग्राम के बल्ले से, स्कोर पहुंच गए 89 रन लॉस ऑफ 2 विकेट, 11.4 गेंदें हो चुकी है, हैदरग्राम कर रहे हैं बल्लेबाजी। अगली गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर के, इस बार फुल लेंथ की गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को ऊपर की तरफ उठाया जरूर है, देखना होगा, जी हां मिड ऑफ पे फील्डर ने एक और कैच छूटता हुआ, यहां पर हैदरग्राम का एक और कैच छोड़ता हुआ,
फ्लैट फुलन की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, टॉप एज लगा था, मिड ऑफ की तरफ ये गेंद गई थी, हाई ये कैच थी, मगर गेंद हाथ से लगी और जमीन पे गिर गई और एक और जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर हैदर ग्राम को। तो हैदर ग्राम के दो कैचे जो है वो छूट चुकी है यहाँ पर इस मुकाबले में। 90 रन दो विकेट नुकसान पर यहाँ पर अगली गेंद इस बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद है। एलिस विलानी इस बार फिर से दिल स्कूप खेला है और स्टंप की तरफ शफल करके फाइनल की दिशा में खेल दिया इस शॉट को और चौका बटोरा यहाँ पर जो एलिस विलानी ने। तो रनों की गति जो है वो काफी तेज हो चुकी है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन दो विकेट नुकसान पर एक बड़े स्कोर की तरफ यहां पर बढ़ रही है होबार्ट हरिकेन्स की टीम। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर एलिस विलानी और यहां पर हैदरग्राम के बीच में एक जीवनदान मिला हैदरग्राम को। यहां पर जो है पिछले ओवर में ये कैच पकड़ना चाहिए था जो हैदरग्राम का कैच छूटा है वो कैच पकड़ना चाहिए था। बिल्कुल कहते हैं डॉली कैच, बिल्कुल लॉलीपॉप कैच थी जो हाथ से लेके गिर गई, हाई कैच थी मगर कैच पकड़ना चाहिए था। ऐसे कैचेस पकड़ते हैं वो इन बिग बैश, मगर इस बार कैच छूट गया और एक जीवनदान मिला हैदरग्राम को। स्ट्राइक में मौजूद है हैदरग्राम और 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8 ओवर बचे हैं। मैगन सचेट को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अब मैगन सचेट करेंगे गेंदबाजी इस ओवर की। अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। मैगन सचेट की अगली गेंद इस बार थोड़ा स्लो रन गेंद, अंदर आती हुई गेंद थी, भाप लिया था बल्लेबाज, रूम बना रहे हैं इस बार। कलाइयों के सारे हल्के तो से मिड विकेट की दिशा में खेल दिया इस शॉट को और एक रन बटोर लिया यहां पर बल्लेबाज हैदरग्राम ने। स्ट्राइक पे आ गई है एलिस विलानी, स्कोर हो चुका है 95 रन दो विकेट नुकसान पर, 12.1 गेंद हो चुकी है। मुकाबले में जिस तरीके से अब होबार्ट हरिकेन ने गेम को शिफ्ट किया, अपनी तरफ ढकेला है, बड़ा अच्छा लगा है देखकर बल्लेबाजी यहां पर। स्ट्राइक पे मौजूद यहां पर एलिस विलानी, अगली गेंद मैगन सचेट के इस ओवर की। एक बार फिर से फुल लेंथ की गेंद, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहां पर 95 रन दो विकेट के नुकसान पर, 12.2 गेंदें हो चुकी हैं। अगर बात करें 46 गेंदें बची हैं इस पारी में, अगर 46 गेंदों में कम से कम अगर 65 रन भी जोड़ते हैं तो 160-170 तक पहुंच सकती है टीम। अगली गेंद यहां पर सामने है एलिस विलानी, इस बार लेग स्टंप पे ये गेंद थी, स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया और 2 रन मिल गए यहां पर एलिस विलानी को। स्कोर पहुंच गया 97 रन दो विकेट नुकसान पर 12.3 गेंदों के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है यहां पर एलिस विलानी और हैदरग्राम। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर बार बार मैं आपको दे रहा हूं, तो जाके ज्वाइन करते रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। अगली गेंद इस बार हैदरग्राम एलिस विलानी को, फुल लेंथ की गेंद थी, ड्राइव लगाया, गेंद गई कवर फील्डर के पास, कोई मौका नहीं रन बनाने का यहां पर। एक और डॉट गेंद इस ओवर में, बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रही है यहां पर एलिस विलानी। 4 रन दूर है अपने अर्धशतक से, क्या अर्धशतक लगा पाएंगे देखना होगा। 12.4 गेंदों के 97 रन दो विकेट नुकसान पर, अगली गेंद 5वीं गेंद मैगन सचेट के इस ओवर की। सामने मौजूद एलिस विलानी और एलिस विलानी का विकेट मिलना काफी जरूरी हो गया है यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर के लिए। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद यहां पर एलिस विलानी, 5वीं गेंद 13वें ओवर की, सामने है यहां पर एलिस विलानी। एक बार फिर से रूम बनाने की कोशिश थी, बैकफुट पे गए, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया, यहां पर कट किया इस गेंद को, गेंद गई सीधा कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर एलिस विलानी को और स्कोर पहुंच जाएगा होबार्ट हरिकेन्स का 98 रन दो विकेट नुकसान पर 12.5 गेंदों के बाद। कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने की, मगर इस बार मैगन सचेट कोशिश ये कर रही कि बल्लेबाज को बिल्कुल फॉलो किया जाए, जब बल्लेबाज रूम ढूंढ रहा है बल्लेबाज की तरफ ही गेंद को किया जाए। अगली गेंद मैगन सचेट के इस बार थोड़ा सा शफल करके ऑस्टम की तरफ चल के आई, हैदरग्राम गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए एक और चौका आता हुआ हैदरग्राम के बल्ले से और ये पार्टनरशिप जो है गेम को बिल्कुल शिफ्ट करती हुई होबार्ट हरिकेन्स की तरफ। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहां पर 102 रन दो विकेट नुकसान पर 13 ओवर के समाप्ति के बाद। 34 गेंदों में 57 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है हैदरग्राम और एलिस विलानी के बीच में। यहां पर एलिस विलानी जो है 41 गेंदों में 47 रन बनाकर खेल रही है, होंगी अब स्ट्राइक पर, देखना होगा 14 ओवर लेके कौन आएगा। और हैदरग्राम जो है वो 14 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रही है, 4 चौके लगा चुकी, पार्टनरशिप जो है वो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप है। 34 गेंदों में 57 रन की पार्टनरशिप, स्ट्राइक रेट पर नजर रखिएगा, हैदरग्राम के 186 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रही है और जब से आई है गेम को शिफ्ट कर दिया है होबार्ट हरिकेन्स की तरफ। तो 42 गेंदें बची हैं इस पारी में, अगर 42 गेंदों में यहां पर
मान के चलिए अगर 60 रन भी जोड़ते हैं तो 162 रन तो क्लियर दिख रहा है। आपको सोचना होगा, एडिलेड के कप्तानों को सोचना होगा, क्या एमेंडा जेड वेलिंगटन को दोबारा लेके आया जाएगा? जी हाँ, एमेंडा जेड वेलिंगटन को दोबारा लेके आया जा रहा है शायद। जी हाँ, वेलिंगटन आई है गेंदबाजी करने के लिए। अगली गेंद पर पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, यहां पर बीट हो गया और स्टंप आउट कर दिया। यहां पर एक और झटका लगता हुआ होमा हरिकेन्स को, यह पार्टनरशिप तोड़ना था, इसलिए अपने स्ट्राइकर गेंदबाज एमेंडा जेड वेलिंगटन को लेकर आई। ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद थी, स्टेप आउट किया, ड्राइव लगा कोशिश थी, बीट हो गई यहां पर एलएस विलानी और स्टंप आउट कर दिया विकेट कीपर ने। एक और झटका लगता हुआ यहां पर होमा हरिकेन्स को, 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13.1 गेंद हो चुकी है। एलएस विलानी 42 गेंद में 47 रन बनाकर यहां पर पवेलियन जाती हुई, 6 चौके लगाए थे और होमा हरिकेन्स को लग गया यहां पर एक और झटका। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग चलने की उम्मीद है, मगर जिस तरीके से एलएस विलानी खेल रही थी खतरनाक साबित हो रही थी यहां पर। अब देखिए प्लेटफॉर्म सेट है यहां पर होमा हरिकेन्स के लिए। अगर गेंदों की बात की जाए तो 41 गेंदें बची हैं, कोशिश यही 41 गेंदों में 60 या 65 रन जोड़कर 160 क्रॉस किया जाए, तो क्या 160 क्रॉस कर पाएंगे देखना होगा। नई बल्लेबाज आ गई है, बाएं हाथ की बल्लेबाज को भेजा गया है यहां पर लेग स्पिनर एमेंडा जेड वेलिंगटन के सामने। कौन आया बल्लेबाजी करने के लिए? निकोला कैरी को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। निकोला कैरी भी बड़े बड़े शॉट लगा लेती हैं, इसीलिए उनको यहां पर पांचवें नंबर पर भेजा गया है। देखते हैं यहां से बल्लेबाजी किस तरीके से करती हैं। स्कोर की अगर बात की जाए तो 102 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर 13.1 गेंद हो चुकी है। यहाँ से मुकाबले में इंटरेस्टिंग मोड आता हुआ यहाँ से देखते हैं कि कहते हैं ना कि शुरुआत चाहे जैसे मर्जी करी है आपने, मगर अंत भला तो सब भला। क्या अंत अच्छा हो पाएगा यहाँ पर होमा हरिकेन्स की इस पारी का? एमेंडा जेड वेलिंगटन बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं, 2 विकेट चटका चुकी हैं, अपना 3रा ओवर लेके आई हैं यहाँ पर एमेंडा जेड वेलिंगटन। अभी एक ओवर और करना है एमेंडा को। अगली गेंद एमेंडा के इस ओवर के सामने है, निकोला कैरी स्वीप करने जा रही थी, पैड से टकराई है गेंद, नहीं जी बल्ले से टकराई है, अंपायर शायद बल्ले का इशारा कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पर जो है सिंगल लेते हुए इस गेंद पर अंपायर इसको शायद लेग बाय करार देंगे क्या, नहीं देखना होगा। यहाँ पर अपील बड़ी जोरदार की थी, शफल करके ऑस्टम की तरफ आई थी, गेंद टर्न भी हुई थी यहाँ पर और एक रन आता हुआ यहाँ पर होमा हरिकेन्स के लिए। तो होमा हरिकेन्स का स्कोर पहुंच गया 103 रन 3 विकेट नुकसान पर 13.2 गेंदों के बाद। अगली गेंद इस बार एमेंडा जेड वेलिंगटन के सामने है हैदर ग्राम अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, सामने मौजूद है यहाँ पर हैदर ग्राम। अगली गेंद एमेंडा जेड वेलिंगटन के इस ओवर के सामने हैदर ग्राम, लो फुल टॉस, ये गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी मगर लो फुल टॉस बन गई है, गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया। इस गेंद को गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्कोर पहुंच जाएगा 104 रन 3 विकेट नुकसान पर 13.3 गेंदें हो चुकी हैं। स्ट्राइक में है निकोला कैरी, गेंदबाजी कर रही है एमेंडा जेड वेलिंगटन। यहां पर जो है आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को, मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी, ड्राइव लगाया इस गेंद पर निकोला कैरी ने, गेंद गई कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है, यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोशिश ये थी कि कवर के फील्डर को भेजा जाए और बाउंड्री बटोरी जाए। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, अगली गेंद देखते हैं किस तरीके से होगी। यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार सामने मौजूद यहाँ पर बल्लेबाज निकोला कैरी, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, क्लब कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेल दिया है इस गेंद पर यहाँ पर जो है एक रन और आता हुआ निकोला कैरी के बल्ले से 13.5 गेंदें हो चुकी हैं, 105 रन 3 विकेट नुकसान पर होमा हरिकेन्स का स्कोर है। थोड़ा सा अभी रन गति में थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश है, एमेंडा जेड वेलिंगटन ने विकेट निकाला है। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैंने ज्वाइन कर दे दिया, आपको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली गेंद बार फिर से हैदरग्राम को, राउंड द स्टंप गेंदबाजी करने गई थी, थोड़ा सा एक और कैच छूटता वाली लीजिए जी, थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ गई, राउंड द विकेट गेंदबाजी करने गई एमेंडा जेड वेलिंगटन, स्वीप किया इस गेंद को और मिड विकेट के फील्डर से ये कैच छूट गया और एक रन जुड़ गया खाते में यहाँ पर हैदरग्राम के। खराब फील्डिंग आज एडिलेड की जो फील्डिंग है वो काफी खराब हुई है, यहां पर कैच भी छूट गया और सिंगल भी आ गया, एक जीवनदान मिलता हुआ हैदर ग्राम को 14 ओवर की समाप्ति के बाद। 106 रन 3 विकेट नुकसान पर होमा हरिकेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगे अब हैदर ग्राम, मगर ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे यहां पर, अगर कैच नहीं पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैच हाथ से निकल जाए एडिलेड स्ट्राइकर के। अब 36 गेंदें बची हैं इस पारी की, सामने मौजूद है हैदर ग्राम, देखते हैं इन 36 गेंदों में कितने रन और जोड़ते हुए नजर आ सकती है यहां पर जो है बल्लेबाज हैदरग्राम। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो हैदरग्राम पे जिम्मेदारी होगी कि बड़े बड़े शॉट्स खेलें यहाँ पर,
रन की गति जो है वो बढ़ाएं, गेम को आगे लेके जाएं, तो क्या गेम को आगे लेके जा पाएंगे देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। WBBL वुमेन बिग बैश 2022 का ये मुकाबला 38वां मुकाबला है, देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेम चलता है। चलिए जर्मा बार्स भी गेंदबाजी करने आई है, पहली गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया मगर गेंद को आगे तक पहुँचा नहीं पाई। यहाँ पर गेंदबाज जर्मा बार्स ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 15वां ही ओवर है, 106 तीन विकेट नुकसान पर होवार्ड हरिकेन्स का स्कोर है। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद यहां पर हैदराबाद, इस बार फिर से ऑफस्पिन गेंद थी, यहां पर खेला जाती थी ऑन साइड की तरफ, टॉप एज लगा मगर गेंद ज्यादा ऊपर गई नहीं और गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया। दो लगातार डॉट गेंदे जर्मा बार्सबी के इस ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया लाइन से गेंदबाजी कर रही है। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद हैदराबाद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट दिशा में खेलने की कोशिश थी मगर गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर और स्कोर पहुंच जाएगा यहां पर 107 रन तीन विकेट नुकसान पर। भाई मॉडरेटर साहब से कहूंगा जो भाई स्पैम कर रहा है उसको हाइट चैट करिए, जो मतलब यहां पे जो आपको स्पैमर दिख रहे हैं जो बंगाली में लगे उनको जो है वो आप हाइट चैट कर दीजिएगा। यहां पर ब्रोकन बाय करें, नीड विकेट बाय ब्रोकन बाय, कोशिश तो ये करेंगे विकेट छटकाएं। यहां पर चलते हैं जरा गेंद की तरफ, यहां पर हैदराबाद कोशिश जरूर कर रहे हैं, निकोला कैरी है स्ट्राइक पर, जर्मा बार्स भी कर रही है गेंदबाजी, अच्छा ओवर जा रहा है, तीन गेंदे करी हैं इस ओवर के, एक रन दिया है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 107 रन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर, 14.3 गेंदे हो चुकी हैं। अगर बात करें यहां से गेंदों की तो 33 गेंदे बची हैं इस पारी की, 33 गेंदे बची हैं इस पारी की, कोशिश यही बड़े शॉट लगाए जाए। निकोला कैरी तैयार है, राउंड द स्टंप गेंदबाजी करेंगी जर्मा बार्स भी, इनको यहाँ पर लगता है गेंद को अंदर लाने की कोशिश रहेगी यहाँ पर जर्मा बार्स भी की। तो यहाँ पर तैयारी करते हुए निकोला कैरी फील्ड को सेट कर रही है, ऑन साइड की तरफ सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही फील्डर रखा हुआ है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, जर्मा बार्स भी की ऑफ स्पिन डिलीवरी, स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है सीधा फाइन लेग की दिशा में, एक रन तो मिल गया, क्या दूसरा भी लेंगे? जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट करना होगा यहाँ पर निकोला कैरी। तो दो सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में, 14.4 गेंदे हो चुकी हैं, 14.4 गेंदे हो चुकी हैं। अगर स्कोर की बात की जाए तो 108 रन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर, स्ट्राइक पे हैं अब हैदराबाद को अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो। यहां पर अगली गेंद हैदराबाद को, इस बार ऑफस्टंप के बाहर, यह गेंद कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई कवर फील्डर के पास, कोई मौका नहीं यहां पर रन बनाने का। तो स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 108 रन तीन विकेट नुकसान पर, 14.5 गेंदे हो चुकी हैं। बढ़िया ये शॉट खेलने की कोशिश थी मगर यहां पर कोशिश है ही रन बनाए जाए। हैदराबाद को अगली गेंद बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, यहां पर गेंद को मिस कर गई, गेंद जाके पैड से टकराई, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। बढ़िया ओवर जाता हुआ यहां पर जर्मा बार्स भी का, सिर्फ दो रन आए इस ओवर से 15 ओवर की समाप्ति के बाद, 108 रन तीन विकेट के नुकसान पर होवार्ड हरिकेन्स का स्कोर है। और यहां पर अगली 30 गेंदे बची हैं इस पारी की और उम्मीदें यही हैं इन 30 गेंदों में एडिलेड जो है वो कमबैक करे। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और Deltin7 आपके साथ जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके ID क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आप Deltin7 पर खेलते हैं, मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है। यहाँ पर अगर आप पहली बैट करते हैं और पहली बैट हार जाएंगे तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। Deltin7 की तरफ से जाइए, खेलिए और जीतिए। Deltin7 ऐप पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके ID क्रिएट कर लीजिएगा। यहां पर Deltin7 जो है वो गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है 16वें ओवर में, 30 गेंदे बची हैं, क्या 30 गेंदों में कुछ बड़ा प्रहार देखने को मिल जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, सामने मौजूद बल्लेबाज निकोला कैरी गेंदबाजी कर रहे हैं Deltin7 के ओवर की पहली गेंद, इस बार यॉर्कर ये गेंद थी, फाइन खेलना चाहती थी, शायद पॉइंट की दिशा में खेलना चाहती थी, मिस कर गई इस गेंद को, इनसाइड एज लगा, गेंद उन्हीं के पाले में रुक गई और Deltin7 ने गेंद को फील्ड करा, कोई रन नहीं मिलेगा इस पहली गेंद पर। तो 16वें ओवर की पहली गेंद, डॉट गेंद, आज Deltin7 ने जो है उंगलियां फेरी हैं गेंद के ऊपर, शायद आज स्पीड ज़्यादा दी नहीं है बल्लेबाजों को, उंगलियां फेरते हुए नजर आई हैं और पूरा मौका नहीं दे रही है बल्लेबाजों को कि उनके पेस का इस्तेमाल करें। पावर सर्ज कब लिया जाएगा भाई? पावर सर्ज ले लिया भाई रॉक भाई,
11 और 12 बार जो मारना शुरू किया तो पावर सच में मारना शुरू किया। अगली गेंद बार इस बार फिर से थोड़ा सा गेंद को आगे रखा, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश थी, यहाँ पर गेंद गई मिड ऑन की तरफ, एक रन मिल गया इस गेंद पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर पहुंच गया 109 रन 3 विकेट नुकसान पर, 15.2 गेंदें हो चुकी हैं, यहाँ से 28 गेंदें बची हैं इस पारी की। और डॉटिन चाहेंगे कि एक अच्छा ओवर जाए, पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे, अगर इस ओवर में भी 3 या 4 रन आए तो एक दो लगातार अच्छे ओवर हो जाएंगे यहाँ पर। क्या मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा? जी हाँ, मुकाबला काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, यहाँ पर तीसरी गेंद केटी मैक बात करते हुए डेनी डॉटिन से, शायद फील्ड में कोई तब्दीली करेंगे यहाँ पर जो है बल्लेबाज हैदर ग्राम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हैदर ग्राम खेल रही हैं काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही हैं। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, तीसरी गेंद है ये यहाँ पर 16वें ओवर की, सामने मौजूद यहाँ पर बल्लेबाज हैदर ग्राम। हैदर ग्राम को ये गेंद इस बार स्लो रन गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। यहाँ पर स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज निकोला कैरी आ चुकी है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर हो चुका है, स्कोर की अगर बात की जाए तो 110 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर। एडिलेड स्ट्राइकर को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार आप लोग। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, सामने मौजूद निकोला कैरी डॉटिन के ओवर की अगली गेंद बार, चौथी गेंद स्लोर वन गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने गई मगर गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 110 रन 3 विकेट नुकसान पर, 15.4 गेंदें हो चुकी हैं। यहाँ पर बात करें अगर गेंदों की, सिर्फ 2 गेंदें बची हैं इस 16वें ओवर की, अभी तक अच्छा ओवर गया है, सिर्फ 2 सिंगल दिए हैं इस ओवर में भी। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर सामने मौजूद निकोला कैरी को भेजा गया यहाँ पर बड़े शॉट खेलने के लिए, अभी तक बड़े शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले नहीं है। क्या अब जो है निकोला कैरी बड़ा शॉट खेलेंगे? 5वीं गेंद है इस 16वें ओवर की, सामने मौजूद निकोला कैरी गेंदबाजी कर रहे हैं डॉटिन के ओवर की अगली गेंद 5वीं गेंद, इस बार फिर से ऑस्टन के बाहर, ये गेंद कट कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है सीधा पॉइंट फिल्डर के पास। यहाँ पर जो है शायद आज लग रहा है कि एडिलेड की टीम जो है वो कुछ कमाल करने आई है, जिस तरीके से वो कमाल कर रहे हैं शायद कैचेस जो है वो छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं इस बार फील्डिंग अच्छी की, कैच नहीं की, वन बाउंस फील्डर के पास गई है मगर अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, अगर निश्चित तौर पर बाउंड्री जो बचाई है यहाँ पर, अगर ना पकड़ती शायद बाउंड्री हो जाती, मगर फील्डिंग बहुत अच्छी चल रही है अभी, मगर कैचेस बहुत छूटे हैं आज एडिलेड स्ट्राइकर से। मगर अंत भला तो सब भला, मैंने शुरू में कहा था 110 रन 3 विकेट नुकसान पर, 15.5 गेंदें हो चुकी हैं, लग रहा था 160 तक पहुंचेंगे मगर अब ऐसा लग रहा है कि 150 बन जाए तो बड़ी बात है। अगली गेंद बार निकोला कैरी को स्लो रन गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए एक और चौका, चौका जुड़ता हुआ निकोला कैरी के बल्ले से चौका आता हुआ, स्कोर पहुंच गया होगा 18 गेंद का 114 रन 3 विकेट नुकसान पर। 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्ट्राइक पे होंगे हैदर ग्राम। ये पार्टनरशिप काफ़ी स्लो हुई है, 17 गेंदों में सिर्फ 12 रन की ये पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में। यहाँ पर टॉस जरूर जीता एडिलेड स्ट्राइकर ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और निर्णय काफ़ी हद तक ठीक भी लग रहा है कि आपने 14 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, मगर ये काफ़ी ज़्यादा विकेट हो सकती थी जहाँ पर कैच काफ़ी छोड़े हैं आज एडिलेड स्ट्राइकर ने। अब 24 गेंदें बची हैं इस पारी की, स्ट्राइक पर मौजूद है हैदर ग्राम। हैदर ग्राम चाहेंगे कि अगले 24 गेंदों में कम से कम 35 से 40 रन जोड़े जाएँ, क्या जोड़ पाएंगी देखना होगा। स्ट्राइक पे हैं हैदर ग्राम। यहाँ पर जैमा बार्सबी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, जैमा बार्सबी के ओवर की है पहली गेंद, सामने मौजूद बल्लेबाज हैदर ग्राम, कदमों का इस्तेमाल किया, खेल दिया इसको मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, यहाँ पर एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर जो है हैदर ग्राम को। स्ट्राइक पे आ गई है निकोला कैरी। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर पहुंच चुका है 115 रन 3 विकेट नुकसान पर। विकेटों की तलाश में एडिलेड और रनों की तलाश में होबार्ट हरिकेन्स, किस कौन जो है बाजी मारेगा देखना होगा। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहां पर जो है अब निकोला कैरी को अगली गेंद बार फिर से फ्लैट डिलीवरी थी, सीधे बल्ले से खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिल जाएगा यहाँ पर कैरी को। और स्ट्राइक पे आ गई है हैदर ग्राम। 2 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में शुरुआत की 2 गेंदों में, ये बड़ा ओवर चाहिए, एक बाउंड्री तो चाहिए होगी आपको इस ओवर में, क्या एक बाउंड्री लगा पाएंगे यहाँ पर हैदर ग्राम। स्कोर हो चुका है 116 रन 3 विकेट नुकसान पर, 17वां ये ओवर चल रहा है, 22 गेंदें बची हैं इस पारी की। अगली गेंद तीसरी गेंद पर थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी, ऑफ साइड की तरफ ये गेंद थी पटकी हुई, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए
एक चौका और आता हुआ यहां पर हैदराबाद के बल्ले से और स्कोर पहुंचाती हुई अपनी टीम का 120 रन 3 विकेट नुकसान पर 16.3 गेंदों के बाद। इस बार तो जेमा बार्स भी जो है वो गलती कर गई, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद कर दी ऑफ साइड की तरफ और ड्राइव लगाया यहां पर जो है बल्लेबाज हैदराबाद ने और कवर की दिशा में बाउंड्री बटोरी। अगली गेंद बार जेमा बार्स भी की, इस बार फ्रंटेड डिलीवरी थी, कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव फिर से लगाया मगर इस बार फील्डर के हाथ में मार बैठी यहां पर हैदराबाद और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहां पर अब जो है 120 रन 3 विकेट नुकसान पर। अगर गेंदों की बात की जाए, चार गेंदें हो गई हैं इस ओवर की। अगली गेंद जाए बार्स भी की, इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया इस गेंद को, पॉइंट के ऊपर से यह गेंद गई मगर बाउंड्री तक पहुंचेगी नहीं, वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया और दो रन मिल गए हैदराबाद को। भांप लिया था कि मिडल स्टंप पे यह गेंद है, उसको रिवर्स स्वीप किया, पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाला और दो रन बटोर लिए इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 122 रन 3 विकेट नुकसान पर, 16.5 गेंदों का खेल हो चुका है, 17वां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। स्ट्राइक पे मौजूद है हैदराबाद। अगली गेंद जेमा बार्स भी के इस ओवर के सामने हैदराबाद, लेग स्टंप पे यह गेंद थी, स्वीप करने गई, टॉप एज लगा और गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद निकल गई मगर वहां पर फाइनल के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। एक रन मिल जाएगा यहां पर हैदराबाद को इस ओवर की आखिरी गेंद पर। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 123 रन 3 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है होबार्ट हरिकेन्स का। स्ट्राइक पे होंगी हैदराबाद, देखते हैं गेंदबाजी कौन करता है 18वें ओवर की, कौन करेगा 18वें ओवर की गेंदबाजी। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूं, जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको सारे मैच की प्रेडिक्शन मिल जाएगी, प्लस आपको सेशन मैच टॉस रिपोर्ट सब रिपोर्ट आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीआईपी मेंबर्स को भी जो है हम ऐड करते हैं जहां पर आपको पैसे नहीं, सिर्फ डेल्टली 7 का अकाउंट दिखाना है और आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी यहां पर। तो जाके ज्वाइन करते रहिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर है, तो लाइव चैट के अंदर देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, यहां पर अमेंडा जेन वेंटन आई है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद बार फ्लैट डिलीवरी, गेंद स्टेप आउट करके हैदराबाद ने इस गेंद को खेल दिया, मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे आ गए हैं निकोला कैरी, 17 गेंदें बची हैं इस पारी की, 124 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 17.1 गेंद के बाद। अमेंडा जेड वेलिंगटन आई है, 2 विकेट चटका चुकी हैं, क्या एक और विकेट निकाल सकती हैं इस ओवर में। सामने मौजूद निकोला कैरी, बड़े बड़े शॉट लगाना पसंद करती हैं निकोला कैरी। अगली गेंद इस बार अमेंडा जेड वेलिंगटन की, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद, उसको पुल कर दिया, गेंद जा रही है सीधा मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक रन मिलता हुआ यहां पर निकोला कैरी को। स्ट्राइक पे फिर से आ जाएंगे हैदराबाद, 2 सिंगल इस ओवर में आ चुके हैं, एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश रहेगी यहां पर, क्या यहां पर बड़ा प्रहार कर पाएंगे देखना होगा। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, तीसरी गेंद 18वीं ओवर की, मौजूद बल्लेबाज यहां पर हैदराबाद की शुरुआत अच्छी हुई थी, क्या अब आखिरी में क्या बड़े बड़े शॉट लगा सकती हैं। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, स्कोर हो चुका है 125 रन। अगली गेंद बार हैदराबाद को राउंड द स्टंप गई है, एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद थी, खेल दिया इसको मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस बार भांप लिया और खेलना ही चाहती थी मिड विकेट दिशा में, पैड की तरफ ये गेंद थी, बैकफुट पे गई, रूम बनाया अपने लिए और यहां पर गेंद को उठा दिया और मिड विकेट की दिशा में छक्का बटोर लिया, हवाई फायर किया है, बल्ला घुमाया जरूर है और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया ये शॉट था हैदराबाद के बल्ले से, स्कोर पहुंच गया 131 रन 3 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद अमेंडा जेड वेलिंगटन की, इस बार ऑस्टन की तरफ गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने जा रही थी, गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, यहां पर एक रन और जुड़ता हुआ हैदराबाद के इस खाते में, तो स्कोर पहुंच गया है 132 रन 3 विकेट नुकसान पर, 17.4 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से अमेंडा जेड वेलिंगटन की सोच काफी बेकार यहां पर, क्योंकि राउंड द स्टंप आप हैदराबाद को नहीं कर सकते हैं। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। सामने निकोला कैरी, एक बार फिर से लेग स्पिन ये गेंद, फुल नो फुल टॉस ये गेंद थी, स्टेप आउट किया, सीधे बल्ले से खेला जरूर, एक और कैच छूटता हुआ यहां पर। आज एडिलेड की जो कैचेस हैं वो लगता है कि प्रैक्टिस जो है उन्होंने करी नहीं है, एक और कैच छूट गया यहां पर
और एक रन मिल गया यहाँ पर निकोला कैरी को। जी हाँ, अगली गेंद बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, चौप एच लगा है मिड ऑफ के सर के ऊपर से, ये गेंद जरूर गई और एक रन और जुड़ता हुआ खाते में, एक रन माफ़ी दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर निकोला कैरी को। तो ओवर की हो गई है समाप्ति, अच्छा ओवर गया ये, 11 रन आए इस ओवर से होबार्ट हरिकेन्स के लिए। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 134 रन 3 विकेट नुकसान पर होबार्ट हरिकेन्स। वुमेन्स का स्कोर है, स्ट्राइक पे होंगे अब हैदरग्राम, देखते हैं गेंदबाजी कौन करेगा 19वें ओवर की। यहाँ पर 30 गेंद में 46 रन बनाकर खेल रही है हैदरग्राम, 5 चौके 1 छक्का लगाया है। यहाँ से दबाव को थोड़ा सा शिफ्ट करना है और दबाव डाल के रखा हुआ है एडलेड के गेंदबाजों के ऊपर, मगर एडलेड यहाँ से कोशिश ये करेगा कि बचे हुए 2 ओवरों में 12 गेंदों में यहाँ पर 150 से नीचे रखने की कोशिश रखी जाए, क्या रख पाएंगे देखना होगा। मैगन सचर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए 19वें ओवर में। मैगन सचर चाहेंगे कि हैदरग्राम को यहां पर आउट किया जाए और दबाव को शिफ्ट किया जाए बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि आप बल्लेबाज यहां से चाहेंगे कि कम से कम 150 क्रॉस किया जाए और एडलेट चाहेगा कि 150 से नीचे रोका जाए। अगली गेंद बार मैगन सचर के इस ओवर की, चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। पहली गेंद बार रिवर्स स्वीप करने गई तेज गेंदबाज को, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी मगर अंपायर ने इसको वाइड करार नहीं दिया, क्योंकि आप अगर रिवर्स स्वीप खेल रही हैं तो वो गेंद वाइड नहीं होगी और डॉट गेंद मानी जाएगी, तो डॉट गेंद हो गई। पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, 19वें ओवर की शुरुआत अच्छी करी है मैगन सचर ने, कोई रन नहीं दिया इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 134 रन 3 विकेट नुकसान पर। आप सब लोग जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। अगली गेंद मैगन सचर के इस ओवर के, एक बार राउंड द स्टंप गई है, सीधा गेंद को लेग स्टंप पर रखा था, पैड पे निशाना ताना था और पैड पे जाके गेंद लगी और लेग बाय का एक सिंगल आता हुआ यहां पर है, यहां पर जो है होबार्ट हरिकेन्स के लिए। तो स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 135 रन 3 विकेट नुकसान पर 18.2 गेंदों के बाद। 10 गेंदें बची हैं इस पारी की, कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज की बड़े शॉट लगाए जाएं, क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे देखना होगा। आप सब लोग बिल्कुल जुड़ रही है, 10 गेंदें बची हैं इस पारी की। आप हमारे सबके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, जिसका लिंक जो है वो मैं लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली गेंद बार निकोला कैरी को, ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, सिर्फ बल्ला दिखाया जरूर था, बल्ला सिर्फ लगाया था गेंद की तरफ, गेंदबाज की पेस का इस्तेमाल किया और थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोर लिया यहां पर निकोला कैरी ने। तो दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर आता हुआ चौका निकोला कैरी के बल्ले से स्कोर पहुंच गया होबार्ट हरिकेन्स का 139 रन 3 विकेट नुकसान पर 18.3 गेंदों के बाद। एक बार फिर से यॉर्कर करने की कोशिश थी मगर ये ऑस्टन के बाहर, ये यॉर्कर थी, सिर्फ बल्ला लगाया जरूर था और गेंद गई सीधा यहां पर जो है थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए। अगली गेंद फिर से, इस बार स्लोअर और गेंद थी ऑस्टन की तरफ से, ड्राइव लगाया, गेंद गई कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 139 रन 3 विकेट नुकसान पर 18.4 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की। अगर बात की जाए तो इस ओवर में आपको जो है, इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो 5 रन आ चुके हैं, क्या ये आखिरी 2 गेंदें जो है मैगन सचेट अच्छी तरीके से फिनिश कर पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद इस बार चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, सामने मौजूद बल्लेबाज जो है निकोला कैरी, एक चौका लगाया जरूर है, देखते हैं। 5वीं गेंद मैगन सचर के ओवर के, राउंड द स्टंप गेंदबाजी करे, इस बार लेग स्टंप पे ये गेंद थी, खेल दिया इसको मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बढ़िया ये शॉट था, इस बार चौका नहीं मैं छक्का बटोर लिया, यहाँ पर फ्लैट शॉट था बिल्कुल और 6 रन जाते हुए यहाँ पर निकोला कैरी के बल्ले से, दिशाहीन गेंद मैगन सचर की, ये गेंद लेग स्टंप पे ये गेंद थी, बल्ला घुमाया और गेंद को भेजा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो बढ़िया ये शॉट था इस बार निकोला कैरी के बल्ले से, तो स्कोर पहुंचा दिया अपनी टीम का 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18.5 गेंदें हो गई। आखिरी गेंद 19वें ओवर के, सामने मौजूद निकोला कैरी 10 रन बटोर चुकी है अभी तक, एक बार फिर से ऑस्टन की तरफ एक गेंद ही, खेल दिया इसको पॉइंट की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा निकोला कैरी को और स्कोर पहुंच जाएगा होबार्ट हरिकेन्स का 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रन स्कोर हो चुका है होबार्ट हरिकेन्स का 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब सिर्फ 6 गेंदें बची हैं, लग रहा है कि 150 तो पार हो जाएगा, 160 तक बना सकते हैं देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो शॉट लगाया निकोला कैरी ने, बड़ा मजा आया देखकर, एकदम बिल्कुल गेंद आगे की तरफ थी, लेग स्टंप पे ये गेंद थी, फ्लिक कर दिया उसको सिर्फ मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और 6 रन के लिए फ्लैट शॉट खेला निकोला कैरी ने। आखिरी 6 गेंदें बची हैं, ये आखिरी 6 गेंदों में देखते हैं क्या कमाल कर पड़ सकती है होबार्ट हरिकेन्स की टीम या फिर एडलेड जो है यहां पर विकेट चटकाएगी, कौन आया गेंदबाजी करने के लिए देखना होगा यहां पर।
आखिरी ओवर है ये इस पारी का। इस पारी में अच्छी बल्लेबाजी अभी तक करते नजर आई है होबार्ट हरिकेन्स की टीम। डेविन डॉटिन को दी गई है गेंद। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। आखिरी छह गेंदे सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर निकोला कैरी। डॉटिन जो है ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहेंगी निकोला कैरी को। कोशिश डॉटिन की यही है कि ज़्यादा रन ना दिए जाएं इस ओवर में। निकोला कैरी चाहेंगे कि 14-15 रन बटोरे जाएं इस ओवर में। 160 क्रॉस किया जाए, क्या कर पाएंगे 160 देखना होगा। डॉटिन के ओवर की है पहली गेंद। सामने मौजूद निकोला कैरी गेंद लेकर चलती हुई यहाँ पर डॉटिन। सामने है निकोला कैरी पहली गेंद इस 20वें ओवर के। इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद कट कर दिया गेंद को, सिर्फ दिशा दिखाई है गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में। एक रन तो मिल गया है यहाँ पर निकोला कैरी को और स्ट्राइक पे बल्लेबाज आ चुकी है हैदरग्राम। हैदरग्राम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है आज। स्कोर हो चुका है यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स का 147 रन बन चुके हैं यहाँ पर। 3 विकेट नुकसान पर 5 गेंदें बची हैं इस पारी की। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाज हैं हैदरग्राम। दूसरी गेंद 20वें ओवर की डॉटिन की। सामने हैदरग्राम इस बार फिर से स्लोर वन गेंद थी। यहाँ पर बल्ले को घुमाया जरूर, टॉप एज लगा और कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। ओहो जबरदस्त, कहीं ना कहीं लक जो है वो आज हैदरग्राम के साथ में है। शॉट खेला और चौका बटोरा इस गेंद पर। स्लोर वन गेंद थी, पुल करने गई थी इस गेंद को, मतलब स्वीप करने गई थी, टॉप एज लगा और कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। तो 4 रन और जुड़ते हुए हैं यहाँ पर हैदरग्राम के खाते में और हैदरग्राम के हो गए हैं 50 रन पूरे। हैदरग्राम ने लगा दिए हैं 50 रन। यहाँ पर स्कोर पहुँच गया होबार्ट हरिकेन्स का 151 रन 3 विकेट नुकसान पर 19.2 गेंदों के बाद। अगली गेंद तीसरी गेंद सामने मौजूद हैदरग्राम और डेट नॉटिंग की एक बार फिर से स्लोअर वन गेंद। सीधे बल्ले से खेला गेंद को, गेंद गई हवा में। यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कैच पकड़ लिया। यहाँ पर काफ़ी देर के बाद यहाँ पर जो है एडलेट के फील्डर जो है वो कैच पकड़ते नजर आए। स्लोअर वन गेंद थी, ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी। सीधे बल्ले से खेला और गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में और फील्डर ने पकड़ा कैच। एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ यहाँ पर जो है होबार्ट हरिकेन्स को। एक अच्छी पारी हुई समाप्त हैदरग्राम की। 34 गेंदों बनाए, 50 रन, 6 चौके, 1 छक्का लगाया है। स्ट्राइक रेट जो है वो कम से कम 148 का रहा है। 19.3 गेंदें हो चुकी हैं, 151 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से सिर्फ 3 गेंदें बची हैं इस पारी की और बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी है आज होबार्ट हरिकेन ने। एक अच्छा खासा स्कोर यहां पर बनाए हैं। अगर स्कोर की बात की जाए तो 151 बन चुके हैं और अभी भी 3 गेंदें बची हैं। तो 3 गेंदों में आप कोशिश ये करेंगे कि बड़े शॉट लगाए जाए, देखते हैं बड़े शॉट लगा पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर एक मुकाबले में सामने मौजूद नई बल्लेबाज आ चुकी हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर आई हैं जॉस्टन को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद, चौथी गेंद बार स्लोर वन गेंद थी, स्वीप करने गई इस गेंद को, बीट हो गई यहाँ पर जॉस्टन। चौथी गेंद जो है वो डॉट गेंद है, तो कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का जॉस्टन के पास। स्कोर अभी भी 151 रन 4 विकेट नुकसान पर। 19.4 गेंदें हो गई हैं, 2 गेंदें बची हैं इस पारी की। लाइक जरूर करिए आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक चैनल मैंने पिन कर दिया है। अगली गेंद बार जॉस्टन के इस ओवर के, एक बार फिर से स्लोर वन गेंद, फिर से बल्ला घुमाया जरूर मगर गेंद इस बार बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई। 2 लगातार स्लोर गेंद है, दोनों पर बीट कर दिया इस बार जॉस्टन को 151 रन 4 विकेट नुकसान पर। 19.5 गेंदें हो गई हैं, आखिरी गेंद बची है इस 20वें ओवर की। अगर बात करें इस ओवर में टोटल जो है 5 रन आए हैं। बढ़िया गेंदबाजी डॉटिन की यहां पर। सामने मौजूद जॉस्टन चाहेंगे कि इस आखिरी गेंद पर कम से कम बाउंड्री जो है बटोरी जाए, क्या बटोर पाएंगे देखना होगा। अगली गेंद सामने मौजूद बल्लेबाज जॉस्टन, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे देखना होगा। यहां पर सामने मौजूद है यहां पर बल्लेबाज जॉस्टन, एक बार फिर से स्लोर वन गेंद। इस बार ऑस्टन के ज्यादा बाहर यह गेंद थी, विकेट बीट हो गई इस गेंद पर, विकेट कीपर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 1 रन जुड़ता हुआ खाते में होबार्ट हरिकेन्स के। तो यहां पर पारी हो गई है समाप्त होबार्ट हरिकेन्स की। 20 ओवर बनाए, 152 रन 4 विकेट नुकसान पर। होबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है, मैच का सूरत हाल ये रहा यहां पर कि एडिलेड स्ट्राइकर ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत काफी अच्छी थी होबार्ट हरिकेन्स की और 20 ओवर बनाए सिर्फ 152 रन 4 विकेट नुकसान पर। अब टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर को 153 रन का।
153 रन का टारगेट दिया है, 120 गेंदों में बनाना है एडिलेड स्ट्राइकर को, तो क्या एडिलेड स्ट्राइकर चेज कर पाएगी देखना होगा। आप सब लोग जो है डेल्टिन सेवन ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेशन में मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आई डी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपोजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है, 100 रुपये डिपोजिट करके आप खेल कर जीत सकते हैं। यहाँ पर विड्रॉल जो है 15 मिनट के अंदर आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में, प्लस डिपोजिट करना बहुत आसान है, गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप यहाँ पर डिपोजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बैट करते हैं डेल्टिन सेवन ऐप पे और पहली बैट हार जाते हैं तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको 777 रुपये तक का रिफंड आपको मिल सकता है। यहाँ पर शर्त यही है कि क्रिकेट लाइव हिंदी के व्यूअर्स के लिए, तो क्रिकेट लाइव हिंदी के लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करिएगा, आईडी क्रिएट करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा डेल्टिन सेवन ऐप पे, खेलिएगा और जीतिएगा, जाइए खेलिए और जीतिए डेल्टिन सेवन ऐप पे, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। तो यहाँ से अब इनिंग ब्रेक हो चुका है, यहाँ से अब इनिंग ब्रेक हो चुकी है और जाके अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जुड़ेंगे लाइव एक्शन में, तो कहीं मत जाइएगा आप सब लोग, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन में। यहां पर
चलिए यहाँ से आप सभी का स्वागत करेंगे। इनिंग ब्रेक जो है वो समाप्त हो गई है, प्लेयर ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। देवेंद्र डॉटिन और केटी मैक ओपनिंग करने आई हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद ज़बरदस्त ये गेंद थी, तैयारी चल रही है इस मुकाबले की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। पहली गेंद अच्छी गेंद थी ये, ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, हल्का सा स्विंग मिला था गेंदबाज को, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। तैयारी हो गई है इस मुकाबले की, पहली गेंद भी डल चुकी है यहाँ पर और कोई रन नहीं मिला है। टारगेट जो है वो 153 रन का है, देखते हैं 153 का टारगेट किस तरीके से पूरा करेंगे। यहाँ पर हेली जेंसन के हाथ में गेंद है, इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, चौका बटोर लिया यहाँ पर बल्लेबाज जो है केटी मैक ने, तो एक चौका आता हुआ इस पारी में। एडिलेड की पारी का पहला चौका केटी मैक के बल्ले से, स्कोर हो चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के दो गेंदों के बाद। 118 गेंद मचाई है, 149 रन जीतने के लिए रिक्वायरमेंट रेट 7.58 का हो चुका है। तो लाइक करिए आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। इनिंग ब्रेक समाप्त हो चुकी है और अब यह जो है दूसरी पारी स्टार्ट हो चुकी है। हिली जेंसन कर रही है गेंदबाजी, हिली जेंसन के ओवर की तीसरी गेंद, बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद, कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डी पॉइंट की दिशा में, एक और चौका इस ओवर में। लगातार दो चौके यहां पर लगा दिए केटी मैक ने इस गेंद पर, तो दो लगातार चौके और स्कोर पहुंच गया एडिलेड स्ट्राइकर का 8 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया ये शॉट था केटी मैक का, देख लिया था कि बॉल ऑस्टन के ज्यादा ही बाहर है, इसलिए थोड़ा सा जो है गेंद की तरफ पहुंची और गेंद को कट कर दिया और चौका बचोड़ लिया इस गेंद पर। तो तीन गेंदें हो गई है इस ओवर की, 8 रन बिना किसी नुकसान के एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स का स्कोर है। यहां पर मौजूद है केटी मैक, देवेंद्र डॉटिन जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। हिली जेंसन के ओवर की है चौथी गेंद, सामने मौजूद केटी मैक, देखते हैं क्या करेंगे इस बार। फिर से फुल लेंथ की गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, मिड ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है, स्कोर हो चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के। स्कोर देखिए, स्कोर तो बड़ा ही है, अगर आप स्कोर चेज कर रहे हैं 153 रन, तो आप चाहेंगे कि पावर प्ले के अंदर कम से कम 4 ओवर के अंदर आप चाहेंगे कि यहां से 36 से 38 रन बनाए जाएं, थोड़े से तेजी से रन बटोरे जाएं। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से। स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज केटी मैक, केटी मैक को ये पांचवी गेंद, इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, हल्का तो जो खेला इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर केटी मैक को। स्ट्राइक पे आगे हैं देवेंद्र डॉटिन, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 5 गेंदों के बाद, स्कोर हो चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान के। शुरुआत काफ़ी अच्छी है एडिलेड की, एडिलेड चाहेगा इस शुरुआत को आगे बढ़ाया जाए, क्या शुरुआत को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ से चाहिए केटी मैक और देवेंद्र डॉटिन जो है एक मजबूत शुरुआत दें, 40-50 रन की शुरुआत दें, जिससे आने वाले बल्लेबाजों को एक स्टेबल मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए यहां पर आगे रन को चेज करने के लिए। तो स्ट्राइक पे मौजूद है डॉटिन, गेंदबाजी यहां पर कर रही हैं बल्लेबाज, गेंदबाजी यहां पर कर रही हैं हिली जेंसन। हिली जेंसन के ओवर की अगली गेंद, इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, ड्राइव करने गई इस गेंद पर, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की आखिरी गेंद जो है वो डॉट गेंद है, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगे केटी मैक, देखते हैं दूसरा ओवर लेके कौन आता है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है, उम्मीद करेंगे कि ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को हमें मिल जाए। अभी तो ठीक ठाक मुकाबला देखने को मिला है, शुरुआत काफ़ी अच्छी करी है केटी मैक ने, मगर इस शुरुआत को आगे लेके जाना होगा। जितना आगे लेके जाएंगे इस शुरुआत को, गेम को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है इस मुकाबले में। स्कोर की अगर बात की जाए तो 105 यहाँ पर अगर बात करें स्कोर की, तो 9 रन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। देखते हैं आगे किस तरीके से गेम चलता है। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहां पर जो है केटी मैक, स्पिनर गेंदबाज को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। यहां पर पहली गेंद यहां पर स्टैनो की, इस बार थोड़ा सा ऑस्टन पे गेंद थी, कलाइयों के सहारे खेल दिया इसको ऑन साइड की तरफ, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर जो है केटी मैक को। स्ट्राइक पे आ गए हैं डॉटिन, स्टैनो को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंदबाजी करती है, अपनी टीम को मजबूती प्रदान करती हैं, तो क्या यहां से विकेट निकाल के देंगे। सामने है डॉटिन, क्या बड़ा प्रहार कर सकती हैं, देखना होगा। अगली गेंद यहां पर दूसरी गेंद इस ओवर की, दूसरे ओवर की, 10 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर हो चुका है यहां पर जो है एडिलेड स्ट्राइकर का। अगली गेंद पर मौजूद है यहां पर डॉटिन, थोड़ा फील्ड का मुआयना लेती हुई। डॉटिन का चलना बहुत जरूरी है एडिलेड के लिए, क्योंकि वो चलेंगी तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करती है, तो टीम जीत सकती है। अगली गेंद स्टैनो की, इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, कलाइयों के सारे खेल दिया इसको ऑन साइड की तरफ, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहां पर 10 रन 11 रन बन चुके हैं यहां पर
जो है 1.2 गेंदों के बाद यहाँ पर अगली गेंद स्टैनो के ओवर की तीसरी गेंद सामने मौजूद कैटी मैक को अगली गेंद पर ऑस्टम की तरफ ये गेंद थी ड्राइव लगाने गई आउटसाइड एज लगा गेंद गई पॉइंट की दिशा में कोई मौका नहीं रन बनाने का सिंगल भी नहीं आया डॉट गेंद है ये 1.3 गेंदें हो चुकी हैं 11 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर एडलेट स्ट्राइकर का स्कोर है सामने है कैटी मैक स्टैनो के ओवर की अगली गेंद चौथी गेंद इस ओवर की क्या कैटी मैक कुछ बड़ा शॉट खेलेंगे स्टैनो के ओवर की अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया सीधे बल्ले से खेला जरूर है गेंद हवा में गई है देखना होगा जी हाँ फील्डर नीचे आती हुई यहाँ पर कैच पकड़ा पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर एडलेट की टीम को पहला झटका लग गया एडलेट स्ट्राइकर की टीम को केटी मैक कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलने गई चौपेंच लगा और मिड ऑन के फील्डर ने कोई गलती नहीं करी यहाँ पर कैच पकड़ा और एक विकेट झटका है यहाँ पर जो है स्टेनो ने दे दिया पहला झटका यहाँ पर जो है एडलेट स्ट्राइकर को तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर एडलेट स्ट्राइकर का 11 रन एक विकेट नुकसान पर 1.4 गेंदों के बाद 110 गेंदों में चाहिए 142 रन जीतने के लिए केटी मैक 8 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन जाती हुई 2 चौके लगाए थे इस बार भी कोशिश यही थी कि बड़ा शॉट लगाया जाए गेंदबाज के सर के ऊपर मगर शॉट लगा नहीं पाई और गेंद को पकड़ लिया मिड ऑन के फील्डर ने और कैच पकड़कर आउट कर दिया यहाँ पर केटी मैक को देखते हैं अब आगे किस तरीके से यहाँ पर गेम चलता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग जुड़ रही हैं हमारे साथ इस मुकाबले में अच्छा एक मुकाबला होने की उम्मीद थी यहाँ पर मगर जिस तरीके से अभी गेम चल रहा है उस तरीके का गेम जो है वो देखने को मिल नहीं रहा है चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ देखते हैं अभी आगे क्या होगा इस मुकाबले में स्कोर जो है वो हो चुका है यहाँ पर अब 11 रन एक विकेट नुकसान पर लॉरा वुडराट आई है बल्लेबाजी करने के लिए अगली गेंद स्टैनो के इस ओवर की पांचवी गेंद सामने है लॉरा वुडराट ड्राइव लगाया इस गेंद पर गेंद गई सीधा कवर की तरफ फील्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 11 रन एक विकेट नुकसान पर अभी भी 142 रन चाहिए जीतने के लिए यहाँ पर तो क्या यहाँ पर विकेट छटका पाएंगे देखना होगा स्टैनो के इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं स्ट्राइक पे मौजूद हैं लॉरा वुलवेट जो है वो स्ट्राइक पे मौजूद अगली गेंद इस बार सामने मौजूद लॉरा वुलवेट आखिरी गेंद है इस ओवर के इस बार बैकफुट पे जाकर डिफेंस कर लिया इस गेंद को कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अगर बात की जाए तो 11 रन एक विकेट नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद देखते हैं तीसरा ओवर लेके कौन आता है अभी भी 142 रन चाहिए जीतने के लिए 108 गेंदों में रिक्वायर्ड रन रेट 7.89 की है अगर इस रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लाना है तो डेविड डॉटिन को जो है एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी एक अच्छा स्कोर यहां से खड़ा करना पड़ेगा डॉटिन अगर अंत तक खेलती हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा यहां पर जो है एडलेट स्ट्राइकर के लिए देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में यहाँ पर एक ज़बरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है आखिरी ओवर क्या फिनिश देखने को मिल सकता है देखना होगा यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ आप सब लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते रहिए जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूँ तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को और इन्जॉय करिएगा हमारे प्रेडिक्शन को जिससे आप जो है यहाँ पर काफ़ी पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर जो है विकेट कीपर तैयार हो रही हैं डॉटिन को यह पहली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा पहली गेंद जो है जो है डॉट गेंद है हेली जेंसन गेंदबाजी करनी है यह गेंद को आगे रखने की कोशिश है कुछ चाहती है कि डॉटिन जो है वो बड़ा शॉट खेले मगर यहाँ पर डॉटिन जो है वो संभल के बल्लेबाजी कर रही है 3 गेंदें खेली हैं मात्र 1 रन बनाया है जिन्हें डॉटिन जो है वो बड़े बड़े शॉट लगाना पसंद करती हैं क्या शॉट लगा पाएंगे देखते हैं यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ सामने मौजूद डॉटिन हेली जेंसन कर रही है गेंदबाजी हेली जेंसन को अगली गेंद बात होता है पटकी गेंद थी ऑस्टम के बाहर ये गेंद थी कट करने की कोशिश गेंद गई पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा 2 लगातार डॉट गेंद इस ओवर में जितनी डॉट गेंद है यहां पर खेलते हुए नजर आएंगी एडलेट की टीम प्रेशर जो है वो एडलेट के ऊपर आता जाएगा क्योंकि यहां से आपको 153 रन बनाने हैं और आपने सिर्फ 11 रन बनाए हैं थोड़ा सा स्टेबल शुरुआत होनी चाहिए थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट को अगर कम लाना है तो पावर प्ले को यूटिलाइज करना होगा खासकर डॉटिन को संभल के बल्लेबाजी करनी होगी अगली गेंद इस बार फिर से तीसरी गेंद इस बार यहां पर खेल दिया गेंद को मिड विकेट दिशा में एक बार कैच छूटता हुआ यहां पर हॉबार्ट हरिकेन्स के फील्डर से एक बार बाउंड्री भी चेक की जाएगी क्योंकि बाउंड्री तक ये गेंद गई जरूर है जी हां चौका दे दिया एंपायर ने चौका मिलेगा इस गेंद पर इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी घसीट के लाई थी इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में फील्डर ने डाइव लगाई गेंद को पकड़ने की मगर गेंद को पकड़ नहीं पाई और चौका मिल गया इस गेंद पर डॉटिन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका स्कोर पहुंच गया एडिलेड का 15 रन एक विकेट नुकसान पर 2.3 गेंदों के बाद तो ऐसे आक्रामक शॉट्स लगाने
होंगे मगर सेफली कोशिश करें यहाँ पर ऑफ साइड की तरफ खेलें। देखते हैं हिली जैनसन के ओवर के अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, खेल दिया इसको यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन मिलता हुआ डॉटिन को। स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज लॉरा वुल्वेट। लॉरा वुल्वेट आज जो है वो अच्छी, जबरदस्त लॉरा वुल्वेट जो है अच्छी बल्लेबाज है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 16 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर, 2.4 गेंदे हो चुकी हैं, करंट रन रेट 6 की चल रही है यहाँ पर, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा रन गति को बढ़ाना होगा मगर विकेट भी नहीं खोना होगा एडिलेड को। होवार्ड हरिकेन्स तो यहाँ पर विकेट चाहेगा कि विकेट छटकाई जाए और दबाव डाला जाए यहाँ पर एडिलेड के बल्लेबाजों के ऊपर। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, हिली जैनसन की अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर लॉरा वुल्वेट ने, गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो 16 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर, यहाँ पर 2.5 गेंदे हो गई हैं। पावर प्ले का ये तीसरा ओवर है, एक के बाद सिर्फ 6 गेंदे और बची हैं पावर प्ले की, तो यहाँ से पावर प्ले में आपको कम से कम 24 गेंदों में 30 या 32 रन तो बनाने चाहिए। लॉरा वुल्वेट को अगली गेंद, इस बार आखिरी गेंद तीसरे ओवर के सामने है। लॉरा वुल्वेट इस बार पटकी हुई गेंद ऑस्टम की तरफ, ड्राइव लगाने की कोशिश थी, गेंद जाती हुई सीधा डीप पॉइंट की दिशा में, गैप में ये गेंद है, 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर, बाउंड्री तक गेंद पहुंचेगी नहीं, उतनी ताकत नहीं थी शॉट में और 2 रन जुड़ते हुए खाते में यहां पर लॉरा वुल्वेट और एडिलेड स्ट्राइकर के। तो एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर पहुंच गया 18 रन एक विकेट नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 102 गेंदों में चाहिए 135 रन जीतने के लिए, 7.94 का रिक्वायर्ड रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट 8 के करीब है, इस रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लाना पड़ेगा। क्या आखिरी ओवर के पावर प्ले के आखिरी ओवर में, इस चौथे ओवर में क्या डॉटिन जो है कुछ बड़े शॉट लगाते नजर आएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट लगाना जानती हैं और रिक्वायर्ड रन रेट को कम कर सकती हैं। देखते हैं क्या स्पिनर गेंदबाज आएंगे या फिर तेज गेंदबाजों के साथ ही जाएंगे यहां पर जो है अब कप्तान। जी हाँ, स्पिनर गेंदबाज को लेके आए यहाँ पर, स्पिनर गेंदबाज आई हैं गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या होता है इस मुकाबले में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए। पहली गेंद इस ओवर की, चौथे ओवर की पहली गेंद मॉली स्टेनो को ही दी गई है गेंदबाजी। मॉली स्टेनो अच्छी गेंदबाजी करती हैं, कोशिश मॉली स्टेनो की यही है कि पिछले ओवर में विकेट छटकाया था, इस ओवर में भी विकेट छटकाए। अगली गेंद इस बार स्टेनो के इस ओवर की पहली गेंद, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला अच्छा होने की उम्मीद है यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद स्टेनो के इस ओवर की, यहाँ पर सिंगल लिया डॉटिन ने, स्ट्राइक पर आ गए हैं लॉरा वुल्वेट आ चुकी हैं स्ट्राइक पर, अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, कोशिश यही। लॉरा वुल्वेट को अगली गेंद, दूसरी गेंद इस बार सामने है लॉरा वुल्वेट, स्टेनो की ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिल जाएगा लॉरा वुल्वेट को और स्ट्राइक पे आ जाएंगे अब डेविड डॉटिन। दो सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में, 20 रन एक विकेट नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है। शायद स्टेनो के इस ओवर को संभल के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, क्योंकि 20 रन बन चुके हैं आपके, आप चाहेंगे कि यहाँ पर पावर प्ले का ये ओवर भी निकाला जाए, किस तरह का स्टेनो को बड़ा शॉट ना लगाया जाए। स्टेनो के ओवर की तीसरी गेंद सामने है डॉटिन, इस बार थोड़ा सीधे बल्ले से खेला, गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 20 रन एक विकेट नुकसान पर, दबाव में है डॉटिन, कोशिश कर रही है बड़े प्रहार करने के लिए, क्या बड़े प्रहार कर पाएंगे देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज डॉटिन, फिर से एक और डॉट गेंद, लेग स्टंप पे गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 20 रन एक विकेट नुकसान पर, 3.4 गेंदे हो चुकी हैं इस ओवर में, मात्र सिर्फ 2 सिंगल आए हैं, 2 रन आए हैं इस ओवर से। क्या एक बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा डॉटिन से? शायद बड़ा प्रहार ना करें, क्योंकि जानती हैं इनका विकेट काफ़ी अहम है इनकी टीम के लिए। चलिए अगली गेंद इस बार सामने मौजूद डॉटिन, क्या बड़ा प्रहार करने की कोशिश करेंगे देखना होगा। स्टेनो के ओवर की अगली गेंद सामने है डॉटिन, इस बार डिफेंस कर लिया इस गेंद को, कोई मौका नहीं रन बनाने का। स्कोर अभी भी यहां पर 20 रन एक विकेट नुकसान पर, 3.5 गेंदे हो चुकी हैं। आप सब लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल के डॉटिन ने हल्का तो से ऑन साइड की तरफ खेलकर एक सिंगल पूरा किया। 4 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर 21 रन एक विकेट नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स का स्कोर है। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो यहां पर 132 रन चाहिए जीतने के लिए एडिलेड स्ट्राइकर को, 96 गेंदों में चाहिए 132 रन जीतने के लिए। रिक्वायर रन रेट 8.25 का हो चुका, तो अब हर ओवर में आपको एक बाउंड्री चाहिए होगी, तो कौन सा बल्लेबाज यहां पर चांस लेगा देखना होगा। आप सब लोग जुड़ रही
करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला अच्छा हो सकता है, बस एडिलेड को यहाँ से संभल के बल्लेबाजी करनी है, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है, तभी इस गेम में वापसी हो सकती है। देखते हैं भी क्या होता है। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दे रहे हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं लाइव चैट के अंदर बार बार आप सबको दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे मैच की प्रेडिक्शन जो है वो मिलती रहेगी। स्ट्राइक पर मौजूद है डॉट इन, देखते हैं पांचवा ओवर लेके कौन आएगा। पावर प्ले हो गया है समाप्त, दो ओवर बचे हैं। अब दो ओवर बचे हैं यहाँ पर जो है पावर सर्च के, तो वो 10 ओवर के बाद बैटिंग टीम डिसाइड करती है कि किस किस को लेना है। निकोला कैरी के हाथ में गेंद थमाया गया है, यहाँ पर निकोला कैरी करेंगी गेंद, बाजी सामने होंगे डॉट इन। एक बड़ा ओवर चाहिए होगा 14-10-12 रन का, जहाँ पर रिक्वायर रन रेट को आप नीचे लेके आ सकते हैं। तो क्या इस ओवर में थोड़े से प्रहार करते नजर आएंगे डॉट इन जो है, क्योंकि यहाँ पर निगाहें डॉट इन के ऊपर है, क्योंकि डॉट इन एक बड़ी इंपैक्ट खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े शॉट लगाना पसंद करती हैं, मगर अभी तक शांत स्वभाव से खेल रही हैं। निकोला कैरी के ओवर की है पहली गेंद, सामने मौजूद हैं डॉट इन, यहाँ पर सामने है डॉट इन। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, यहाँ पर गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए, देखना होगा बाउंड्री तो जाएगी कि नहीं, उतना पेस मिला नहीं है गेंद को। और यहाँ पर अंपायर देखते हैं क्या डिसीजन देते हैं, यहाँ पर दो रन तो दौड़ लिए हैं डॉट इन ने और वाइड प्लस दो रन, तो तीन अतिरिक्त रन जुड़ते हुए खाते में एडिलेड के 24 रन एक विकेट नुकसान पर। चार ओवर के समाप्ति के बाद स्ट्राइक पे हैं डॉट इन, ये एक खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर ये गेंद कर दी थी और विकेट कीपर भी गेंद को पकड़ नहीं पाई और दो तीन रन जो है यहाँ पर जो है मिल जाएंगे आपको, तो तीन रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। स्ट्राइक पर मौजूद है डॉट इन, ऑफ स्टंप की तरफ ये गेंद है, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद गई कवर की दिशा में, यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में, एक कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो 24 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर, 4.1 गेंद हो चुकी है यहाँ पर। लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। यहाँ से मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर इस मुकाबले की, सामने मौजूद है डॉट इन, दूसरी गेंद इस बार पांचवे ओवर के सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद अंदर की तरफ आई, थाई पैड से टकराई और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो दो लगातार डॉट गेंदे हो चुकी हैं पहली गेंद पर, तीन अतिरिक्त रन मिले थे यहां पर जो है वो एडिलेड स्ट्राइकर को, तो 24 रन बन चुका है एक विकेट नुकसान पर, 4.2 गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर। आप सब लोग मुकाबले में, आप सब लोग जुड़ रही है इस मुकाबले में। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, तीसरी गेंद 4.3 गेंदे हो चुके हैं, तीसरी गेंद है सामने है डॉट इन, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, कवर की दिशा में खेलने की कोशिश, गैप में ये गेंद है और एक रन और जुड़ता हुआ, शायद एक रन और मिल जाएगा, जी हाँ एक रन और मिल गया यहाँ पर डॉट इन के, और इस मुकाबले में यहाँ पर जो है स्ट्राइक पे आ जाएंगी लॉरा वुलडार्ट। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्कोर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अभी तक कोई बड़े प्रहार करते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे किस तरीके से गेम चलता है। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर अभी भी 25 रन अगली गेंद, लॉरा वुलवेट को इस बार ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद जा रही है कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक रन और जुड़ता हुआ, तो एक एक रन से गाड़ी जो है वो बढ़ रही है एडिलेड स्ट्राइकर की, बाउंड्रीज लगाना आसान नहीं हो रहा है। 4.4 गेंदें हो चुकी हैं, 26 रन एक विकेट नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है। स्ट्राइक पे हैं डॉट इन, ये ओवर भी काफ़ी अच्छा जाता हुआ होबार्ट हरिकेन्स के लिए, क्या यहां से कुछ बड़े शॉट लगा पाएंगे, देखते हैं। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज डॉट इन, यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं निकोला कैरी के ओवर की पांचवी गेंद, सामने है डॉट इन, इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, ड्राइव लगाया, गेंद गई कवर बाउंड्री की तरफ, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए स्कोर हो चुका है यहां पर 30 रन बन चुके हैं एक विकेट, 26 रन बन चुके हैं, माफ करिए यहाँ पर 30 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर 4.5 गेंदों के बाद। तो काफ़ी देर के बाद एक स्लो वन गेंद, ऑस्टन के बाहर ये गेंद, ड्राइव लगाया, चौका बचोरा इस गेंद पर, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 30 रन एक विकेट नुकसान पर 4.5 गेंदों के बाद। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, आखिरी गेंद, यहाँ पर डॉट इन को शॉट पिच गेंद पुल करने गई थी, इस गेंद को इनसाइड एज लगा, गेंद जाके पैर से टकराई, कोई मौका नहीं रन बनाने का यहाँ पर। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं 30 रन एक विकेट नुकसान पर, यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है अभी भी 123 रन चाहिए जीतने के लिए अगले 90 गेंदों में, तो क्या बन पाएंगे देखना होगा। आप सब लोग जुड़ रही है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूं, तो जाके ज्वाइन करते रहिए। यहां पर सारे मैच की प्रेडिक्शन जो है हमारे द्वारा आपको मिलती रहेगी, साथ साथ में आप सब लोग जो है डेल्टा 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपए है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपए का है, तो 100 रुपए डिपॉजिट करके आप खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। साथ ही साथ आप सब लोग जो है
अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे, हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो अगर आप पहली बैट हार जाएंगे तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, 777 रुपये तक का रिफंड आपको मिल सकता है। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये, मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपये, तो 100 रुपये डिपॉजिट करके खेल सकते हैं। फास्ट विड्रॉल 15 मिनट के अंदर विड्रॉल आपको मिल जाता है। डिपॉजिट करना बहुत आसान है, गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जाइए खेलिए और जीतिए पहली बैट, आपको अगर हार जाते हैं तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, 777 रुपये तक का रिफंड आपको मिल सकता है। तो जाइए खेलिए और जीतिए। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 30 रन 1 विकेट नुकसान पर। स्पिनर गेंदबाज आई है गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद ड्राइव लगाया था यहाँ पर बल्लेबाज लॉरा वुलवेट ने, कोई रन नहीं मिला है। 5.1 गेंद हो चुकी है 30 रन 1 विकेट नुकसान पर। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज जो है वो स्लो बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक बल्लेबाज को चार्ज करना होगा, रन बनाने होंगे तेजी से। यहाँ पर एक और गेंदबाज यहाँ पर सामने मौजूद, इस बार ड्राइव लगाया इस गेंद पर, बढ़िया ये शॉट था। हैदरग्राम गेंदबाजी करना है, शायद माफ करिए मीडियम पेसर गेंदबाज है, रनअप काफ़ी छोटा है हैदरग्राम का। और यहाँ पर जो है ड्राइव लगाया और यहाँ पर जो है सिंगल बटोरा लॉरा वुलवेट ने, स्ट्राइक पे आ चुकी है अदन डॉट इन। स्कोर हो चुका है 31 रन 1 विकेट नुकसान पर 5.2 गेंदों के बाद। यहाँ से जो है मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा, आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते रहिए यहाँ पर और इन्जॉय करते रहिए मुकाबले को। सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर जो है डॉट इन। तो 2 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, सामने तीसरी गेंद सामने जो है डॉट इन के यहाँ पर हैदरग्राम की। इस बार सीधे बल्ले से खेला गेंद को, 1 रन और मिल जाएगा डॉट इन को। सामने मौजूद अब लॉरा वुलवेट, 2 रन आ चुके हैं इस ओवर में 3 गेंदों के अंदर, 32 रन 1 विकेट नुकसान पर। एडलेड स्ट्राइकर के बल्लेबाज जो है वो काफ़ी बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, शायद स्लो खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि रिक्वायर रन रेट धीरे धीरे 8.5 से 9 के कब पहुँचेगी पता नहीं लगे। तो यहाँ से हर ओवर में एक बाउंड्री का प्रयास जो है वो करना चाहिए। अगली गेंद पर हैदरग्राम के इस ओवर के थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, 1 रन और मिलता हुआ यहाँ पर लॉरा वुलवेट को, स्ट्राइक पर आ जाएंगे अब देन डॉट इन। स्कोर की अगर बात की जाए तो 33 रन बन चुके हैं, 33 रन 1 विकेट नुकसान पर 5.4 गेंदों के बाद। 86 गेंदों में 120 रन चाहिए जीतने के लिए, स्ट्राइक पे हैं डॉट इन। 17 गेंदों में 14 रन बना चुकी हैं, 2 चौके लगा चुकी हैं, रिक्वायर रन रेट 8.37 का हो चुका है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, सामने है डॉट इन, इस बार सीधे बल्ले से खेलकर ड्राइव लगाकर यहाँ पर गेंद गई है मिड ऑन की दिशा में। फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को पहले ही फील्ड कर लिया। तो एक और डॉट गेंद इस ओवर में, 3 सिंगल आए हैं, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और रन जो है वो काफ़ी धीमी गति से आ रहे हैं एडिलेड के लिए। क्या एडिलेड यहां पर समय बिता रही है, आखिरी तक ले जाना चाहती है गेम को। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, हैदरग्राम के इस ओवर की अगली गेंद, बार सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, 1 रन और मिल जाएगा इस गेंद पर और स्कोर पहुंच जाएगा 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 1 विकेट नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पे होंगे देवेंद्र डॉट इन। 84 गेंदों में चाहिए 119 रन जीतने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, साथ साथ में डेल्टिन 7 ऐप पर जाकर ID रजिस्टर्ड करते रहिए, जहाँ पर आप सारे मुकाबले लाइव भी देख सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके ID क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है। यहाँ पर 100 रुपये डिपॉजिट करके आप खेल सकते हैं, जीत सकते हैं, साथ साथ में विड्रॉल जो है 15 मिनट के अंदर मिल जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं और हमारे लिंक के थ्रू अगर आप ID बनाते हैं, क्योंकि ID बनाने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। अगर यहां पर आप हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं और आप पहली बैट मान लीजिए आप हार जाते हैं डेल्टा 7 पे, तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। जाइए खेलिए और जीतिए पहली बैट, अगर आप हारेंगे तो पहली बैट रिफंड हो जाएगी, 777 रुपये तक का रिफंड आपको मिल सकता है। तो जाके हमारे लिंक के थ्रू ID क्रिएट करिए, खेलिए और जीतिए। एक बार फिर से यहां पर निकोला कैरी गेंदबाजी करने आएंगे, फुल लेंथ की गेंद थी, पुल करा इस गेंद पर, टॉप एज लगा और मिड विकेट के फील्डर ने पकड़ लिया यहां पर कैच, यहां पर एडिलेड को लग गया है दूसरा झटका, दूसरा विकेट गिरता हुआ एडिलेड का, 34 रन 2 विकेट नुकसान पर, 6.1 गेंद हो चुकी है। देवेंद्र डॉट इन जो है वो काफी परेशान भी लग रही थी, बल्लेबाजी उस तरीके से आज हुई नहीं है डॉट इन की। 20 गेंदों में 15 रन बनाए, 2 चौके जरूर लगाए थे मगर वो चौके जो है वो कुछ काम नहीं आए। यहां पर एडिलेड को लगता हुआ दूसरा झटका, 34 रन 2 विकेट नुकसान पर, 6.1 गेंद हो चुकी है, 8.60 की रिक्वायर रन रेट यहां पर हो चुकी है, 83 गेंदों में चाहिए 119 रन जीतने के लिए और दबाव एडिलेड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लॉरा वुलवेट जो है वो खेल रही हैं अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पे, अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आएंगे। यहां पर विकेट
यहाँ पर विकेटें जो हैं वो गिर चुकी हैं, दो विकेट गिर चुकी है। तो यहाँ पर आप सब लोग जुड़ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है, देखते हैं अभी गेम किस तरीके से आगे बढ़ता है। मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया मुकाबला होना चाहिए। अभी तो दो विकेट जा चुके हैं, मगर यहाँ पर जो है बल्लेबाज आ चुकी हैं, स्ट्राइक बल्लेबाज टाइला मैकग्रैथ आ चुकी है। इनका और लॉरा वुलडार्ट के बीच एक पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइला मैकग्रैथ जो है वो बड़े शॉट लगाने में माहिर है, मगर अभी भी रन गति जो है बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रिक्वायर रन रेट जो है वो 9 के करीब पहुंच रहा है। तो आपको एक बड़ा ओवर चाहिए होगा, 8.60 का रिक्वायर रन रेट है, 83 गेंद में 119 रन चाहिए, ज़्यादा बड़ा स्कोर है नहीं। अगर टाइला मैकग्रैथ अपनी नेचुरल गेम से बल्लेबाजी करेंगे तो स्कोर को जो है वो चेज भी कर सकती हैं। देखते हैं अभी क्या होता है, चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। इस बार निकोला कैरी की अगली गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, ड्राइव लगाया, गेंद गई कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 34 रन, 2 विकेट नुकसान पर 6.2 गेंदों के बाद। टाइला मैकग्रैथ पहली गेंद डिफेंस करते हुए, निकोला कैरी यहां से थोड़ा सा रन गति को आगे बढ़ाना होगा। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, निकोला कैरी के ओवर की है, तीसरी गेंद सामने मौजूद, टाइला मैकग्रैथ इस बार थोड़ा सा अंदर आती हुई गेंद थी, डिफेंस कर लिया इस गेंद को टाइला मैकग्रैथ ने, एक और डॉट गेंद, लगातार दो डॉट गेंदें खेल चुके हैं टाइला मैकग्रैथ, सिंगल निकालने की चेष्टा जो है वो दिख नहीं रही है। यहाँ से रिक्वायर रन रेट धीरे धीरे 9 के करीब बढ़ रहा है, 81 गेंद में 119 रन चाहिए जीतने के लिए, मगर यहाँ पर लॉरा वुलवेट और टाइला मैकग्रैथ को एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, क्या पार्टनरशिप बिल्ड कर पाएंगे देखना होगा। अगली गेंद निकोला कैरी के ओवर की चौथी गेंद, इस बार फिर से ऑन साइड की तरफ खेला, फील्डर के हाथ में ये गेंद है, कोई भी रन नहीं मिलेगा, लगातार 3 गेंदें यहां पर डॉट हो चुकी हैं टाइला मैकग्रैथ से। तो यहां पर लॉरा वुलवेट को जाके बात करनी चाहिए टाइला मैकग्रैथ से कि यहां से आप टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ बड़े शॉट चाहिए होंगे उनके बल्ले से, 80 गेंद में चाहिए 119 रन, 8.93 की रिक्वायर रन रेट हो चुकी है। निकोला कैरी की ओवर की अगली गेंद सामने मौजूद, टाइला मैकग्रैथ इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ फिर से खेलने की कोशिश, इस बार फील्डर फिर से मौजूद, एक और डॉट गेंद यहाँ पर जो है वो आ चुकी है, स्कोर हो चुका है 34 रन, 2 विकेट नुकसान पर 6.5 गेंदें हो चुकी हैं। जो लोग मुझसे एंट्री पूछ रहे हैं, भाई वेट कर लो देख लो करना क्या चाहते हैं, 32-33 चल रहा है, जाके छोटी सी एंट्री ले लो 50% अमाउंट से। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, सीधे बल्ले से फिर से डिफेंस कर ले, क्योंकि वो डिफेंस करेंगे भाई, ये जो गेम शिफ्ट होगा वो 10 ओवर के बाद ही शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो अभी तो ये आराम से ही खेलेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ वेट कर लो, 20-25 पैसे मिल जाए तो वहाँ पे छोटी सी एंट्री ले लेना। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 34 रन, 2 विकेट नुकसान पर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब जिन भाइयों ने एंट्री नहीं ली वो एंट्री ले लीजिएगा, 31-32 चल रहा है, जाके एंट्री ले लीजिएगा। डेल्टिन जोन पर भी खेलते हैं तो डेल्टिन जोन पर एंट्री ले लीजिएगा और बैठ जाइए, गेम देखिए आराम से, क्योंकि लॉरा वुलवेट और टाइला मैकग्रैथ एक ही शैली के बल्लेबाज है। टाइला मैकग्रैथ ज़्यादा तेज खेलती हैं, मगर यहाँ से जिस तरीके से पिच चल रही है यहाँ पर गैप चाहिए, बाउंड्री चाहिए आपको, क्योंकि रिक्वायर रन रेट 9 के करीब पहुँच चुका है। अगर ये रिक्वायर रन रेट अगले 3 ओवर तक आपने 27 रन नहीं बनाया तो मुश्किल हो जाएगी। एक विकेट मैडन डाल दिया निकोला कैरी ने, 34 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद, 119 रन चाहिए 78 गेंद में जीतने के लिए। स्ट्राइक पे हैं लॉरा वुलवेट, अब एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर जो है स्पिनर गेंदबाज को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर लॉरा वुलवेट, क्या लॉरा वुलवेट कुछ बड़े शॉट लगा पाएंगे। यहाँ पर पहली गेंद स्पिनर गेंदबाज की, सीधे बल्ले से खेला लॉरा वुलवेट ने, गेंद को फील्ड किया यहाँ पर गेंदबाज किसने, कौन जी गेंदबाज है जी, देखते हैं यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया है। स्कोर हो चुका है 34 रन, 2 विकेट नुकसान पर, बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी हो रही है एडिलेड की तरफ से। अगली गेंद इस बार फिर से मौजूद यहाँ पर लॉरा वुलवेट, अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर लॉरा वुलवेट को। एमी स्मिथ आई है गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर मौजूद टाइला मैकग्रैथ, 5 गेंदें खेली अब तक खाता नहीं खुला है, 35 रन, 2 विकेट नुकसान पर 7.2 गेंदों के बाद। यहाँ पर 76 गेंद में चाहिए 118 रन, रिक्वायर रन रेट 9.32 का हो चुका है, थोड़ी सी यहाँ पर जो है तेजी प्रदान करनी होगी। अगली गेंद इस बार यहाँ पर सामने मौजूद टाइला मैकग्रैथ, एमी स्मिथ की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए, बढ़िया शॉट इस बार टाइला मैकग्रैथ का, भाप लिया यहाँ पर, देख लिया शॉर्ट पिच ये गेंद है और उसको जो है स्वीप लगा दिया और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए, तो चौका आता हुआ यहाँ पर टाइला मैकग्रैथ के साथ और टाइला मैकग्रैथ का खुलता हुआ खाता। यहाँ पर अगर स्कोर की बात की जाए तो 39 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर 7.3 गेंदों के बाद। ऐसी बाउंड्रीज आपको
लगानी पड़ेगी, क्या एक और बाउंड्री लगाएंगी यहाँ पर टाइलर मैकग्रा, देखना होगा क्योंकि 39 रन बन चुके हैं, आपको रन गति को बढ़ाना होगा। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, एम एस स्मिथ के ओवर की अगली गेंद, इस बार टाइलर मैकग्रा को गुगली ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, इसको डिफेंस कर लिया। 7.4 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर में, अगर एक और बाउंड्री लगा दे टाइलर मैकग्रा तो शायद रन रेट जो है वो कंट्रोल में रहेगी। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए होंगे आपको अगली गेंद इस बार। यहाँ पर एमी स्मिथ की सामने मौजूद टाइलर मैकग्रा इस ओवर की 5वीं गेंद, इस बार फिर से लेग स्टंप पे ये गेंद थी, स्वीप कर दिया गेंद को, गेंद गई है सीधा फाइन लेग के फील्डर के पास, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी यहाँ पर 39 रन 2 विकेट नुकसान पर, इस ओवर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 रन आए हैं, क्या आखिरी गेंद पर बाउंड्री बटोर पाएंगे देखना होगा। एमी स्मिथ के ओवर की आखिरी गेंद सामने मौजूद, यहाँ पर बल्लेबाज टाइलर मैकग्रा अभी तक स्लो बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार फिर से इस बार स्टंप की तरफ शफल किया, स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन तो मिल गया यहां पर। 6 रन आए इस ओवर से 8 ओवर की समाप्ति के बाद, 40 रन 2 विकेट नुकसान पर, यहां पर अभी भी 113 रन चाहिए जीतने के लिए यहां पर जो है 72 गेंदों में, तो क्या बना पाएगी एडिलेड की टीम देखना होगा। 9.42 की रिक्वायर्ड रन रेट हो चुकी है, अच्छी बात यह कि 8 विकेट हाथ में है, 72 गेंदों में 113 रन चाहिए, यहां से आपको प्रति ओवर एक बाउंड्री लगानी होगी और सिंगल डबल रोटेट करना होगा, एक बड़ा ओवर चाहिए होगा 15 से 16 रन का। तो क्या टाइलर मैकग्रा 9 गेंदें खेलकर 5 रन बनाए हैं, और यहां पर लॉरा वुलवेट जो है वो 11 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रही है, क्या दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट लगाते चलेंगे यहां पर, क्या अब यहां से कुछ इंटेंट दिखाएंगे? मेरे हिसाब से अगले 2 ओवर भी आराम से खेलेंगे, उसके बाद 11वें ओवर से शायद यहां पर चार्ज लिया जाएगा। मेरे हिसाब से मेरा प्लान तो यही है कि 11वें ओवर मारना शुरू करेंगे मेरे हिसाब से। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, स्कोर अभी भी यहां पर 40 रन बन चुका है 2 विकेट नुकसान पर, मुकाबले में काफी हद तक अभी कंट्रोल लग रही है हॉबर्ट हरिकेन्स की टीम। अगली गेंद बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये गेंद थी, हल्का तो से खेला इसको शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर टाइलर मैकग्रा को, स्ट्राइक पे आ गया है लॉरा वुलवेट, स्कोर पहुंच गया 41 रन 2 विकेट नुकसान पर 8.1 गेंद के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, लिंक जो है वो मैं आपको लाइव चैट के अंदर दे रहा हूं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली गेंद बार शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश भी, हाँ लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया लॉरा वुलवेट ने, दूसरा सिंगल आता हुआ इस ओवर में, 2 सिंगल आ चुके हैं। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 42 रन 2 विकेट नुकसान पर, एक बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने होंगे यहां से, एक बड़ी पारी खेलनी होगी, देखते हैं कौन सा बल्लेबाज शॉट खेलेगा। अगली गेंद हैदराबाद के सुपर की, सीधे बल्ले से खेल दिया, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद जा रही है मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन और आता हुआ टाइलर मैकग्रा के बल्ले से, 3 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में, रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 के पार हो चुका है, 69 बॉल्स में चाहिए 110 रन जीतने के लिए, स्ट्राइक पे है लॉरा वुलवेट, 43 रन 2 विकेट नुकसान पर, 8.3 गेंदें हो चुकी हैं, यहां से बड़े शॉट्स की दरकार है। अगली गेंद इस बार हैदराबाद के इस ओवर की 4थी गेंद, सामने है लॉरा वुलवेट, ऑफस्टंप के बाहर ये गेंद, कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए। चलिए काफी देर के बाद एक चौका आता हुआ लॉरा वुलवेट के बल्ले से, स्कोर हो चुका है यहां पर, स्कोर हो चुका है 147 रन, स्कोर हो चुका है 47 रन 2 विकेट नुकसान पर, 8.4 गेंदें हो चुकी है, 68 गेंदों में चाहिए 106 रन, और आपको ऐसे शॉट्स लगाने पड़ेंगे, आपको हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज बटोरनी पड़ेगी अगर रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे रखना है तो, क्योंकि अगर यहां से अगर डॉट बॉल्स खेलेंगे तो प्रेशर जो है एडिलेड के आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर होगा। लॉरा वुलवेट के बल्ले से निकला है चौका, 4 गेंदें हो गई है इस ओवर की, 47 रन 2 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद ओवर की है 5वीं गेंद, सामने है लॉरा वुलवेट, का एक और बाउंड्री लगा सकती है इस ओवर में, देखना होगा। हैदराबाद के इस ओवर की 5वीं गेंद, सामने है लॉरा वुलवेट, इस बार सीधे बल्ले से खेला, गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, 47 रन 2 विकेट नुकसान पर, 8.4 गेंदों के बाद रिक्वायर्ड रन रेट 9.49 का हो चुका है, 67 बॉल्स चाहिए 106 रन जीतने के लिए, एक बड़ा ओवर यहां पर लगाना होगा। चलते हैं जरा आप सब व्यूअर्स की तरफ, व्यूअर्स भी काफी परेशान है, एडिलेड की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं काफी व्यूअर्स, बार लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, खेल दिया इसको फाइन लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, एक और चौका यहां पर आता हुआ लॉरा वुलवेट के बल्ले से, तो दो चौके इस ओवर में आ चुके हैं, 51 रन क्रॉस कर लिया है एडिलेड स्ट्राइकर ने, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 9 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद पर आया है चौका, 11 रन आए इस ओवर से, बढ़िया ओवर यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर के लिए, तो 9 ओवर समाप्ति हो चुकी है, 51 रन 2 विकेट नुकसान पर, स्ट्राइक पे होंगे चाइला
मैग्राथ 66 बॉल्स में चाहिए 102 रन जीतने के लिए। ध्यान रखिएगा दो ओवर का पावर सर्ज अभी बचा हुआ है एडिलेड के पास और दो धाकड़ बल्लेबाज लॉरा वुलवेट और टाइलर मैग्राथ अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। ये मुकाबला अभी फिनिश नहीं हुआ है। एडिलेड अगर अच्छी ऐसी तरीके से अगर दो बाउंड्रीज बटोरते रहे तो गेम में वापसी हो सकती है। एडिलेड जीते या ना जीते बट भाव आएगा। बिल्कुल भाई सही बहरे प्रवेट भाई, बिल्कुल भाव आना बनता भी है और भाव कह भी रहा है, कुल बुला रहा है भाई, भाव पलटी मरवाएगा, ये पलटी मरवाएगा उस तरफ पलटा आएगा, तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर एक और स्पिनर गेंदबाज को बुलाया गया है, स्टैनो आई है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद इस ओवर की सामने मौजूद टाइलर मैग्राथ इस बार बैकफुट पर जाके इसको ऑन साइड की तरफ खेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो पहली गेंद जो है वो जी दौड़ लिया है हल्का तो खेल कर एक रन दौड़ लिया है, काफ़ी रिस्की रन था ये और दौड़ लिया। यहाँ पर स्ट्राइक पर आ गया लॉरा वुलवराट, लॉरा वुलवराट जो है वो स्ट्राइक पे मौजूद है, लॉरा वुलवेट जो है स्ट्राइक पे मौजूद है। यहाँ पर दूसरी गेंद खेलेंगे स्टैनो की, सामने है लॉरा वुलवेट, लॉरा को ये गेंद, दूसरी गेंद 10वें ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, यहाँ पर जो है कोई रन नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर जिस तरीके से शॉट खेल रही है यार लॉरा वुलवेट, लग तो रहा कि बाउंड्री आएगी मगर हर बार फील्डर मौजूद हो रहे हैं और इसलिए शॉट नहीं लग रहे हैं। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, तीसरी गेंद स्टैनो के ओवर की, लॉरा वुलवेट को इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। इस बार एक बार फिर से लॉरा वुलवेट के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका इस ओवर में, बढ़िया ये शॉट था, स्कोर पहुंच गया 56 रन 2 विकेट नुकसान पर 9.3 गेंदों के बाद। यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट करती हुई एडिलेड की तरफ, लॉरा वुलवेट 17 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रही है, 3 चौके लगा चुकी है, 2 पिछले ओवर में लगाए थे, 1 इस ओवर में लगाया है। स्टैनो के ओवर की अगली गेंद, इस बार ओवर की यहां पर चौथी गेंद होगी, सामने है लॉरा वुलवराट, इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, बार फिर से पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है इस बार। यहां पर एक रन मिलता हुआ इस ओवर में, टोटल यहां पर 6 रन आ चुके हैं 4 गेंदों के अंदर। क्या टाइलर मैग्राथ भी एक बाउंड्री लगा सकती हैं, 57 रन 2 विकेट नुकसान पर 9.4 गेंदे हो चुकी हैं। अभी भी यहां से रन काफी चाहिए, रिक्वायर रन रेट को धीमे गति से नीचे की तरफ लाते हुए नजर आ रहे हैं टाइलर मैग्राथ को। यह 5वीं गेंद, स्टैनो के इस ओवर के कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ जाएंगे अब लॉरा वुलवेट। अब मैं समझ गया हूं कि बूंद बूंद से समंदर भरता है, एक बार सब कुछ नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट भाई, बूंद बूंद सागर बनता है। आराम से खेलते रहो, आराम से देखते रहो, गेम को इंजॉय करो, मैंने क्या कहता है एंट्री लेके चुपचाप से बैठ जाओ। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, स्टैनो के इस ओवर की अगली गेंद, सामने लॉरा वुलवेट, इस बार ऑन साइड की तरफ फ्लिक कर दिया इस गेंद को, 1 रन मिल जाएगा इस आखिरी गेंद पर। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 59 रन 2 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम का। तो यहां से 60 गेंदों में चाहिए 94 रन जीतने के लिए, 9.40 का रिक्वायर रन रेट है। ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, ड्रिंक्स के ब्रेक जो है यहां पर ले लिया गया है, स्ट्राइक पे है लॉरा वुलवेट, यहां पर 19 गेंदों में 22 रन बना चुकी है। टाइलर मैग्राथ 13 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही है, पार्टनरशिप जो है वो 23 गेंदों में 25 रन की हो चुकी है। 94 रन चाहिए जीतने के लिए इन दोनों बल्लेबाज को, अगले 5 ओवर जो है थोड़ा सा धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी, धमाकेदार बल्लेबाजी करनी होगी, तभी रिक्वायर रन रेट को नीचे लेके आ पाएंगे। आप सब लोग जो है डेल्टिन 7 आपके साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपए है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपए का है, तो 100 रुपए आप डिपॉजिट करके यहां पर खेल सकते हैं, जीत सकते हैं, तो जाइए खेलिए और जीतिए यहां पर डेल्टिन 7 ऐप पे। यहाँ पर जो है 15 मिनट के अंदर विड्रॉल आपको मिल जाएगा और डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम बैट से 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का, तो 100 रुपये डिपॉजिट करके आप खेल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा, लिंक के थ्रू आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर अपना जो है रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन 7 ऐप पे। साथ ही साथ अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं और पहली बैट करते हैं, तो पहली बैट अगर आप हार जाएंगे तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा डेल्टिन 7 की तरफ से, यहां पर 777 रुपए तक का रिफंड आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, जाइए ग्रुप एडमिन को, अगर पहली बैट हार चुके हैं तो ग्रुप एडमिन को जो है वो बैट स्लिप दिखाइए और अपना पैसा जो है वो रिफंड लीजिए। ध्यान रखिएगा क्रिकेट लाइव हिंदी के व्यूअर्स के लिए है, तो क्रिकेट लाइव हिंदी के लिंक के थ्रू ही जो ज्वाइन करेगा वही जो है वो रिफंड पा पाएगा, तो जाइए रिफंड लीजिएगा। और यहां पर जो
है हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा। अर्जुन भाई कह रहे कल भाई इंडिया में 1000 रुपये आ गया रिफंड भाई, रिफंड के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर एक रिफंड का ऑप्शन है, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, ग्रुप एडमिन को कल की बैट स्लिप दिखा दीजिएगा और वो चेक करेंगे कि आप हमारे ग्रुप हमारे लिंक के थ्रू आईडी में ज्वाइन करें हैं कि नहीं, क्योंकि आईडी जो बनानी है वो हमारे लिंक के थ्रू बनानी है, अगर हमारे लिंक के थ्रू बनाएंगे तभी पैसा विकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अर्जुन मैं दे दूं भाई, अरे प्राइवेट भाई लाखों करोड़ों की बात करते हैं, कहाँ हजारों में फंसे हुए प्राइवेट भाई, कहता प्राइवेट भाई यहाँ से मारना शुरू करेंगे या फिर जो है आखिरी 5 ओवर में गेम जाएगा, या लास्ट ओवर फिनिश चाहिए, एक लास्ट ओवर फिनिश चाहिएगा यहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया स्कोर हो चुका है, स्कोर की अगर बात की जाए तो 59 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर। जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, लाइक करते रहिए आप सब लोग, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। अगर बात करें यहाँ पर स्कोर की तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है 59 रन 2 विकेट नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। चलते हैं ज़रा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अगर बात करें स्कोर की तो स्कोर काफ़ी कम है यार, 60 रन बने हैं 2 विकेट नुकसान पर, 10.1 गेंद हो चुकी है। टाइलर मैकग्रा को थोड़ा सा बड़ा शॉट खेलना होगा यहाँ पर, अगली गेंद इस बार लेक्स्टम के बाहर, ये गेंद थी खेल दिया इसको यहाँ पर लेक्स्टम की तरफ, 1 रन और जुड़ जाएगा। सिंगल सिंगल बहुत खेलते हैं यार, सिंगल सिंगल अगर खेलेंगे यहाँ पर उसके बाद एक आधा बाउंड्री लगानी पड़ेगी यहाँ पर। 61 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर 10.2 गेंदों के बाद। तो यहाँ पर मौजूद हैं बल्लेबाज लॉरा वुलविट, लॉरा वुलविट पर उम्मीदें हैं भाई, वो चेज़ कर सकती हैं यहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ, इस बार ऑस्टन के बाहर, ये गेंद थी कट करने गई, कोई मौका नहीं रन बनाने का यहाँ पर। यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया गया है भाई, गिब्सन आ चुकी है गेंदबाजी करने के लिए, गिब्सन आई है 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ, चौथी गेंद इस ओवर की सामने मौजूद यहाँ पर, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में, स्क्वायर लेग और मिड विकेट दिशा के बीच से ये गेंद निकली और चौका मिल जाएगा इस गेंद पर लॉरा वुलविट को, ज़रूरत है ऐसी बाउंड्रीज की और बाउंड्रीज लगाते हुए नजर आ रही हैं लॉरा वुलविट। स्कोर हो चुका है 65 रन 2 विकेट नुकसान पर 10.4 गेंदों के बाद। लॉरा वुलविट 22 गेंदों में 27 रन बना चुकी हैं यहाँ पर, 10.4 गेंदें हो चुकी हैं, शॉट्स लगाते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। ज्वाइन करते रहिए डेल्टा 7, आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक चैनल ने पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपये का है, तो जाइए खेलिए और जीतिए यहाँ पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो 66 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर 10.5 गेंदें हो चुकी हैं, क्या बड़ा प्रहार करेंगे इस बार। अगली गेंद गिब्सन को, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया टाइलर मैकग्रा ने, कवर की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। यहाँ पर जो है 67 रन बन चुके हैं, 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगर रनों की बात की जाए, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि लॉजिक क्या रहेगा, कितनी रन रेट तक यहाँ पर चेज हो सकता है। देखिए अभी भी अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की तो 9.56 है, 8 विकेट हाथ में हैं, 54 गेंदें बची हैं, हर ओवर में 10 रन चाहिए, तो आपको हर ओवर में एक बाउंड्री लगानी है, साथ में सिंगल रोटेट करने हैं। पिछले ओवर में भी 8 रन आए हैं, मगर एक बड़ा ओवर चाहिए 14 या 15 रन का, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट 8 की तरफ आए। दोनों बल्लेबाजों में कैपेबिलिटी है रन चेज करने के लिए, ऑड्स भी कह रहे हैं मुकाबले में चेज हो सकता है, या फिर एडलेट जो है फेवरेट आ सकता है, तो लॉस कट बुक सेट जरूर कर लीजिएगा जहां पर भी आप खेलते हैं, तैयारी कर लीजिएगा। वैसे मेरी तरफ से फुल टीम तो एडलेट रहेगी, मैं एडलेट को सपोर्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा एडलेट जो है इस मुकाबले जीते। अगली गेंद, इस बार स्वीप कर दिया इस गेंद को टाइलर मैकग्रा ने, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर टाइलर मैकग्रा को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहां पर लॉरा वुलविट। टाइलर मैकग्रा उस तरीके के लय में दिख नहीं रही, मगर लॉरा वुलविट जो है जिस तरीके से खेल रही है उनका अंत तक खेलना बहुत जरूरी है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, सामने मौजूद है यहां पर जो है बल्लेबाज लॉरा वुलविट, गेंदबाजी करने के लिए आई है यहाँ पर दूसरी गेंदबाज यार स्मिथ आई है गेंदबाजी करने के लिए। फ्लैटी डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला, गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। यहाँ पर सामने मौजूद हैं अब टाइलर मैकग्रा, टाइलर मैकग्रा अब ढूंढ रही है बाउंड्री, क्योंकि टाइलर मैकग्रा का भी पेशेंस लेवल जो है वो खत्म हो चुका है, अब वो भी बाउंड्रीज ढूंढ रही है। यहाँ पर स्मिथ के ओवर की अगली गेंद, तीसरी गेंद 12वें ओवर की, सामने मौजूद टाइलर मैकग्रा, कदमों का इस्तेमाल किया, गुगली ये गेंद थी, ड्राइव लगाया, गेंद कई कवर की दिशा में, फील्डर ने दौड़ कर गेंद को फील्ड किया,
के एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पर मौजूद हो जाएंगे यहाँ पर लॉरा वुलवेट। मिश्रा जी राम राम डेयर डेविल भाई, कैसे हैं आप? आप सब लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली गेंद लॉरा वुलवेट को इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गुगली ये गेंद थी यहाँ पर थाई पैड पर गेंद लगी और गेंद गई सीधा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, चार सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में, 71 रन दो विकेट नुकसान पर, 11.4 गेंदें हो चुकी हैं, 50 गेंदों में 82 रन चाहिए जीतने के लिए। हर ओवर में एक बाउंड्री कंपलसरी है भाई, हर ओवर में एक बाउंड्री कंपलसरी है, अगर बाउंड्री लगाते चले जाएंगे, अगर आखिरी ओवर में भी गेम गया तो मजा आएगा। अगली गेंद चाइला मैकग्रा को लो फुल टॉस से ये गेंद थी, स्वीप कर रिवर्स स्वीप करने गई यहां पर, मिस कर गई इस गेंद को, मगर सिंगल जरूर मिल जाएगा, सिंगल जरूर मिल जाएगा इस गेंद पर। मुकाबला काफी बढ़िया है यहाँ पर, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, देखते रहिए किस तरीके से गेम चलेगा। यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, स्कोर हो चुका है 71 रन दो विकेट नुकसान पर, 11.4 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद इस बार फ्लाइटी डिलीवरी थी, बड़ा शॉट खेलने गई, मिस कर गई यहाँ पर विकेट कीपर जो है वो मिस कर जाए, यहाँ पर जो है रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद है। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद चाइला मैकग्रा, इस बार टाइला मैकग्रा भी यार बड़े शॉट लगा, देखो टाइला मैकग्रा अगर बड़े शॉट लगाएंगे तभी काम बन पाएगा, क्योंकि 12 ओवर हो चुके हैं, 72 रन बने हैं यहाँ पर, 72 रन बन चुके हैं यहाँ पर जो है 12 ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 72 रन दो विकेट नुकसान पर, 48 गेंदें हो चुकी हैं, 81 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पर टाइला मैकग्रा 18 गेंदों में 14 रन बना चुकी हैं, एक चौका लगा चुकी है, तो थोड़ा सा टाइला मैकग्रा को बड़े शॉट खेलने होंगे। बात करें इस मुकाबले की, मैसी गिब्सन बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर 8 रन, यहाँ से थोड़े से बड़े प्रहार चाहिए होंगे, क्या बड़े प्रहार लगा पाएंगे देखना होगा। अगली गेंद इस बार टाइला मैकग्रा को फ्लाइटी डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। अब टाइला मैकग्रा जो है वो शायद ताकत नहीं लगा रही शॉट में, अगर शॉट में थोड़ी ताकत लगाएंगे तभी बाउंड्री के पार जाएगी। रिक्वायर रन रेट 10 के पार जा रहा है, 10 के पार रिक्वायर रन रेट जा रहा है। अगली गेंद इस बार गिब्सन के स्कोर की कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहां पर अब लॉरा वुलवेट। स्कोर हो चुका है 73 रन दो विकेट नुकसान पर, 73 रन दो विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहां पर, स्ट्राइक पे मौजूद इस बार, लेग स्टंप पे गेंद थी, स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रहा फाइन लेग की दिशा में, क्या कर रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाज खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आज मूड में नहीं है बड़ा शॉट लगाने का, तो क्या मूड से बड़ा शॉट लग पाएगा देखना होगा। अगली गेंद यहां पर बल्लेबाज मौजूद है, सामने मौजूद इस बार लॉरा वुलवेट, स्टेप आउट करके सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी मगर गेंद गई सीधा मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 73 रन दो विकेट के नुकसान पर, लॉरा वुलवेट है स्ट्राइक पर मौजूद, क्या यहां पर एक जबरदस्त मुकाबला चलेगा यहाँ पर। गिब्सन के ओवर की अगली गेंद टाइला मैकग्रा को इस बार मिडल स्टंप पे गेंद थी, स्वीप कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, यहाँ पर चौका आता हुआ, स्कोर हो चुका है 78 रन दो विकेट नुकसान पर 12.5 गेंदों के बाद। सामने मौजूद टाइला मैकग्रा भी 21 गेंदों में 19 रन बना चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं काफी देर के बाद, एक चौका आता हुआ, 43 गेंदों में चाहिए 75 रन जीतने के लिए। रिक्वायर रन रेट 10.47 का हो चुका है, यहाँ से आपको हर ओवर में 2 बाउंड्री कम से कम बटोरनी पड़ेगी। टाइला मैकग्रा की शायद ताकत जो है वो जाग गई है, शायद अब बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, सामने मौजूद टाइला मैकग्रा इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था मगर इनसाइड एज लगा, डॉट गेंद, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 78 रन दो विकेट नुकसान पर, 78 रन दो विकेट के नुकसान पर 48 गेंदें बची हैं, यहां से आपको चाहिए 75 रन, 48 गेंदें 75 रन चाहिए जीतने के लिए। 10.71 का रिक्वायर रन रेट हो चुका है, सामने मौजूद इस बार यहां पर लॉरा वुलवेट, देखते हैं गेंदबाजी करने आया है कौन आएगा 14वें ओवर की। आप सब लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं बार बार आप सबको दे रहा हूँ, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए हमारे और इन्जॉय करते रहिए टेलीग्राम चैनल को। यहां पर मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है, यहां पर देख लीजिएगा आप सब लोग यहां पर किस तरीके से गेम चलता है, तो लाइक करिए आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। अब यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुकी है गेंदबाज, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया लॉरा वुलवेट ने, गेंद गई मिड ऑफ की तरफ, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर लॉरा वुलवेट को। यहां पर टाइला मैकग्रा से निगाहें काफी ज्यादा टाइला मैकग्रा के ऊपर, क्योंकि टाइला मैकग्रा एक बड़े शॉट लगाने वाली प्लेयर है मगर अभी तक कुछ जो स्ट्राइक रेट है उनका शौक अभी नहीं हो पाया,
41 गेंदें 74 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पर गेंदबाज एमी स्मिथ आई हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब देखते हैं एमी स्मिथ की गेंदबाजी पे क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे। भाई आप लालच में हो डेली भाई, भाई पी एस ऑनलाइन फोरम भाई आप, मैं समझ गया कौन है आप। प्रदीप भाई यार क्यों परेशान कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपने एक बार लिख दिया मैंने मान लिया, दो बार लिख दिया मान लिया, लगातार यही चीज़ लिखी। आप मैच के पे कॉन्सेंट्रेट करिए ना। आपको मैंने कल टेलीग्राम पे इतनी देर बात करी है मगर आप नहीं माने। आप टेलीग्राम पे बात करिए आपसे तब भी नहीं माने, मतलब आप तो मेरी पीठ में ही कुछ खंजर गुजरे हैं भाई। पी एस ऑनलाइन फोरम भाई आपको मॉनिटर बनाया है कहीं ना कहीं, भरोसे बनाया है, तो आप ही अगर बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। पी एस भाई प्यार से समझाया, आप नहीं समझ में रहे हैं कहीं ना कहीं। पी एस ऑनलाइन फॉरम भाई आप भी लालच में ही तो खेल रहे हैं भाई। चलिए अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद गई मिड ऑफ की तरफ। पी एस भाई ऑनलाइन भाई अगर मैं आपको छूट दे रहा हूँ तो यार मेरी पीठ में थोड़ा छुरा भोग देंगे यार। एक ही बात को आपने रिपीट कर दिया, एक बार आपने लिख दिया मैंने इग्नोर कर दिया, दो बार लिख दिया मैंने इग्नोर कर दिया। प्रदीप भाई अब लगातार वही लिखते जाएंगे, कहीं ना कहीं आप मेरे को ये कह रहे हैं कि मैं, कुछ लोग तो खेल रहे हैं डल्टी सेवन पर आराम से जीत रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते जरा, और मैंने बताया भी आपको किस तरीके से खेली, आप रिफंड ले सकते हैं, मैंने आपको बोल तो दिया, आप खेलना ना खेलना आपकी मर्जी है। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, एमी स्मिथ की अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया, मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, चौका बटोरा इस गेंद पर लौरा वुल्वर्ट ने। स्कोर हो चुका है 84 रन, 2 विकेट नुकसान पर 13.4 गेंदों के बाद। और जो आप पी एस भाई कह रहे हैं ना प्रदीप भाई आप लालच में आ गए, तो लालच में तो आप भी जुआ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, गलत है भाई। पीएस भाई तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भाई आप गतिया, आपको घटिया ही बोलेंगे आपके थोड़े आपको भाई। देखिए पीएस भाई आप बोल रहे हैं ठीक है, आप टाइम पास मत करिए। देखिए मैंने आपको पहले बोल दिया, आपको आपने कह दिया, मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मगर आप कहीं ना जग हिताई करने पहुंचे हैं, तो यहाँ पर टाइम मत वेस्ट करिए प्रदीप भाई। देखिए लड़ाई मैं करना चाहता आपसे, आपने कह दिया मैच के टाइम पर बहस मत करिए, आप गेम को देखिए, गेम को देखिए, अगली बार जब स्ट्रीम खत्म होगी उसके बाद बात करते हैं। मैंने आपको कल भी समझाया टेलीग्राम पर, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जाके बात करें। मैंने आपको डल्टी साउंड के उसमें ग्रुप में जा दिया, आप डाल दिए ना मैसेज वहाँ पर जाकर, डाल दिया, आप क्यों डाल रहे हैं उस पर। चल चलते हैं आप चैट पर बात कर लीजिए। चल चलते हैं जरा गेम की तरफ, यहाँ पर कई लोग अपने ही लोग ना यार पीठ में छुरा भेज देते हैं कहीं ना कहीं। भाई आप तो ऐसे ही को बोल रहे हो जैसे आपकी ही ऐप है भाई, बिल्कुल मेरी ऐप है पी एस ऑनलाइन भाई, मेरी ऐप है प्रदीप भाई, मैं ही खेल रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मेरे को यही काम है बस, ऐप बना रहा हूँ भाई बैठ के। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ यार, काफ़ी हद तक जो है गेम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यार कई बार। स्कोर की अगर बात की जाए तो 86 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज हैं यहाँ पर, स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज हैं यहाँ पर, देखते हैं कौन से बल्लेबाज स्ट्राइक पे मौजूद है, क्योंकि रन बहुत चाहिए यार। 36 गेंदों में 67 रन चाहिए, 11.17 का रिक्वायरमेंट रेट हो चुका है, हर ओवर में सिर्फ 8 रन आ रहे हैं, यहाँ से एक बड़ा ओवर चाहिए यहाँ पर, एक जो है कहीं ना कहीं बड़ा ओवर चाहिए यहाँ से। देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है। 2750 लाइक हो जाए, लाइक तो काफ़ी ज़बरदस्त किए हैं आज लोगों ने। चले चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, यहाँ से सिर्फ 36 गेंदें बची हैं, 36 गेंदों में बड़ा प्रहार करना होगा, क्या 36 गेंदों में बड़ा प्रहार कर पाएंगे, देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 86 रन, 2 विकेट नुकसान पर, मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। और चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, चलते हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर निकोला कैरी को, क्योंकि निकोला कैरी ने अभी तक 2 ओवर किए हैं, बाकी अभी अच्छी गेंदबाजी करी है। 86 रन, 2 विकेट नुकसान पर, यहाँ पर 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आप बताते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। यहाँ पर सामने मौजूद बल्लेबाज टाइलर मैकग्रा, थोड़ा टाइलर मैकग्रा को बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। निकोला कैरी और कैरी के ओवर की पहली गेंद, बाहर ऑस्टम की तरफ सफल किया, गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, बेहतरीन ये शॉट है। और यहां पर जो है बड़ा शॉट खेलकर गेंद को बटा लिया है, एडिलेड वाले बैठे रहो आराम से, गेम को एंजॉय करो। 35 गेंद में चाहिए 61 रन जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट 10.46 का हो चुका है। निकोला कैरी की पहली गेंद पर टाइलर मैकग्रा ने चढ़ दिया है छक्का, और मुकाबला काफी बढ़िया गया है, मुकाबला काफी बढ़िया गया है। यहां पर पहली गेंद पर छक्का आ चुका है, इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे यहां पर टाइलर मैकग्रा, कोशिश यही है टाइलर मैकग्रा की, अगर एडिलेड को यह मुकाबला जीतना है और टाइलर मैकग्रा और लौरा वुल्वर्ट को आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी। यहां पर बड़ा शॉट लगाया 15वें ओवर की पहली गेंद पर, अगली गेंद निकोला कैरी के इस ओवर के सामने, टाइलर मैकग्रा एक बार फिर से गेंद को खेल दिया, इस बार गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, कैच पकड़ लिया, एक और झटका लगता हुआ यहां पर एडिलेड की टीम को, पहली गेंद पर लगा छक्का, दूसरी गेंद पर यहां पर निकोला कैरी ने आउट कर दिया टाइलर मैकग्रा को, दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर इस मुकाबले में, तीसरा झटका लगता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को। 92 रन, 3 विकेट नुकसान पर 14.2 गेंदें हो चुकी हैं,
डायला मैगराज 26 गेंद में 27 रन बनाकर दो चौके एक छक्का लगाकर, पहली गेंद पर छक्का लगाया जरूर था मगर एक बार फिर से, मगर इस बार गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में नहीं खेल पाए, गेंद को खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में और कैच पकड़ लिया। 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14.2 गेंदें हो चुकी हैं। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर यार प्रदीप भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं आपको वही नहीं कर सकता जो आप चाहते हो। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर गेंद को था खेलने दीजिए, यहाँ पर गेम यार करने दीजिए कमेंट्री प्रदीप भाई। यार आप दोस्त होके भी अगर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिस तरीके से, जैसे मैं आपको दुश्मन, तो भाई फिर मैं भी दुश्मन बन जाऊँगा आपका प्रदीप भाई। कमेंट्री करने दीजिए ना यार, क्यों आप बाद में अपनी बांसुरी बजाए जा रहे हैं बीच बीच में। यहाँ पर मुझे कमेंट्री करने देंगे तो ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। अभी आप प्रदीप भाई अब कहना दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, मैं झुक रहा हूँ आप फायदा उठाए जा रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं उठाने दूंगा भाई। मैं अगर प्यार से बोल रहा हूँ आप मेरी बात समझ जाइए, नहीं समझ में रहे हैं तो फिर वही बात है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन भी और है मेरे पास हाथ में ऑप्शन भाई, तो करने दीजिए कमेंट्री यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट के कुछ और बचे हैं, धाम ढंग से काम कर ले दीजिए। आप तो मेरी पीठ पे लगे हुए छुरा भोकने में, तो जाइए फिर आप आराम से कहीं और सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 92 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 14.2 गेंदें हो चुकी हैं, 34 गेंदों में 61 रन चाहिए जीतने के लिए। सामने मौजूद बल्लेबाज अब थोड़ा सा जो है मुश्किलें बढ़ेंगे। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। अगली गेंद इस बार इनसाइड एज लगा, गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिल गया है। यहाँ पर दिलीप भाई कह रहा तू साले एडलेट बोला था भाई, एडलेट बोला था, अभी एडलेट हारी कहा है दिलीप भाई, रुक जाओ। लॉरा वुलवेट को शायद जानते नहीं हो, वुमेन मैच कितना फॉलो किया आपने। पावर सर्च ले लिया भाई, लेंगे भाई बिल्कुल लेंगे, अभी मुकाबले में जुड़ जाइए हमारे साथ। ये नंबर देने वाले भाई अर्जुन भाई आप वेट करिएगा, आपको भी थोड़ा सा अंदर भेज दें जरा, क्योंकि कुछ लोग अपने लोग तो फायदा उठा रहे हैं। हटाओ यार स्कोर। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। अगर यहाँ पर रन बनाने हैं, क्योंकि इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं 3 गेंदों के अंदर, इन 3 गेंदों में आपको एक बाउंड्री और लगा दीजिएगा तो शायद रन रेट कंट्रोल में आ जाएगी। लॉरा वुलवेट को अगली गेंद, ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, ज़्यादा ही बाहर कर दिया इस गेंद को और कोई मौका नहीं रन बनाने का। स्कोर हो चुका है 93 रन 3 विकेट नुकसान पर, 14.4 गेंदें हो चुकी हैं, 32 गेंदों में 60 रन चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर रन रेट 11.25 का हो चुका है। ब्रिजेट पैटरसन आई है, ब्रिजेट पैटरसन जो है बड़े शॉट खेल लेती हैं, मगर डिपेंड करता है लॉरा वुलवेट किस तरीके से खेलती हैं। अब यहाँ से अगली गेंद 5वीं गेंद, सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर लॉरा वुलवेट कर रही हैं गेंद बल्लेबाजी। इस बार फिर से ऑस्टम की तरफ ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन तो तेजी से पूरा कर लिया है और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद में। यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पे भाई, काफी लोग जो है डिपेंड कर रहे हैं लॉरा वुलवेट पे, लॉरा वुलवेट ही इस गेम को निकाल सकती है, क्योंकि 31 गेंदों में 59 रन चाहिए जीतने के लिए, 11.42 की रिक्वायर रन रेट हो चुकी है। सामने मौजूद ब्रिजेट पैटरसन, इस ओवर की अगर बात की जाए तो 9 रन यहाँ पर 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से, एक बाउंड्री ढूंढेंगे यहाँ पर ब्रिजेट पैटरसन। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर, इस बार फिर से ड्राइव लगाया, गेंद गई गेंदबाज की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो 94 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 11.80 का रिक्वायर रन रेट हो चुका है, 30 गेंदों में 59 रन चाहिए जीतने के लिए। अब देखते 30 गेंदों में 59 रन यहां पर किस तरीके से मिलता है, तो यहां पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ और मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा, देखते हैं किस तरीके से यहां पर मुकाबला चलता है। मुकाबले में आप सब लोग जुड़ रही है, यहां पर देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है, यहां पर किस तरीके से गेम चलता है, अब आगे देखना होगा। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। स्कोर की अगर बात की जाए 94 रन बन चुके हैं, यहाँ से कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज की बड़े शॉट लगाए जाएं एक बार, यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से गेम चलेगा। यहाँ पर बुलाया गया है गेंदबाज मॉली स्टेनो का यह आखिरी ओवर है, 30 गेंदों में 59 रन चाहिए। यहाँ पर चलते हैं जरा 30 गेंदों में कितने रन मिलेंगे, यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा, देखते हैं यहाँ से आगे बढ़ने की तरफ। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। इस बार सामने मौजूद 95 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, पहली गेंद पर सिंगल लिया यहाँ पर जो है लॉरा वुलवेट ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं ब्रिजेट पैटरसन, यहाँ पर 29 गेंदें हो चुकी हैं, 58 रन चाहिए जीतने के लिए, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए। मुकाबला चलाओ, मुकाबला बनाएंगे भाई, आखिरी ओवर जाने दीजिए मुकाबले को, एक बार आखिरी ओवर तक जाने दीजिए। अगर लॉरा वुलवेट आखिरी ओवर खड़ी रही 16 रन भी चाहिए होंगे तो बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि इनकी ये जो है द 100 में भी एक गेम चेज करते जिताया था, आज भी उम्मीद लग रही है कि चेज करते जिता देंगे। एंट्री के साथ एग्जिट मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। ब्रिजेट पैटरसन है स्ट्राइक पर, स्टैनो कर रही है गेंदबाजी, इस बार रिवर्स स्वीप किया इस गेंद को, गेंद जा रही है सीधा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहां पर लॉरा वुलवेट, तो दो सिंगल इस गेंद पे आ गई है यहां पर।
आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर है। यहाँ पर लाइव चैट के अंदर ज्वाइन करते रहिए इस मुकाबले में। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। स्टैनो के ओवर की अगली गेंद, तीसरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया लॉरा वुलविट ने, सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, गेंद हवा में है, देखना होगा बाउंड्री के बाहर, छह रन के लिए। बढ़िया ये शॉट था इस बार लॉरा वुलविट के बल्ले से, सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, छह रन के लिए। छक्का बटोरा इस तीसरी गेंद पर, 27 गेंदों में 51 रन चाहिए जीतने के लिए, 102 रन बन चुके हैं। 3 विकेट नुकसान पर 15.3 गेंदें हो चुकी हैं, 11.33 का रिक्वायर्ड रन रेट है। इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं। क्या एक और बड़ा शॉट लगाते हुए नजर आएंगी लॉरा वुलविट, क्या लॉरा वुलविट यहां से कुछ बड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आएंगी, देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। यहां पर देखते हैं मुकाबले की तरफ, यहां पर किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। यहां पर जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में। एक छक्का लगा चुकी है तीसरी गेंद, अगली गेंद चौथी गेंद, इस बार ड्राइव लगाया गेंद पर, गेंद गई कवर की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। बाउंड्री बहुत छोटी है भाई प्रशांत भाई, बाउंड्री छोटी तो है मगर बाउंड्री तक पहुंचाने में तो पड़ेगा, क्योंकि गेंद हल्का फुल्का हिल भी रहा है तो बाउंड्री में शॉट लगाना आसान नहीं होगा। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर चार गेंदें हो गई हैं, 8 रन आए इस ओवर से, एक बाउंड्री ढूंढेंगी यहाँ पर लॉरा वुलविट। स्टैनो के ओवर की अगली गेंद, पांचवी गेंद, सामने मौजूद लॉरा वुलविट, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार स्टंप आउट कर दिया, यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी गेंद को, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद कीपर ने कोई गलती नहीं की, गेंद को पकड़ा और स्टंप कर दिया लॉरा वुलविट को। स्कोर हो चुका है 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 15.1 गेंद हो चुकी है, 12.24 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है। और यहां पर एक अहम विकेट चटका के दिया मॉली स्टैनो ने, और लॉरा वुलविट जो है वो आउट हो गई। यहां पर स्कोर हो चुका है 102 रन 4 विकेट नुकसान पर, 15.1 गेंद हो चुकी है, 15.4 गेंदें हो चुकी है, माफ करिए यहां पर 15.5 गेंदें हो चुकी है, माफी चाहेंगे। और यहां पर दबाव बिल्कुल एडिलेड के ऊपर आ चुका है, 25 गेंदें, 51 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट 12.24 का हो चुका है। एक अहम बल्लेबाज लॉरा वुलविट को आउट कर दिया, देखने आगा नई बल्लेबाज कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। आप जिम्मेदारी होगी ब्रिजेट पैटरसन के ऊपर, ब्रिजेट पैटरसन जो है वो बड़े शॉट लगा लेती है मगर दबाव बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, यहाँ पर मुकाबले में काफी बढ़िया चल रहा है। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, देखते हैं यहाँ से क्या होता है इस मुकाबले में। 102 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है। यहाँ से कोशिश यही है कि जिस तरीके से गेम चला है उसी को आगे लेके जाएं। क्या एक बल्लेबाज का एक बड़ा ओवर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अगली गेंद स्टैनो के, इस ओवर की आखिरी गेंद है, सामने बल्लेबाज मौजूद, एक बार फिर से इस बार सीधे बल्ले से खेलने गई, गेंद हो गई डॉट, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 102 रन 4 विकेट नुकसान पर, 16 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आई है मेडलिना पैना, स्ट्राइक पे होंगे ब्रिजेट पैटरसन। 24 गेंद में चाहिए 51 रन जीतने के लिए, 12.75 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया, एक बड़ा ओवर चाहिए होगा 15-16 रन का, इसे इस रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे की तरफ लाया जाए, क्या नीचे की तरफ लेके आएंगे। आप सब लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, लाइव चैट के अंदर मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल को यहां पर जो है आपको लाइव चैट के अंदर दे रहा हूं, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। यहां पर मुश्किलें बढ़ रही हैं एडिलेड स्ट्राइकर की टीम के लिए, और आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबले में अभी तक जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा एडिलेड का, कुछ खास नहीं रहा है बल्लेबाजी में। अगर यहां से मुकाबला जीतना है तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। 6 विकेट हाथ में है ब्रिजेट पैटरसन और यहां पर जो है मेडलिना पैना स्ट्राइक पर मौजूद हैं। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, अगली गेंद इस बार यहाँ पर गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज की पहली गेंद, यहाँ पर गेंदबाजी करने आई है गिब्सन की ऑफ स्टंप की गेंद, ड्राइव लगाया, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे मौजूद है। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 103 रन 4 विकेट नुकसान पर, 16.1 गेंद के बाद मेडलिना पैना स्ट्राइक पे मौजूद हैं। 23 गेंदें, 50 रन चाहिए जीतने के लिए, 13.04 का रिक्वायर्ड रन रेट है। यहाँ से आपको हर ओवर में रन बटोरने पड़ेंगे मगर यहाँ पर जो है कोशिश करनी होगी, क्या कोशिश कर पाएंगे देखते हैं। अगली गेंद यहाँ पर गिब्सन कर रही है गेंदबाजी, फील्ड को थोड़ा सा तब्दील कर रही है यहाँ पर, और कोशिश ये कर रही है बड़े शॉट लगाने की मगर यहाँ पर एडलेट जिस तरीके से धराम से गिरी है, दबाव बिल्कुल जो है एडलेट के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर सामने मौजूद पैना गिब्सन के ओवर की अगली गेंद, पैना कर रही है बल्लेबाजी, दूसरी गेंद है इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर जाके कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई पॉइंट फील्डर के पास, कोई मौका नहीं यहाँ पर।
कोई मौका नहीं यहाँ पर जो है, ज़बरदस्त इस मुकाबले में दबाव बना के रखा हुआ है गेंदबाजों ने। होबार्ट के 22 गेंदों में चाहिए 50 रन जीतने के लिए। मैडलिना पैना है स्ट्राइक पर, अगली गेंद इस बार मैडलिना पैना को मैडी गिब्सन की अगली गेंद इस बार फिर से डॉट गेंद, इस बार फिर से कट करा गेंद को, गेंद गई सीधा पॉइंट फील्डर के पास, दो लगातार डॉट गेंद, रिक्वायर रन रेट 14 के पार पहुँच रही है, 14 के पार पहुंच रही है यहाँ पर रिक्वायर रन रेट। बात करें यहाँ पर 21 गेंदों में चाहिए 50 रन जीतने के लिए, 14.29 की रिक्वायर रन रेट हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो शुरुआत में धीमी गति से बल्लेबाजी की थी एडिलेड ने, उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया है, चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज, सीधा शॉट खेला था मिड ऑफ के फील्डर से कैच छूट गया यहाँ पर और चौका मिल जाएगा इस गेंद पर बल्लेबाज मैडलिना पैना को। 107 रन चाहिए जी, 107 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर 16.4 गेंदों के बाद। 20 गेंदों में चाहिए 46 रन जीतने के लिए। स्ट्राइक में है मैडलिना पैना, 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से। एक बड़ा शॉट यहां पर लगाना होगा बल्लेबाज को, इस बार शॉट जरूर लगाया था ये तो, थोड़ा सा मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलना होगा। अगली गेंद इस बार गिब्सन के इस ओवर की, सामने मौजूद पैना इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद कट कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर दौड़ रही है गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड कर लेंगे, 2 रन मिलने चाहिए इस गेंद पर, निश्चित तौर पर 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 109 रन 4 विकेट नुकसान पर, 19 गेंदों में चाहिए 44 रन जीतने के लिए। 13.89 की रिक्वायरमेंट रेट हो चुकी है, आखिरी गेंद है ये, इस आखिरी गेंद पर एक बाउंड्री तो जरूरी है, कंपलसरी है, बाउंड्री लगा पाएंगे देखना होगा। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद पैना, इस बार गेंद को खेला जरूर है, गेंद हवा में गई है, फील्डर नीचे आती हुई गेंद के पीछे, मगर यहाँ पर कैच छूट जाएगा, कैच छूटता हुआ यहाँ पर मैडलिना पैना का। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 110 रन 4 विकेट नुकसान पर, 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 18 गेंदों में चाहिए 43 रन जीतने के लिए। रिक्वायर रन रेट 14.33 का हो चुका है। सामने होंगे अब बल्लेबाज यहां पर मैडलिना पैना, 6 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रही हैं, एक बड़ा ओवर चाहिए, 15 से 16 रन का एक ओवर चाहिए अगर रिक्वायर रन रेट को नीचे लाना है तो। क्या यहां पर प्रति ओवर 15 रन बना पाएंगी मैडलिना पैना और बल्लेबाज मैडलिना पैना और ब्रिजेट पैटरसन, देखना होगा। 18 गेंदे 43 रन चाहिए जीतने के लिए। मैडिगिसन बढ़िया गेंदबाजी करी है, 3 ओवर किए हैं, सिर्फ 22 रन दिए हैं, आखिरी कुछ ओवर चल रहे हैं, 14.6 रन प्रति ओवर चाहिए यहां से, क्या मुकाबला अच्छा होगा। आप सब लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं जिसका लिंक जो है वो लाइव चैट के अंदर मैं दे रहा हूं। यहां पर देखते हैं अब किस तरीके से बल्लेबाजी होगी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ गेंदबाजी हो रही है यहां पर। अगली गेंद हैदर ग्राम के इस ओवर की पहली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद कट करने गई, बीट हो गई इस गेंद पर। 17 गेंदे 43 रन चाहिए जीतने के लिए, आपको डॉट गेंद यहां पर नहीं खेलनी होगी, बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे और यहां से कोशिश करनी होगी। तो यहां 17 गेंदे 43 रन चाहिए जीतने के लिए, हैदरग्राम को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए 18वें ओवर में। पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद है, दूसरी गेंद हैदरग्राम के इस ओवर के सामने मौजूद है। पैना को ये गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव लगाया, गेंद फील्डर के पास मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 17.2 गेंदे हो चुकी हैं। हैदरग्राम के इस ओवर के सामने मौजूद है मैडलिना पैना को ये गेंद, तीसरी गेंद सिंगल लिया इस गेंद पर। 15 गेंदे 42 रन चाहिए जीतने के लिए, 16.80 का रिक्वायर रन रेट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, 110 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर 17.3 गेंदे हो चुकी हैं और मुकाबले में धीरे धीरे ये गेम जो है बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है एडिलेड के, और यहाँ से मुकाबले में दबाव बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है, दबाव बिल्कुल डाल दिया है एडिलेड के बल्लेबाजों के ऊपर। यहाँ से अगर बात की जाए तो बिल्कुल गेम शिफ्ट कर दिया है। देखते हैं यहाँ से स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 111 रन 4 विकेट नुकसान पर, 17.3 गेंदे हो चुकी हैं, 15 गेंदे 42 रन, इस ओवर में अभी तक एक रन आया है। कम से कम आपको दो बड़े शॉट तो चाहिए, तीनों गेंदों में बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, सामने मौजूद यहाँ पर बल्लेबाज, इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है, गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की तरफ डीप मिड विकेट दिशा में, एक रन ही मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज ब्रिजेट पैटरसन को। स्ट्राइक पे आ गए हैं मैडलिना पैना, 112 रन 4 विकेट नुकसान पर, 17.4 गेंदे हो चुकी हैं, 14 गेंदों में 41 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या इन दो गेंदों में दो चौके आ सकते हैं, क्योंकि अगर इन दो गेंदों में दो बाउंड्री नहीं आई तो आप समझ लीजिएगा एडिलेड का पत्ता जो है वो साफ हो चुका है।
चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। सामने मौजूद है यहाँ पर बल्लेबाज पैना, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर और आप समझ लीजिएगा कि एडिलेड का यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुका है सफ़र, समझ लीजिएगा। 13 गेंदों में 40 रन चाहिए जीतने के लिए। ऐसा लग रहा है कि भाई एडिलेड जो है सिर्फ महज एक औपचारिकता की तरह इन 13 गेंदों को खेल रहा है और ये यहाँ से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जितनी गेंदें उनको मिली है बड़े शॉट लगाने के लिए वहाँ पर सिंगल बटोरे हैं। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। यहां पर सामने मौजूद यहां पर बल्लेबाज एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी, इसको पुल करने गई, यहां पर इनसाइड एज लगा, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। यहां पर जो है ओवर की हो गई है समाप्ति, शायद यहां पर हेलमेट पे गेंद लगी, हेलमेट पे शायद ये गेंद लगी है और कंकशन टेस्ट के लिए बुलाया गया है। यहां पर स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है यहां पर जो है बल्लेबाज, यहाँ पर बल्लेबाज जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 113 रन 4 विकेट नुकसान पर, 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ से काफ़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, यहाँ से ख़त्म होता हुआ मुकाबला, 12 गेंदे 40 रन और ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है एडिलेड के लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर 153 रन का टारगेट था, 113 रन बनाए हैं, 40 रन चाहिए आपको जीतने के लिए। हेलमेट पे किसके लगाए जी, कंधे पे लगाए यार, तो लीजली के तो हेलमेट पे क्यों लगा लगाए शॉट। चलिए यहाँ पर बुलाया गया है कंकशन टेस्ट के लिए, शायद हेलमेट को चेक किया जा रहा है लीजली के, बल्लेबाज को नहीं लगी कि गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के लगी है सर पे भाई। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ और यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, देखते हैं क्या होता है। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 113 रन 4 विकेट नुकसान पर, 18 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदें बची हैं और मुकाबला बिल्कुल फिनिश होने के कगार पे है। चलते हैं यहाँ पर, आप सब लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला बस खत्म होने वाला, बस महज एक 12 गेंदों की औपचारिकता बची हुई है क्योंकि यहाँ से आपको 20 रन प्रति ओवर चाहिए और वुमेन के मैच में 20 रन प्रति ओवर मारना ज़मीन और आसमान का अंतर है भाई, ज़मीन और आसमान का अंतर है यहाँ पर। 1xBet अच्छा है भाई, कौन कह रहा है सुमित गोटोई भाई, जाके खेल के तो देखिए 1xBet पे भाई, इससे बड़ी एक्सचेंज में खेल लीजिएगा, मैं आपको साइड बताता हूँ एक एक्सचेंज की, उस पर खेल लीजिएगा, ज़िंदगी सफल है सुमित भाई। सुमित भाई आप 1x के चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद रहेंगे, जब उनका विड्रॉल नहीं आता ना सही, कम से कम एक एक हफ्ता विड्रॉल नहीं आता है, काफ़ी लोग खेल चुके हैं, मैं उनको छुड़वा भी चुका हूँ 1x पे और कई जगह कहीं अच्छी जगह आप खेल भी रहे हैं। आई एम प्लॉइंग फॉर, हाँ भाई खेलते रहिए भाई शिव भाई, अभी जिस दिन पैसे लेके भागेंगे ना जेविल भाई, जिस दिन पैसा लेके भागेगा ना जो शिव भाई, तो आप फिर रोते फिरेंगे, टेंशन मत लीजिए, खेलते रहिए जहाँ पे खेल रहे हैं शिव भाई, जिस दिन पैसा लेके भागेगा ना उस दिन पता लगेगा आपको। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर जुड़ते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर मुकाबला ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 12 गेंदें बची हैं। अरे भाई शिव भाई बोल तो रहा हूँ तुम्हें, जहाँ पे खेल रहा हूँ जिस दिन वो पैसा लेके भागेगा, आपको पता है वो कौन सी बुक है, कहाँ कहाँ है, सारी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे शिव भाई आपको कौन सी बुक है, कौन कहाँ काम कर रहा है, कौन कहाँ पैसे लूट रहा है, हम बता देंगे आपको। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में अगली गेंद, इस बार पुल शॉट खेलने गई सीधी गेंद पर और गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया है, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर जो है अभी भी 114 रन 4 विकेट नुकसान पर, 18.2 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर, 2 गेंदें हो चुकी हैं, माफी चाहेंगे 10 गेंदों में 39 रन चाहिए जीतने के लिए और मुकाबला बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, ख़त्म होने के कगार पे और एडिलेड बिल्कुल हारने के कगार पर। क्रिकेट फीवर भाई, बैटविनर भी बेकार है, आप अगर आप नोट करेंगे बैटविनर पे, और जब किसी भी साइड पे खेलते हैं अगर आप मान लीजिए बैट लगाते हैं, जब वहाँ पे कैश आउट जब कैलकुलेट करते हैं तो कैश आउट आपको उतना मिलता है, मान लीजिए आपने 2 ऑड पे लगाया और 2 ऑड पे ही आप निकालना चाहते हैं तो आपको लॉस में अमाउंट दिखाई देगा, ये क्यों होता है, अगर आपने 2 ऑड पे लगाया और 2 ऑड पे ही निकाल रहे हैं आप तो 2 ऑड पे निकालने पे आपको कैश आउट मान लीजिए 100 रुपये लगाया तो वो आपको कम से कम जो है 150 या 100 दिखाता है भाई। मैं आप अपने करण साहूज भाई से सोचा क्यों नहीं, फिर आप सोचा क्यों नहीं भाई, ये चीज़ करेंगे तो भुगतान तो आपको खुद करना होगा यार, तो यहाँ पर 2 ऑड पे लगा रहे हैं और 2 ऑड पे ही निकाल रहे हैं तो आपको लॉस में क्यों दिखा रहा है, तो आप अगर वो लॉस मेकिंग कर रहा है तो वही तो उसका प्रॉफिट है, अगर 2 ऑड में लगाएंगे 2 ऑड में निकालेंगे तो आप 2 ऑड में निकालेंगे नहीं, आप वेट करेंगे कि यार कैश आउट कुछ अच्छा दिखाए, वो 2.50 होगा 100 का आपको 110 मिलेगा, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है आपके लिए। यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ और मुकाबला काफ़ी बढ़िया है। संजय भाई भैया तो क्या बोल रहा था भाई, देखिए 1x पे छोड़ दीजिए, 1x तो बढ़िया है मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर चलते हैं, प्रदीप भाई मानेंगे नहीं आप, प्रदीप भाई जानबूझ के मुझे इरिटेट कर रहे हैं, आप जाइए,
आप क्रिकेट लाइव हिंदी में मिलिएगा, वहाँ बात करते हैं, क्योंकि आपको अगर प्यार से बोल दिया जाए आप समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जानबूझ के मेरे को इरिटेट कर रहे हैं प्रदीप भाई, आपको मॉडरेटर बनाया था मगर उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसे ही करेंगे। चलिए कोई बात नहीं प्रदीप भाई, अच्छे अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी कान लिया, मैंने कल रात को इतने प्यार से आपसे बात करी मगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगे तो इरिटेट करते रहिए, जाइए चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ यहाँ पर, क्योंकि यार प्यार देखो, मैं कई लोगों से प्यार से बात करता हूँ ना तो कुछ लोग समझते हैं कि यार बंदा अपना ही है, भाई मैं कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रदीप भाई आपकी बात को सुना है, सॉल्व भी किया है, आपको बताया भी है, मगर आप जानबूझ के मेरी स्ट्रीम को ख़राब करने आएंगे, बोलेंगे अरे मॉडरेटर हो के भाई मॉडरेटर बनाया आपको, कहीं ना कहीं सर गिव सम रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट रखिए, मैंने आपकी बात कर ली, आपको बात करवा भी दी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, मगर कई बात हो ना किसी को खुजली है, मगर खुजली है खुजली मिटानी है, बस वो मिटानी है किसी तरीके से स्ट्रीम को ख़राब करना है, बढ़िया हज़ार लोग देख रहे हैं, इन्जॉय करिए, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ, मगर आप जानबूझ के, इसलिए मैंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ नंबर भाई, इसलिए मैंने नंबर ब्लॉक किया हुआ, क्योंकि आप इरिटेट कर देते हैं बोल बोल के, कहीं ना कहीं एक चीज़ को पकड़ते हैं और इस चीज़ को थोड़ा च्युइंगम की तरह खींचते रहते हैं आप उस चीज़ को, इसीलिए मैंने आपको भाई वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप च्युइंगम की तरह खींच लेंगे, मैंने आपकी बात सुन ली है, सॉल्व कर दी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मगर आप सॉल्व करने का मौका देंगे नहीं, मगर आप लगे रहेंगे अपनी बात को बोलने भाई, तो अगर आप लाइव चैट में बोलेंगे तो मैं आपको हाइट चैट कर दूंगा, अब मैं आपको क्रिकेट लाइव हिंदी से भी मॉडरेटर भी हटा देता हूँ जाके, मैं हर जगह से ब्लॉक कर दूंगा, आप क्या कर लेंगे भाई, आपको प्यार से मैं अगर बात करूं आप समझ ही नहीं रहे चीज़ को, आप लगे हुए हैं बार बार बोलने में, कभी प्राइवेट को पकड़ लिया या फिर खुद की गाथा गा रहे हैं, क्रिकेट मैच को आपको खेलना ही नहीं तो फिर आप क्यों जुड़े हैं हमारे साथ भाई, प्रदीप भाई आप दोस्ती यारी में भी अगर फ़ायदा उठा रहे हैं, मैंने आपके बारे में अभी तो कुछ नहीं बोला था, मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप लिख रहे हैं मैसेज मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, एक बार आपने लिख दिया मैंने कोई बात नहीं, चलो बंदे ने लिख दिया, दो बार लिख दिया, तीन बार लिख दिया, चार बार लिख दिया, पांचवी बार बंदा इरिटेट होकर बोल ही देगा ना, आप जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि कल रात को मैंने आपसे बात करी है मगर आप बात को समझ ही नहीं रहे, आप लगे हुए हैं तो फिर ले लीजिए भुगतान, आप अगली बार आइएगा फिर ब्लॉक मार दूंगा मैं, बात वो फ़ायदा नहीं है ना आपका, अगर आपको बात करनी है आप लाइव चैट में, मैंने कोई इंस्टाग्राम दे रखा है, टेलीग्राम दे रखा है यार, कहीं ना कहीं मैंने आपसे बात कर रखी है, वहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, मगर आपको नहीं, आपको स्ट्रीम के सामने बोलना है, तो स्ट्रीम के सामने बोला तो बोल लीजिए, दुनिया आके बोल जाती है, लीजिए बोल लिया आपने, कितना बोल लिया बताइए प्रदीप भाई, क्या उखाड़ लिया आपने बोल के, कोई फ़ायदा हुआ बोल के, लीजिए आप, मैं क्या कर दिया, अब मैं चाहूँगा आपको ऑन करूँगा, मैं चाहूँगा आपको ऑफ करूँगा, पता है इस चीज़ के लिए आपको यही नहीं पता, मैं अगर इज्जत कर रहा हूँ रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो यार उसका फ़ायदा मैं उठाइए ना, मैंने आपसे कल शाम को बात करी है आपने नहीं सुनी मेरी बात, मैंने आपको बताया है, आपको सोल्यूशन भी दिया है कि इस तरीके से कर लीजिए, आपने बोला हाँ भाई ये सही है, उसके बाद आप अपनी गाथा लेने यहाँ पर गाने शुरू कर दिया है, ठीक है मॉनिटर बनाया है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि यार मेरे को खरीद लिया आपने, मेरे को खरीदा नहीं है भाई, अभी मैं आपको बताऊंगा ना टेलीग्राम पे मुझसे बात करिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि किसको विड्रॉ मिला है भाई, कितने लोगों का जल्टी साउंड पे विड्रॉ मिला है, काफ़ी लोगों को विड्रॉ मिला है और मेरे से बात भी करते हैं, मैं सबका डिटेल जो है वो शेयर नहीं करता हूं। आप लगे हुए हैं अपनी गाथा उगाने में भाई, कई बार क्या होता है ना किसी को ज़्यादा प्यार कर दो तो वो सर पर चढ़ जाता है, वो वाली कहानी पड़ती भाई आपके साथ पे, तभी मैंने आपको नंबर पर ब्लॉक क्यों कर रखा है, इसलिए कर रखा है ना भाई, आप बात को खींचते तो खींचते ही रहते हैं हर चीज़ को। चलिए मुकाबला यहाँ पर खत्म हो रहा है, स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 123 रन 4 विकेट नुकसान पर, 19.2 गेंदें हो चुकी हैं, मुकाबला खत्म हो रहा है भाई, देखिए मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ ठीक है, मेरे को मैसेज भी नहीं लेना चाहिए मगर मैं मैसेज लेता हूँ, मैं कुछ लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, काफ़ी पुराने बंदे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बात करता हूँ और कई लोगों को मैं अच्छी सलाह देता भी हूँ, मेरे से प्रदीप भाई ने पूछा नहीं भाई, कुछ भी पूछा नहीं, जाके आपने ज्वाइन किया बताया नहीं, मुझे बताया आपने मुझसे पूछा, आप मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछा एक बार भी, मेरे से नहीं पूछा ना, आप जाके ज्वाइन करें, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन लेगा यार, प्यार से प्राइवेट भाई देखिए वही बात है ना यार, प्यार से बात, आशा जी मेरा 10K लॉस करवा दो यार, दो के आप ले लेना, नहीं प्राइवेट भाई आपको 10K करवाने के लिए वेट कर लो, संडे का वेट कर लो, संडे एक मैच मैं आपको जयपुर दूंगा, चुन के दूंगा, वेट कर लो आप, मैं बढ़िया दूंगा। दिवाकर भाई एक विकेट गिरवा दो यार, डेस्पेटो भाई क्या करें, डेस्पेटो विकेट गिरानी पड़ेगी यार, विकेट गिरानी पड़ेगी। हेलो सर जी क्या हाल है, बढ़िया सर जी, गिरा दो विकेट भाई, विकेट तो बची नहीं, अब 6 विकेट बचा के आइडेट करेगी क्या यहाँ से, मुकाबला तो हार ही चुकी है। चलिए यहाँ पर बल्ले घुमा रहे हैं, रन लग नहीं रहे, 9 बैटर में इजी विड्रॉल विदाउट, भाई संजय भाई विड्रॉल आपको हर जगह इजी मिल जाएगा, वो दिक्कत की बात नहीं, मैं सबसे फास्ट विड्रॉल बता दूंगा, सबसे फास्ट विड्रॉल 1 घंटे का विड्रॉल दिखा दूंगा, जहाँ पर आपको किसी के अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन डिपॉजिट करना, ऑनलाइन विड्रॉल 1 घंटे का विड्रॉल, वो फ्री में विड्रॉल होता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, जब बंदे को बता दिया बात ही नहीं मानते भाई, यार मोहम्मद से दो बात कह दो यार, बुरा मान जाते हैं फिर, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई मैं इजी टारगेट हूँ ना भाई, और जगह खेला को नुकसान किया वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं इजी टारगेट, क्योंकि मैं मैसेज लेता हूँ, मेरे को क्या करना है यार, मैसेज लेना ही नहीं है, जिसको चलना चलने दीजिए, संडे को क्या है आप कक्का होगा ना प्राइवेट भाई, संडे सुपर संडे होता है, अगर देखो लगेगा ना पक्का बता दूंगा आपको प्राइवेट भाई, एक तो नंबर नहीं है तुम्हारा भाई, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करो, तुम्हें पक्का अपने ग्रुप में ऐड रखूँगा, और जरा सा भी लगाना बता दूंगा मैं आपको, एक एंट्री दूंगा वो पकड़ लेना और ट्रेड करना, अभी भी देखो एंट्री मिलनी थी 31 पैसे 70 पैसे आया, लॉस कट सबसे पहले लॉस कट करना होता है प्राइवेट भाई। तो चलते अगली गेंद, स्लोर वन गेंद है, हवा में खेल दिया इस शॉट को,
पॉइंट की दिशा में बाउंड्री आती हुई मिल जाएगी क्या? चलिए फील्डर ने ये भी रोक दिया भाई, आज तो एडिलेड की किस्मत में बाउंड्रीज है ही नहीं। चलिए यहाँ पर मुकाबला खत्म हो चुका है, एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स का ये मुकाबला था। टॉस जीता था यहाँ पर बल्लेबाज ने, टॉस जीता था यहाँ पर जो है एडिलेड स्ट्राइकर ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और वो निर्णय कुछ खास कामयाब हुआ नहीं। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एडिलेड की टीम ने यहाँ पर रन बनाए थे 152 रन, टारगेट दिया था 153 रन का, और यहाँ पर 153 रन बनाने के लिए उतरी थी एडिलेड की टीम और सिर्फ 20 ओवर बना पाई 129 रन, 4 विकेट नुकसान पर। तो यहाँ से होबार्ट हरिकेन्स जो है मुकाबले को जीत गई है। आप सबसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम में, कल मिलेंगे आपसे कल, क्योंकि दो मैच हैं वुमेन बिग बैश के, कोशिश करेंगे भाई एक आधा को जैकपॉट दिलाएं, क्योंकि काफी लोग जो है वो जैकपॉट ले नहीं पा रहे हैं। जैकपॉट यार, जैकपॉट आएंगे तब तो दिलाएंगे यार, कल इंडिया वाला मैच उठा जैकपॉट आता है, वुमेन मैच भी कल अच्छा चल रहा था वो भी नहीं हुआ, बाकी अगर कोई मैच अच्छा आता तो बताएंगे ना भाई, एक जैकपॉट चाहिए लोगों, क्योंकि आपके सब मुझे पता है यार आप सबको एंट्री जो है यहाँ पर करते नहीं है, एंट्री आप सब लोग करते नहीं है 60-70 पैसे में, ना मैं एंट्री करता हूँ ना आप एंट्री करते हैं, मेरे को पता है मेरे व्यूअर्स हैं भाई 70-80 पैसे में ना किसी ने एंट्री ली हुई ना, सब लोग सोचते हैं 20 में 30 में एंट्री मिले और एंट्री बढ़े, अगर 20-30 में एंट्री लेते हैं 70 में हमेशा लॉस कट करिए, क्योंकि वेट करिए ट्रेडिंग करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, अगर स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला फिनिश हो चुका है, होबार्ट हरिकेन्स जो है वो 23 रन से इस मुकाबले को जीत चुकी है। मैच का सूरत हाल है, एक टॉस जीता होबार्ट हरिकेन्स, एडिलेड स्ट्राइकर ने गेंदबाजी करी, होबार्ट हरिकेन ने बनाए 20 ओवर में 152 रन 4 विकेट नुकसान पर, एडिलेड स्ट्राइकर ने 129 रन बनाए 4 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के अंदर, 6 विकेट अभी भी हाथ में थे। वाह, होबार्ट हरिकेन्स जो है वो 23 रन से इस मुकाबले को जीत गई है। अब लेते हैं आप सबसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम पे, कल मिलेंगे, कल भी जो है वुमेन बिग बैश का मुकाबला है। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव चैट के अंदर मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो देता जा रहा हूं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। यहां पर मिलेंगे आपसे अगली स्ट्रीम में, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद स्ट्रीम को करेंगे क्लोज। सयू भाई को गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे आपसे कल अगली स्ट्रीम पे, जुड़िएगा हमारे साथ, रेडियो नगर बेस्ट साइड है भाई, आदित्य सिंह भाई जिस दिन भागेगा ना पता लग जाएगा भाई। हाँ ये भी सही है भाई, चल चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर चलते हैं जरा, अब जो है मुकाबला खत्म हो चुका है, आप सबसे लेंगे विदा, 5 मिनट के ब्रेक के बाद स्ट्रीम करेंगे क्लोज। सभी भाई को गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे आपसे अगली स्ट्रीम पे, अभी के लिए लेंगे छोटा सा ब्रेक और स्ट्रीम करेंगे क्लोज। होबार्ट हरिकेन्स विन दिस मैच 23 रन से, 23 रन से इस मुकाबले को जीत गई होबार्ट हरिकेन्स, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम पे, जुड़े रहिए हमारे साथ मुकाबलों में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। और आप सब लोग बिल्कुल आईडी क्रिएट करते रहिए, डेल्टिन 7 ऐप पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइजन में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करिए, अनलाइक करो सब, ओके भाई ठीक है कर देंगे सब, कर दिया आपके कहने पे अनलाइक भी कर दिया लोगों ने, अर्श की हवेली भाई लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया भाई, लोगों को पसंद आएगा लाइक भी करेंगे और लोगों को नहीं पसंद आएगा डिसलाइक भी करेंगे, तो आपके कहने पे नहीं होगा, अर्श की हवेली भाई, हवेली भाई ऐसा करिए एक जरा ले लीजिए गिफ्ट हमसे। तो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, खत्म करते हैं भाई, आप सब लोगों से जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम पे, मेरे आप सब लोगों से लेते हैं विदा, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद जय भारत।